हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। तो आज हम फाइटोहार्मोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीएसआई नेट पे, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2023 में आए हैं। पहला क्वेश्चन है जून 2023 का, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल इज वाइडली यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। ठीक है, कौन से यहाँ पे प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल एनाल्जेसिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है एब्सेसिक एसिड। नहीं, सैलिसिलिक एसिड को एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल एक तरीके से है एस्पिरिन। जैस्मोनिक एसिड को यूज नहीं किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड को यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक स्क्रीन फॉर म्यूटेंट अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ लीफ ट्राइकोम्स हैव लीड टू द डिस्कवरी ऑफ जीन रेगुलेटिंग द ट्राइकोम पैटर्निंग स्पेशली ट्राइकोम डेंसिटी स्पेसिंग एज डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो। यहाँ फिगर में आपको जो है ट्राइकोम डेवलपमेंट के सिग्नलिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है। आपके सामने यहाँ पर चार स्टेटमेंट रखे गए हैं, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला है GL1 म्यूटेंट प्लांट विल शो फ्यूअर और नो ट्राइकोम, क्योंकि देखिए GL1 ट्राइकोम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो अगर GL1 में म्यूटेशन होता है तो या तो प्लांट में ट्राइकोम से नहीं बनेगा या तो बहुत कम बनेगा। इस हिसाब से चले तो ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है। नेक्स्ट, सेल दैट फॉर्म ट्राइकोम दे स्ट्रांगली एक्सप्रेस द GL2 एंड ट्राईजीन। बिल्कुल, जो सेल ट्राइकोम फॉर्म करता है, जैसे कि ये सेल है, ये देखिए ट्राई को भी एक्सप्रेस कर रहा है और GL2 को भी एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ट्रू हो गया। अगला है ट्राई प्रोटीन एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ट्राइकोम सेल डिफरेंशिएशन इन द सराउंडिंग। ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो इसके सराउंडिंग सेल्स होते हैं वहां पे ये ट्राइकोम डेवलप नहीं होने देता है, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ GL1 को इनएक्टिव कर दिया गया है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत बोला है। एडिशन ऑफ एक्सोजेनस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ लीफ ट्राइकोम। नहीं, अगर आप बाहर से जैस्मोनिक एसिड, जो कि एक तरीके से रोल प्ले करता है ट्राइकोम को फॉर्म करवाने में, अगर आप बाहर से जैस्मोनिक एसिड देते हो तो लीफ ट्राइकोम का नंबर कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी गलत देख रखा है। तो ए और बी यहाँ पे सही हो जाते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइटोक्रोम ABA इज करेक्ट। एब्सेसिक एसिड से रिलेटेड यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है हाई लेवल ऑफ ABA प्रीडोमिनेंटली प्रमोट बीबी पेरिंग। तो ये प्रमोट नहीं करता है, ये प्रिवेंट करता है। अगर ABA रहेगा तो बीबी पेरी देखने को नहीं मिलेगी। ABA डेफिशिएंट जो होता है म्यूटेंट, या ABA डेफिशिएंट प्लांट में बीबी पेरी देखने को मिलती है। अगला है ABA बीटा डी ग्लाइकोसाइल एस्टर इज अ एक्टिव फॉर्म। नहीं, ये इसको इनएक्टिव करने का तरीका है। इनएक्टिवेशन ऑफ ABA इन्वॉल्व इट्स ऑक्सीडेशन टू फेजिक एसिड। यस, ये वन ऑफ द प्रोसेस हो सकता है जिससे कि हम ABA को इनएक्टिव कर सकते हैं, स्पेशली जब ABA का काम नहीं होता है बट ABA का अमाउंट प्लांट बॉडी में अच्छा खासा हो चुका होता है, तब जनरली देखा जाता है कि ABA को कॉन्जुगेट करके या अदर टाइप ऑफ फॉर्म में चेंज करके उसको इनएक्टिव किया जाता है। ABA बायोसिंथेसिस अगर एंटायरली इन प्लास्टिड, नहीं, साइटोसोल एंड प्लास्टिड दोनों जगह पे ही देखने को मिलते हैं। तो वी कैन से कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया था। अगला है फॉलोइंग आर सर्टेन फैक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ एब्सेसिक एसिड ऑन द डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट। आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। पहला है ABA प्रमोट लीफ सेनेसेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इथिलीन। ABA जो है लीफ सेनेसेंस करवा सकता है इथिलीन के इंडिपेंडेंट बेसिस पे, ठीक है? देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगला है ABA प्रमोट शूट ग्रोथ एंड इनहिबिट रूट ग्रोथ ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। ये गलत बोला है। वाटर पोटेंशियल की जब कमी रहती है या लो वाटर पोटेंशियल होता है तो उस टाइम पे वो रूट ग्रोथ को बढ़ाता है और शूट ग्रोथ को कम करता है। इस स्टेटमेंट में उल्टा बोला गया है, इसलिए गलत हो गया। अगला है ABA इनहिबिट जिब्रेलिन इंड्यूस्ड एंजाइम प्रोडक्शन। बिल्कुल, जो अमाइलेज एंजाइम होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम, इसको रोकने का काम करते हैं ABA। तो ये सही बोला है। सीड डोरमेंसी इज कंट्रोल बाय द रेशियो ऑफ ABA एंड जिब्रेलिन। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ABA ज्यादा हुआ तो सीड डोरमेंसी रहेगी, और GA ज्यादा हुआ तो सीड क्या रहेगा, सीड जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेशन के लिए हमें हाई ABA चाहिए, हाई जिब्रेलिन एसिड चाहिए, और डोरमेंसी के लिए उनको हाई ABA चाहिए। अब इसी का रेशियो आप बना लीजिए, रेशियो के ऊपर डिपेंड होकर सीड की डोरमेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं, दैट इज ACD, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस ABA इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द लीव्स कॉजिंग स्टोमेटा क्लोजर। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे ABA की मदद से स्टोमेटा का क्लोजर हो जाता है। आपको कुछ यहाँ पे इवेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द स्टोमेटल क्लोजर, आपको उन इवेंट को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये इवेंट कुछ इस तरीके से, हम एक बार पढ़ लेते हैं सारे इवेंट को तभी हम अरेंज करना है। ओपनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम परमिएबल आयन चैनल एंड एलिवेशन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम। अगला है एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनायन चैनल एंड इफ्लक्स ऑफ एनायन एंड पोटेशियम। बाइंडिंग ऑफ ABA टू साइटोसोलिक ABA रिसेप्टर एंड इनहिबिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ टाइप 2C प्रोटीन फॉस्फेटेज दैट इज PB2C। अगला है फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ NADPH ऑक्सीडेज एंड फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्टिक बेस। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है तो ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड मतलब की सीक्वेंस हो रहा है, यानी पहला स्टेप होगा थर्ड सी वाला, यानी पहला स्टेप होगा सी, दूसरा स्टेप होगा डी। अब देखिए CD के लिए हम कंफर्म है और CD जो है यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो ये कट गया। अब हमको डिसाइड करना है ए और बी में से थर्ड सीक्वेंस में क्या होता है। तो देखा जाता है एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनायन चैनल इफ्लक्स ऑफ एनायन एंड पोटेशियम, ये तो लास्ट में हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम परमीएबल आयन चैनल एंड एलिवेशन ऑफ कैल्शियम। यस, तो ये होगा तीसरे नंबर पे और ये होगा फोर्थ नंबर पे, यानी कि हम सी डी
ए बी ले सकते हैं, ये है सीक्वेंस, सही सीक्वेंस राइट। ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। देखा जाए तो ये डायग्राम आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है कि सीक्वेंस में समझाया गया है कि कौन सा एक्शन कब होता है, उसी के बेसिस पे इन्होंने यहाँ सवाल। अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस इन द प्लांट, आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। स्टेटमेंट गलत है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में भी पाया जाता है साइटोकाइन। अगला है डीफॉस्फोराइलेशन, डीलाइगोसाइलेशन स्टेप आर इन्वॉल्व इन टू स्टेप पाथवे फॉर फॉर एक्टिव सीके फॉर्मेशन। अब देखिए ए गलत है, सॉरी ए सही है, बी गलत है राइट। पहले हम अपनी मेहनत थोड़ी कम कर लेते हैं। ए सही है, ए यानी इसमें है और बी गलत है, तो बी को यहाँ से हटा दिया, बी को यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली हम थर्ड ऑप्शन पे पहुंच गए राइट। हमेशा एग्जाम में आपको देखना है कि जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम कितनी जल्दी अपना मेहनत कम कर सकते हैं, क्योंकि हम ए और बी स्टेटमेंट के लिए अभी तक फिलहाल में काफी ज्यादा श्योर है। सी स्टेटमेंट देखते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन एंड डीराइबोसाइलेशन स्टेप आर इन्वॉल्व इन द टू स्टेप पाथवे फॉर द एक्टिव सीके फॉर्मेशन, सही है ये भी। लास्ट हो गया लोनली गाइलेंट लॉग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन सीके मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल ये भी आपको पढ़ाया गया है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ए सी डी सही है, बी गलत है। आप देख सकते हैं लोनली गाय के बारे में जो है आपको पढ़ाया गया है कि किस तरीके से ये काम करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस राइबोसाइट्स देख सकते हैं, राइबोसाइट्स देख सकते हैं, तो ये जो इनका फॉर्म होता है देखिए यहाँ पे जो है ये ग्लाइकोसाइट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसाइट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, एंड इसके अलावा जो है राइबोसाइट्स के भी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ठीक है। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यस करेक्ट आंसर जो है हमारा थ्री होगा। अगला है द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड आर द ग्रुप ऑफ, जिब्रेलिक एसिड क्या है, मोनोटार्पिन है नहीं, जिब्रेलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं राइट, तो मोनोटार्पिन नहीं है, डाइटार्पिन नहीं है, सेकंड ऑप्शन। अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड रिगार्डिंग द जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस इन प्लांट एंड फंजाई, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन प्लांट एंड फंजाई दोनों से रिलेटेड इन्होंने दे दिया है ठीक है। हमने मेनली तरीके से प्लांट के बारे में पढ़ा है, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंजाई से रिलेटेड भी जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही होगा। बोला है टू सेपरेट एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ इंट कोरिन फ्रॉम जीजीडीपी इन द प्लांट, आप पाथवे देखिएगा जब साइटोसॉल एंड ईआर के बीच में जब पाथवे चल रहे हैं तो उस टाइम पे आपको दो एंजाइम का रोल देखने को मिलेगा जो कि जिनाइल जिनाइल डाइफॉस्फेट से इंट कोरिन बनाने का काम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है ओनली सिंगल बाई फंक्शनल एंजाइम कैटालाइजेस द एक्शन ऑफ इंट कोरिन फ्रॉम जीजीडीपी इन फंजाई, तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑल्दो हमने फंजाई में पढ़ा नहीं है बट आप इसको नोट्स में ऐड करके रख लीजिएगा कि फंजाई में जिनाइल जिनाइल डाइफॉस्फेट से इंट कोरिन बनाने के लिए जो है एक सिंगल बाई फंक्शनल एंजाइम काम करता है। अगला है जीए बायोसिंथेसिस जीन आर मोस्टली क्लस्टर्ड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम इन द फंजाई, यस फंजाई में जो है ये सिंगल क्रोमोसोम पे ही जो है जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसाइजिंग जीन जो है क्लस्टर्ड होता है, ये भी सही है। अब इसी का देखिए अपोजिट स्टेटमेंट बोला है कि ये रैंडमली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, तो ये गलत है, इस हिसाब से चले तो हमारा ए बी सी यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीड मैच्योरेशन, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। सीड मैच्योरेशन इन्वॉल्व मेनली द एक्युमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज स्टार्च लिपिड एंड प्रोटीन, सही है ये स्टेटमेंट। अगला है अ लार्ज नंबर ऑफ शैफ्रॉन इंक्लूड द फैमिली ऑफ लेट एम्ब्रियोजेनस लेट एम्ब्रियो अबंडेंट दैट इज लिया प्रोटीन प्ले क्रूशियल रोल इन डेसिकेशन प्रोसेस ऑफ सीड, ये भी सही लग रहा है। अगला है मॉइस्चर कंटेंट गेट रिड्यूस विद द मैच्योरेशन ऑफ सीड, ये भी सही है, मैच्योरेशन स्टेट में क्या करता है वाटर लूज हो जाता है राइट। ए बी एंड जिब्रिन बोथ प्रमोट सीड डोरमेंसी, सिर्फ ए बी प्रमोट करते हैं सीड डोरमेंसी को, जिब्रिलिक एसिड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, हमको ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, दैट इज ओके। ये क्वेश्चन दैट इज परमिडिन जो है किस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को प्रेजेंट करता है, दैट इज पॉलीअमाइन, ये हमने प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइज्म में भी पढ़ा था। अगला है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको ये बताना है ओके। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि ऐसे ऑप्शन को पिक करें जिस ऑप्शन से जो है हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। पहला लीफ लॉन्जिविटी इज इंक्रीज इन इथिलीन इनसेंसिटिव म्यूटेंट दैट इज ETR1 एंड EIN2 ऑफ अरेबिडोप्सिस ओके। अगला है प्रोग्राम सेल डेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिकल्स थ्रॉन्स एंड स्पाइंस इन द प्लांट, तो देखिए हमने एक्चुअल में देखा जाए तो हमने प्रिकल्स थ्रॉन्स एंड स्पाइंस के बारे में तो पढ़ा है लेकिन उनके प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में हमने इतना डिटेल में हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा है राइट। तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं है, दैट डजंट मीन कि एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमने इनका सिर्फ डिफेंस में रोल देखा था। अगला देखिए सेनेसेंस एंड पीसीडी अकर ओनली इन डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू एंड डज नॉट अकर इन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, हमने दैट इज एक तरीके से प्लांट में जो गैमेटोजेनेसिस थे उस केस में देखा था कि पीसीडी होता है राइट जब, तो फिर तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू में ये पॉसिबल है, तो देखा जाए तो सी स्टेटमेंट एकदम से ही पूरा का पूरा गलत बोला है। अब सी स्टेटमेंट गलत बोला है तो देखिए सी इधर भी है और इधर भी है, यानी कि हम बाकी स्टेटमेंट पे श्योर थे या नहीं थे बट हमने थर्ड स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा है, दैट इज कि सेनेसेंस जो होता है पीसीडी वो वेजिटेटिव टिश्यू में तो देखने को मिलता ही है लेकिन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में भी देखने को मिलता है राइट। और प्रोग्राम सेल डेथ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं, तो देखा जाए तो हमको ए बी डी जो है हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन रह जाता है
Or last, a redifferentiation of ormolies in an that is integral component during the initial stage of senescence in the plant. So yes, redifferentiation भी हो सकता है organelles का. तो देखा जाए तो leaf longevity पहला बोला था कि increasing ethylene insensitive mutant that is ETR1 and EIN2 of Arabidopsis. तो leaf की जो longevity होती है वो increase हो जाती है जब एक plant जो है ethylene insensitive मतलब हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि उसमें mutation हो चुका है और ethylene रहता है तो फिर senescence promote करता है, right? तो ये भी सही हो गया. और जो prickles, thorns and spines होते हैं उनके डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट इनका नहीं पढ़ा, हमने फॉर्मेशन नहीं पढ़ा, हमने बस इनका रोल पढ़ा है. तो इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन आपको एज अ क्वेश्चन मिल रहा है उनको आप नोट्स में ऐड करते जाइए, ठीक है. तो देखा जाए तो ए बी एंड डी तीनों ही ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं. तीनों ही ऑप्शन को जो है आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज हमने ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया क्योंकि हमें थर्ड ऑप्शन के बारे में पता था. सो वी कैन गो विद दी ऑप्शन नंबर थ्री. अगला क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है कॉलम 1, 2, 3 के बीच में. ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन ये कैसे रिसेप्टर है, ये सॉल्युबल रिसेप्टर है, राइट? तो ए का हो गया बी. और ये कौन से तरीके से सिग्नलिंग करते हैं, रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द प्रोटीज ऑफ मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन, दैट इज क्लियर. बी देखिए, बी हो गया साइटोकाइनिन एंड ग्लाइकोसिनोस्टेरॉल और ये दोनों ही जो है ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ए हो गया. और ये रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं बाय फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन, ये भी सही हो गया. तो इस तरीके से देखें तो ए बी का थ्री, सॉरी थ्री नहीं टू, थ्री ऑप्शन में नहीं, टू, ए बी का टू हो गया एंड बी ए का वन हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंड्यूस हाइफल ब्रांचिंग ऑफ एरबेस्क्यूलर माइकोराइजल फंजल ऑफ प्रेडोमिनेंट दैट इज ऑब्जर्व एट द इनिशियल स्टेज ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय दीज फंजाई. तो अगर एरबेस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई की बात करते हैं, दैट इज मीनिंग हाइफल ब्रांचिंग है, तो उस केस में स्ट्रियोलिप्टन हेल्प करता है, पढ़ाया गया है आपको क्लास के लिए क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर हैज ऑब्टेन एन एरबिडोप्सिस म्यूटेंट डिफेक्टिव इन स्ट्रियोलिप्टन्स अनोवर प्लांट फॉर्मिंग. द फॉलोइंग स्टेटमेंट वी मेड रिगार्डिंग द म्यूटेंट फिनोटाइप, यानी कि अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट एक ऑब्टेन किया गया जिसमें स्ट्रियोलिप्टन डिफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा है. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है शूट ब्रांचिंग गेट इनहैंस इन द म्यूटेंट, म्यूटेंट में शूट ब्रांचिंग इनहैंस हो जाएगी क्योंकि स्ट्रियोलिप्टन क्या करता है, स्ट्रियोलिप्टन जो है शूट ब्रांचिंग को रोकता है, राइट? इसी वजह से जो है अब ये म्यूटेंट जब स्ट्रियोलिप्टन काम नहीं कर रहा है तो शूट ब्रांचिंग क्या हो जाएगी, इनहैंस हो जाएगी. तो ये ट्रू हो रहा है, यानी इसके जो फंक्शन है स्ट्रियोलिप्टन के फंक्शन थे वो फंक्शन नहीं हो पाएंगे और जिस चीज को वो इनहिबिट कर रहा था वो अब वो चीजें होते हुए दिखेंगी प्लांट, राइट? नेक्स्ट, हाइफल ब्रांचिंग ऑफ एल्बस्क्यूलर माइक्रोराइजल गेट इनहैंस, इनहैंस नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन इन म्यूटेंट प्लांट. शूट ब्रांचिंग गेट इनहिबिटेड, इनहिबिट नहीं होगा, दैट इज इनहैंस हो जाएगा, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में मिला था. गलत, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ पैरासिटिक प्लांट इज प्रिवेंटेड एग्जैक्टली नियर द म्यूटेंट प्लांट. क्योंकि जनरली क्या होता है, स्ट्रिगोलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो उस टाइम पे जो पैरासिटिक प्लांट के सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं प्लांट के पास रहने पे, लेकिन क्योंकि म्यूटेंट है तो स्ट्रिगोलेक्ट्रॉन सिंथेसाइज नहीं करेगा, राइट? तो देखा जाए तो ए एंड डी सही हो गया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. अगला है, प्लांट पैथोजन प्रोड्यूस एफेक्टर मॉलिक्यूल दैट एड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ देयर होस्ट सेल. कॉलम एक्स डिनोट द नेम ऑफ एफेक्टर मॉलिक्यूल एंड कॉलम वाई डिनोट द पोटेंशियल ऑप्शन. आपको मैच करना है एचसी टॉक्सिन, ठीक है, ए की बात करते हैं. एचसी टॉक्सिन क्या करता है, हमने बहुत अच्छे से इन सबके बारे में पढ़ा है. एचसी टॉक्सिन दैट इज इट इनहिबिट दी स्टोन डी एसिडाइलेशन, स्टोन डी एसिडाइलेशन को जो है एक्चुअल में इनहिबिट करता है. बी देखिए, फुजिकोसिन, फुजिकोसिन क्या करता है, दैट इज एच प्लस एटीपीएस को एक्टिवेट करता है. सी देखिए, जीए थी जिब्रेलिक एसिड क्रिया करता है, एक्सेलरेट करता है ग्रोथ को, जिसको कि किसमें देखा गया था, जिब्रेला फुजिकोरोई में. सी का सेकंड हो गया. और बच गया डी, दैट इज कैन, ये एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन को. इस हिसाब से चलते हैं तो ए का थ्री, बी का फोर, सी का टू, डी का वन, दैट इज सेकंड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड टू डिस्क्राइब ऑक्सिन सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर बाइंडिंग टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यू नीड टू पिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन. करेक्ट कॉम्बिनेशन ही तीन सही होगा और कोई एक गलत होगा, क्योंकि तीन तीन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है. पहला है एआरएफ आर न्यूक्लियर प्रोटीन दैट बाइंड टू ऑक्स आई टू एक्टिवेट और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन, सही है, बाइंड करेगा तो एक्टिवेट होगा, नहीं बाइंड करेगा तो रिप्रेस होगा. अगला है ऑक्स आईएए प्रोटीन आर सेकेंडरी रेगुलेटर ऑफ ऑक्सिन इंड्यूस्ड सिग्नलिंग एक्सप्रेशन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्स आईएए प्रोटीन टू एआरएफ ब्लॉक इट्स ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, बिल्कुल सही, ट्रू. ऑक्सिन बाइंडिंग टू टीआईआर एएफबी प्रमोट्स यूबीक्यूटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्स आईएए प्रोटीन, सही है, ट्रू. ऑक्सिन बाइंडिंग टू ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन बाय द 26 प्रोटीओसोम और पाथवे में एआरएफ का थोड़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ये गलत हो गया, तो एबीसी सही हो गया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. The plant hormone endothelial acetic acid is present in most plants. The structure of this hormone is related to which one of the following amino acids? So, IAA की बात की गई, तो of course it is tryptophan. During the development of embryo in plant, pin protein are involving. That is, pin protein किसमें involve होता है? Establishment of auxin gradient, yes. Gene regulation नहीं, programmed cell death नहीं, induction of cell division. Bending of polypeptide tip of a oats toward the source of unilateral light of wavelength 454 nanometer is due to the किस वजह से होता है? तो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि पोलियोटाइल बेंड हो रहा था ऑक्सिन के डिस्कवरी में, किस वजह से था? ड्यू टू द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन टुवर्ड्स शेडेड एरिया, बिल्कुल सही.
पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन भी नहीं, ऑक्सिन का डिग्रेडेशन भी नहीं, सिंथेसिस इन द शेडेड एरिया भी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. The defect in measured semi-drop gene of rice SD1 that lead to the cultivar with a short, thick clumps and improved lodging resistance. The gene is related to which one of the following phytohormone? The semi-drop gene देखा गया rice में SD1 जिसको बोला जा रहा है, तो ये जो gene है किस phytohormone से related है, right? और उसमें defect देखा गया है बोला जा रहा है. तो ये gene किससे related है? That is, this is related to the gibberellins. अब देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो semi-drop that is SD1 phenotype is a result of deficiency of active GA. जो एक्टिव जिबरेलिक एसिड होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है एक तरीके से हमें सेमी ड्रॉप फिनोटाइप देखने को मिलता है. द एलोंगेटिंग स्टेम अराइजेस फ्रॉम द डिफेक्टिव 20 ऑक्सीडेज जीए बायोसिंथेसाइजिंग एंजाइम. अब इसके बारे में जो है मैंने यहाँ डिटेल में कुछ तरीके से नोट्स डाल के रखा है, आप चाहे तो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ सेवरल जिबरेलिंस आइडेंटिफाइड इन प्लांट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव. कौन सा बायोएक्टिव नहीं है? तो फर्स्ट तो है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, GA5 बायोएक्टिव जिबरेलिंस नहीं है. The plant hormone gibberellic acid is generally not associated with stem elongation करवाता है, पार्थेनोकार्प भी करवाता है, पार्थेनोजेनेसिस नहीं करवाता, माल प्रोडक्शन करवाता है. कौन सा फंक्शन नहीं है? थर्ड वाला फंक्शन है. That form interface between the embryo and the starchy endosperm tissue is called. जो absorptive organ था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? That is scutellum. Scutellum के थ्रू ही जो है जब शुगर मोबिलाइज हो जा रही थी तब उसे scutellum के थ्रू ही absorb किया जा रहा था. Gibberellic acid controls seed germination by directing breakdown of stored starch in which one of the following tissue of barley seed alpha amylase gene is induced in response to GA. कौन से टिश्यू में होता है? Endosperm नहीं, polyptile भी नहीं, it's a albumin layer, embryo भी नहीं, right? तो alpha amylase gene का induction जो है albumin layer होता है. Example of many factors that regulate the plant height in response to gibberellic acid. आपको correct combination बता रहा है ना? Binding of GA bound repressor to the promoter of Della domain containing the GRAS domain gene and blocking its expression. Galat. Binding of GA receptor complex to GRAS. ठीक है. Directing the GRAS for ubiquitination and degradation of 26S proteasomer. बिल्कुल सही. MicroRNA directed down regulation of GRAS protein expression. नहीं. तो B and C event बहुत easily explain करके रखा है और आपको जब समझाया गया था gibberellic acid तब भी explain किया गया. तो B और C यहाँ पे सही लग रहे हैं. Second option को सामने ला सकते हैं. Which one of the following statement regarding the seed germination of wild type plant is not correct? कौन सा correct नहीं होगा? Low AB and high bioactive GA can break seed dormancy. सही. Light accompanied with the high temperature can break seed dormancy. हमने ऐसा कोई condition नहीं देखा कि seed की dormancy को break करने के लिए light along with high temperature की requirement हो. GA induced synthesis of the hydrolytic enzyme in the cereal grain, बिल्कुल alpha amylase की बात की गई है. Degradation of the carbohydrates and storage protein provide nourishment and energy to support seedling growth. बिल्कुल. जो यहाँ पे starch का mobilization हुआ था ना उसी की बात की गई है. तो second option जो है यहाँ पर सही नहीं है. A farmer growing a particular variety of grape plant in a vineyard observe the following. Root size normally remained small. Natural seed abortion. Development of fungal infection as the pedicels are small in size due to which the moisture is retained in the bunches of grapes. Experts suggested spraying gibberellic acid during the fruit development. This treatment would help in getting rid of. तो बोला जा रहा है कि grapes का plant है उसमें कुछ issue है, जैसे कि fruit बहुत छोटे हैं, seed abort हो जा रहा है और fungal infection भी हो जा रहा है क्योंकि जो pedicels हैं वो काफी छोटे छोटे और वहाँ पे moisture content रह जा रहा है. यानी कि अगर किसी expert ने suggest किया कि इन problems को अगर खत्म करना है तो gibberellic acid को apply करना शुरू कर दो. तो बोला जा रहा है कि gibberellic acid apply करने से इनमें से किसके लिए जो है हम मतलब कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन मिल पाए, यानी किससे हम किसको हम अवॉइड कर पाएंगे. तो देखिए जिबरेलिक एसिड अगर हम फ्रूट को देंगे तो फ्रूट का साइज हमें बड़ा मिल जाएगा, पहले वाले का तो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिबरेलिक एसिड के थ्रू. सीड अबॉर्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिबरेलिक एसिड को अप्लाई करके, और फंगल इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं कैसे? जिबरेलिक एसिड जब अप्लाई करेंगे तो पेडिसेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा, पेडिसेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अब कम रिटेन होगा और फ्रूट्स भी बड़े होंगे. यानी कि इन तीनों प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हमको जिबरेलिक एसिड से मिल सकता है, यानी वी कैन गो विद ए बी एंड सी. The dwarf pea mutant LE used by the Mendel was defective in which of the following enzyme involved in the gibberellin biosynthesis? Mendel के द्वारा जो small LE जो कि dwarf pea plant mutant plant था उसमें किस चीज में defect था? Int corin synthesis में नहीं, GA3 beta hydroxylase में defect था अगर आपको याद हो तो. GA20 oxidase में नहीं, int corinic acid hydrolase में. Which of the following factor is known to involve in the postponing programmed cell death in the cereal environ until the endosperm mobilization is completed? यानी कौन सा यहाँ पे फैक्टर जो है प्रोग्राम से उधर पोस्टपोन करता है जब तक एंडोस्पर्म मोबिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन? जिबरेलिक एसिड तो नहीं करता है, एब्सेसिक एसिड करता है इसका मतलब कि प्रोग्राम से उधर को पोस्टपोन करने का काम. एसिडिक पीएच ऑफ वैक्यूल भी नहीं करता है एंड सीजीएमपी मीडिएटेड सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे भी नहीं. वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन. अगला है, प्रोग्राम से उधर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एल्बेरॉन. फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फाइटोहार्मोन एंड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. आपको करेक्ट बताते हैं, जिबरेलिक एसिड प्रमोट पीसीडी यस, एब्सेसिक एसिड पोस्टपोन पीसीडी यस, साइक्लिक जीएमपी सिग्नलिंग पोस्टपोन पीसीडी नो, नाइट्रिक ऑक्साइड स्कैवेंजर डिले पीसीडी नो. तो ए और बी यहाँ पे सही हो जाते हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन. अगला सवाल है, अ रिसर्चर डेवलप अ म्यूटेंट ऑफ एराबिडोप्सिस प्लांट वेयर द फंक्शन ऑफ स्लीपी वन कंटेनिंग एससीएफ कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिसरप्टेड. ओके, स्लीपी वन का फंक्शन डिस्टर्ब कर दिया गया है
Which of the following statement is incorrect? कौन सा statement incorrect होगा in developed mutant inhibition होती है जुबेलिक एसिड signal transduction. पहला GA will bind to the GID1 protein. Yes, GA का GID1 से binding एकदम normal होगा. GA, GID1 and Della protein का complex भी ठीक-ठाक बनेगा. Della protein will be ubiquitinated? नहीं, ये नहीं होगा. क्योंकि ubiquitinated करने का काम जो है तब होता है जब F box का that is SLY gene activate होगा. तभी ubiquitination होगा. और SLY gene ही क्या है यहाँ पे defective है. तो ubiquitination नहीं होगा. Della protein will not be degraded? Yes. तो कहा गया कौन सा incorrect है? Third incorrect. अगला है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिबरेलिक एसिड सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन. आपको करेक्ट पिक करना है. डेला प्रोटीन नेगेटिवली रेगुलेट द जीए सिग्नलिंग. बिल्कुल सही. डिग्रेडेशन ऑफ जीआईडी जीआईडी 1 इज मेडिएटेड बाय डेला प्रोटीन. जीआईडी 1 का सबसे डिग्रेडेशन है जो रिसेप्टर है ना. गलत हो गया ये. यूबिक्यूटिनेशन एंड सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ जीआईडी 1. जीआईडी 1 के इंडिपेंडेंट बेसिस पे चलता है? नहीं भाई, जीआईडी 1 के इंडिपेंडेंट बेसिस पे नहीं चलता है. जब जीए जीआईडी 1 से बाइंड करता है तो उसके बाद जो है जीआईडी 1 की बाइंडिंग एक तरीके से डेला से होती है. राइट. GA binding to GID1 promote the binding of GID1 to Della protein. Exactly. ये सही है. तो A और D सही है, यानी fourth सही है. हमारा fourth option सही है. अगला है following statement are made regarding the plant hormone gibberellins. 2023 में यानी सबसे recent question है ये, December में पूछा गया है. आपको बताना है correct option का combination. Gibberellin are ubiquitous in plant and are also present in several fungi. बिल्कुल सही बोला है. GA1 is most abundant gibberellin produced in the fungus Fusarium fusicoroi, जिसे पहले Gibberella fusicoroi कहा जाता था. It's not GA1, it was GA3. GA3 को देखा गया था. तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. GA3 stimulate the dramatic stem elongation in the dwarf maize mutant but has little effect on tall and wild type plant. बिल्कुल सही है. dwarf maize mutant में अगर आप GA3 देते हैं तो उसका stem का elongation होगा, लेकिन wild type में देते हैं तो उसका effect जो है उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि wild type में already appropriate height होती है. The application of exogenous gibberellin cause upregulation of a GA20 oxidase and GA3 oxidase gene. नहीं, GA20 oxidase का तो क्या काम होता है? inactive करना है. इसको थोड़ी upregulate करेगा. तो देखा जाए तो A and C सही हो जाते हैं. That is fourth option. Which one of the following referred as a tuberonic acid? इसको भी पढ़ाया गया है. tuberonic acid हमने jasmonic acid में पढ़ा था. तो उसका कौन सा यहाँ पे कौन सा tuberonic acid है? देखा जाए तो fourth होगा. That is 12 hydroxy 7 iso jasmonic. तो हम tuberonic acid कहते हैं. Okay, column one, column two को आपको match करना है. A है auxin. auxin को हम किससे match कर सकते हैं? tryptophan से. tryptophan का precursor होगा. B है cytokinin, को हम adenosine moiety से match कर सकते हैं. C है ethylene. ethylene का हो गया ACC. That is one amino cyclopropane, one carboxylic acid. That is fourth. और D है gibberellin, जिसको कि हम gibberellin diphosphate से match कर सकते हैं. तो कुछ यहाँ पे जो दिए गए हैं एक्चुअल में बायोसिंथेसिस प्रिकर्सर दिए गए हैं. आपको मैच करना था उसको. ए थ्री बी टू सी फोर. ए थ्री बी टू सी फोर डी वन. थर्ड ऑप्शन मैच हो गया. द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी जो है आपके दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे लोकली एक्टिवेटेड फॉलोइंग द पैथोजन इन्फेक्शन और पेस्ट अटैक. आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है. व्हेन जे आइसोलेसिन लेवल राइजेस The JAS protein interact with COI1 protein and get degraded by 26S proteasomal pathway. जब J signaling चलेगी तो JAS जो है COI के साथ interact करेगा और इसका degradation हो जाएगा 26S proteasomal pathway से. तो ये सही है. Elevated ROS level enhance SA mediated defense signaling. Yes, ROS जो है बहुत से pathway को activate कर सकता है. One of the pathway जो है वो SA mediated defense signaling हो सकता है. Under normal condition that is uninfected, NPR1 is preferentially located in the nucleus. नहीं है, cytosolic area में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि अभी तक infection ही नहीं फैला. अगला जिबरेलिक एसिड एंड एब्सेसिक एसिड cannot participate in plant defense signaling. गलत है. They can. तो देखा जाए तो सी और डी गलत हो गया, ए और बी सही हो गया. दैट इज फोर्थ ऑप्शन. अगेन मैच द फॉलोइंग करना है. यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे फाइटो हार्मोन. ऑक्सिन का किसके साथ हो जाएगा? पोलर ट्रांसपोर्ट. ऑक्सिन क्या करवाता है? पोलर ट्रांसपोर्ट करवाता है. जिबरेलिक एसिड सी डोर्मेंसी को ब्रेक करता है. साइटोकाइनिन लीफ सेनेसेंस को डिले करता है. एंड एथिलीन एपिनेस्टिक बेंडिंग करवाता है लीफ में से. राइट. तो ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन एंड डी का टू. दैट इज थर्ड ऑप्शन. अगला है डार्क ग्रीन रैबिट ऑफ सीडलिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू एथिलीन गैस शो ट्रिपल रिस्पॉन्स. Following are certain statement regarding the triple response. आपको बताना है correct statement. पहला, a dominant ethylene receptor mutant will not show triple response in the presence of ethylene. बिल्कुल सही बोला. Next, tightening of apical hook is one of the feature. One of the feature of triple response. True. Loss of function of multiple receptor will show triple response even in the absence of ethylene. बिल्कुल सही है. Increasing hypocotyl length is a feature of triple response. Hypocotyl के length में increase नहीं बाबा, decrease होता है. याद होगा आपको कोड छोटू मोटू कर लू. राइट. तो छोटा होना चाहिए, बड़ा कैसे हो रहा है? तो ये गलत हो गया. देखिए, और वैसे भी देखिए, डी अगर गलत है तो डी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. और डी इतना कॉमन स्टेटमेंट है जो कि हम ट्रिपल रिस्पॉन्स में पढ़ते हैं. उस हिसाब से चले तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है. फॉर विच ऑफ द प्लांट हार्मोन बायोसिंथेसिस पाथवे वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ इंटरमीडिएट. अभी अभी हमने इसको मैच द फॉलोइंग में किया था. दैट इज एथिलीन. आप देख सकते हैं ये राइट. एथिलीन इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Some statement are given below in relation to the ethylene signaling pathway. आपको बताना है correct combination. दो सही होंगे, दो गलत होंगे. Unbound ethylene receptor work as a positive regulator of response, meaning negative regulator की तरह काम करता है. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया.
देखिए दोनों में सी कॉमन है, यानी सी हर हाल में सही होगा। बी में देखिए क्या बोला है, देयर आर मोर देन 2 इथिलीन रिसेप्टर नोन टू द ग्रेप। यस हमने लगभग 5 देखे थे, राइट सही हो गया ये। सी तो हमने बोला एज इट इज, यहां सही हो जाएगा। बोला क्या है, कार्बोक्सिल टर्मिनल हाफ ऑफ इथिलीन रिसेप्टर ETR1 कंटेन अ डोमेन होमोलॉगस टू द हिस्टिडीन काइनेज कैटालिटिक डोमेन। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसके रिसेप्टर को भी 2 कंपाउंड सिस्टम को मॉडिफाइड फॉर्म ही कहते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट EIN2 इनकोड अ ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन, EIN2 म्यूटेशन प्रमोट द इथिलीन रिस्पॉन्स इन बोथ सीडलिंग एंड एडल्ट एरेबिडोप्सिस में ही। इसमें म्यूटेशन होगा तो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो बी और सी सही हो जाते हैं, दैट इज सेकंड ऑप्शन। Dark brown seedling display triple response when exposed to ethylene. Which one of the following is not a part of triple response? कौन सी यहाँ पे triple response का part नहीं है? पहला decrease in apical elongation. Yes, triple response. Rapid unfolding and expansion of leaves. नहीं, ये triple response में है. Thickening of shoot. Yes. Horizontal growth of apical. जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं curl होना. Right? ये आपको class में बताया गया है. तो देखा जाए तो second option जो है ethylene response नहीं है. Typical morphological defect are routinely used in genetic screen to identify the novel gene in the signal transduction pathway. Which one of the following morphology has been used to decipher the ethylene signaling pathway? कौन सी यहाँ पे तरीका यूज किया गया ethylene signaling pathway को discover करने के लिए? पहला है light brown morphology of seedling, नहीं triple response को लिया जा सकता है, dark brown को भी हम नहीं लेंगे, morphology of two leaves भी नहीं लेंगे। Triple response will be the best pathway to study regarding the ethylene signaling pathway. इथिलीन बाइंडिंग टू रिसेप्टर डज नॉट लीड टू इथिलीन की, इथिलीन अपनी रिसेप्टर से जब बाइंड करता है तो क्या नहीं होता है? डाइमराइजेशन तो होता है, फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, एक्टिवेशन ऑफ CTR रैप काइनेज भी नहीं होता है, एंडोसाइटोस भी नहीं होता है। तो एक्चुअली इसका आंसर 2, 3, 4 तीनों ही होना चाहिए, बट 2011 का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है इस क्वेश्चन में। अगला है डार्क ब्राउन एरेबिडोप्सिस सीडलिंग शो ट्रिपल रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू इथिलीन हार्मोन। Which one of the following option is the characteristic of a triple response? कौन सी यहाँ पे characteristic triple response है? पहला है reduce shoot elongation, yes यानी छोटू, increase shoot thickening यानी मोटू, and tightening of apical loop यानी कड़ू। ये पहला ही option देखिए हमारा सही हो गया, right? अगला question है plant makes several hormones that are important for growth and development. Some statement on plant growth, plant hormone are given below. आपको बताना है correct statement. पहला ऑक्सिन इज प्रोड्यूस प्राइमरली इन रूट एपेक्सिस, नहीं भाई शूट एपेक्सिस में हमने देखा था, तो ये तो क्या गलत। साइटोकाइनिन आर स्मॉलर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपाउंड, बिल्कुल सही। देखिए अब ए गलत हो गया, तो देखिए यहाँ पे ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, यानी ऑटोमेटिकली हम सेकंड ऑप्शन को पिक करेंगे, बट देख लेते हैं क्या क्या बोला है। जिबलिन आर द लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपाउंड, यस डिफाइंड बाय नॉट ओनली इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन बट आल्सो बाय देयर स्ट्रक्चर। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा C19 C20 का केस है, तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से भी इसको जाना जाता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप का रोल प्ले करता है। ब्रासिनोस्टेरॉइड आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन व्हिच कंट्रोल द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे बी सी डी तीनों ही सही हो जाता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। अगेन अगला भी स्टेटमेंट फंक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन से रिलेटेड है, आपको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। इथिलीन रेगुलेट एब्सेशन, इथिलीन जो है एब्सेशन को रेगुलेट करता है, सही। जिबलिन डू नॉट प्ले रोल इन द फ्लावरिंग, गलत। ऑन्सिन एंड साइटोकाइन कैन प्रमोट सीड डिवीजन, यस। अब जरा सा देखते हैं कि ए सही है, तो देखिए ए सही है, तो ए सिर्फ एक ही में, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इसके हटते ही हमारे पास देखिए डी ऑप्शन सभी में था, डी ऑप्शन भी हट गया, तो डी ऑप्शन को हम बिना पढ़े भी हटा सकते हैं। उसके बाद बाकी ऑप्शन में ई था, इसमें ई नहीं है, राइट, तो ई ऑप्शन भी हम हटा सकते हैं। ई में बोला ए बी इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड प्रमोट शूट ग्रोथ एट लोअर वाटर पोटेंशियल, नहीं। हमने आगे भी देखा कि ऐसा ही ऑप्शन एक और भी पूछा गया था, तो ए बी क्या करता है, ए बी रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, शूट ग्रोथ को कम करता है जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन चल रहा होता है। ए बी प्रमोट लीफ सेनेसेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इथिलीन, बिल्कुल, इथिलीन के इंडिपेंडेंट बेसिस पे जो है ए बी अलग से भी जो है लीफ सेनेसेंस करवा सकता है। तो देखा जाए तो एफ सही है, सी हो गया, ए हो गया, देन ए सी एफ यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। While screening an EMS mutagenized population of plant, a researcher identified a mutant with a reduced gibberellic acid sensitivity. Okay, एक mutant देखा गया जिसमें कि gibberellic acid से related sensitivity कम हो चुकी थी. Which of the following protein is most likely to be defective in this mutant? अब आपको बताना है कि इस mutant में और कौन सा protein defective हो सकता है. SNRK का relation देखिए ABA से है, तो ABA gibberellic acid के case में तो role play नहीं करेगा. CTR1 का relation ethylene से है, ये भी role play नहीं करेगा. PIF का relation gibberellic acid से है, right? Photomorphogenesis में दोनों मिलकर जो है अपना role play करते हैं. तो ये एक option हमारे पास possible लग रहा है. COI1 तो जिबलिक एसिड का, सॉरी जैस्मोनिक एसिड का केस है, तो सारे अलग अलग फाइटोहार्मोन के सिग्नलिंग में से इंटरमीडिएट लिए गए हैं, जिबलिक एसिड से रिलेटेड सिर्फ PIF ही है यहाँ पे, तो वी कैन गो विद दिस ऑप्शन। ब्रासिनोस्टेरॉइड आर द ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन दैट फंक्शन इन वैरायटी ऑफ सेलुलर इन डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट इन प्लांट। Which one of the following act as an inhibitor of racinosteroid signaling? Racinosteroid signaling के लिए कौन से यहाँ पे inhibitor की तरह काम करेगा? BRI1 नहीं है, PKI1 नहीं, exactly, ये होगा। PAC1 भी नहीं है, BSK1 भी नहीं, second. Plant growth hormone receptor namely as a TIR1, GID1, COI1 and PYL1. When knocked out independently in the Arabidopsis plant, the resulting plant are named as TIR1, GID1, COI1 and PYL1. Which one of the following statement regarding the Arabidopsis plant is correct? कौन सा statement यहाँ पे correct होगा? ठीक है, mutant के regarding. तो जो म्यूटेंट क्रिएट हुए हैं प्लांट में उनको नाम दिया गया है स्मॉल लेटर्स। तो बोला TIR1 इज डिफेक्टिव इन ABA, तो देखिए ध्यान दीजिएगा TIR1 रिसेप्टर दैट इज एक तरीके से ऑक्सिन का है, तो वो ABA में डिफेक्ट क्यों शो करेगा? GID1 डिफेक्टिव इन ऑक्सिन, अगेन गलत, GID1 अगर डिफेक्टिव हुआ तो वो जिबरेलिक एसिड में गड़बड़ी करेगा, राइट, सिग्नलिंग में। COI1 डिफेक्टिव इन GA सिग्नलिंग, यस ये सही मैच बोला है। PYL1 इज डिफेक्टिव इन ABA सिग्नलिंग, ये भी सही मैच बोला है। TIR1 डिफेक्टिव इन जिबरेलिक एसिड नहीं, ऑक्सिन में, सिंपल सी बात है।
TIR1 ये डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव इन ऑक्सीजन सिग्नलिंग, राइट। GID1 जो है, GID1 म्यूटेंट, इसका किसमें डिफेक्ट होगा? डिफेक्टिव इन जिबरेलिक एसिड सिग्नलिंग। COI1 किसमें डिफेक्टिव होगा? जैस्मोनिक एसिड में। PYL1 ये डिफेक्टिव किसमें होगा? ABM। ओके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन, पहला है ऑक्सिन, नहीं जिबरेलिन भी नहीं, साइटोकाइनिन जो है टू कंपोनेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है एब्सेसिक एसिड। अगला है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्लांट लैंग्वेज, एक ऑप्शन बना दूंगा। पहला है, व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द राइजोस्फीयर डिक्रीजेस ड्यू टू द वाटर डेफिसिट, द प्लांट कैन कंटिन्यू टू अब्सॉर्ब वाटर एज लॉन्ग एज प्लांट वाटर पोटेंशियल इज लोअर देन द सॉइल वाटर पोटेंशियल। एंड स्ट्रेस, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो स्ट्रेस में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक प्लांट को वाटर स्ट्रेस देने को मिल रहा है, उस टाइम पे अगर उसका जो रूट एरिया है वो तब तक उसके रूट में वाटर पोटेंशियल कम है, तब तक वो सॉइल से वाटर पोटेंशियल से जब तक सॉइल से वाटर लेता रहेगा, तो ये ट्रू है। अगला है, द रेशियो ऑफ रूट टू शूट ग्रोथ इंक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर डेफिसिट, रूट टू शूट मतलब रूट ग्रोथ बढ़ेगा, शूट ग्रोथ कम हो जाएगा। यस, जब वाटर डेफिसिट होता है, वाटर की कमी होती है, तो शूट की ग्रोथ को कम कर दिया जाता है ताकि जो एरियल पार्ट है वहां से वाटर का लॉस कम हो ड्यू टू द इवेपोरेशन एंड ग्रोथ, राइट। टू लोअर वाटर पोटेंशियल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑस्मोटिक स्ट्रेस, नहीं कि सॉल्यूट रिलीज नहीं करते हैं, या करते हैं सॉल्यूट को एक्यूमुलेट करते हैं। इनफैक्ट हमने केस देखा था, राइट, ये गलत हो गया। एब्सेसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड एट अ हायर रेट व्हेन लीव्स आर डिहाइड्रेटेड एंड मोर एबी एक्युमुलेट इन द लीफ एपोप्लास्ट, यस ये भी सही है। फ्रैक्चर हम स्ट्रेस में भी प्रॉपर कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर सी को हटा दिया जाए तो ए बी डी सही हो जाता है, ए बी डी यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। द प्लांट हार्मोन फाइटोहार्मोन प्लस स्ट्रेस का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे फाइटोहार्मोन जो डेसिकेशन टॉलरेट करवाता है वो होता है एबीए, और क्योंकि डेसिकेशन टॉलरेंस एक टाइप का स्ट्रेस है। अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर ऑफ सेनेसेंस एक्टिवेटर जीन दैट इज SAG12, तो IPT जीन को जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर SAG12 इसके अंडर में एक्सप्रेस करवाया गया सम तो ऑब्वियसली IPT जीन क्या करेगा, देखिए अभी सेनेसेंस एक्टिवेटेड प्रमोटर जो है सेनेसेंस एक्टिवेटेड जीन का जरूर है, बट IPT जीन को जब एक्सप्रेस करवाएगा तो आपको पता है कि IPT जीन क्या करेगा, साइटोकाइन 30 क्या होगा, सेनेसेंस डिले होगा, तो बोला इट विल एग्जिबिट द डिले सेनेसेंस, बिल्कुल सही, इट विल एग्जिबिट फास्ट सेनेसेंस, नहीं हैव हायर अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन ड्यूरिंग द सेनेसेंस, यानी कि अगर जब सेनेसेंस होगा भी क्या बोला है, जैस्मोनेट जो है ये इनहिबिट करता है रूट के ग्रोथ को, रूट ग्रोथ को, और ऑक्सिन फैसिलिटेट द रूट ग्रोथ, और ऑक्सिन जो है इस रूट ग्रोथ को करता है, ठीक है। अपॉन इन्फेक्शन विद द पैथोजेनिक बैक्टीरिया That produce chloronatin, we may expect the following in the plant. अब क्या किया जा रहा है, प्लांट में जो है एक pathogenic bacteria एक तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, जिसमें ऑलरेडी chloronatin का प्रोडक्शन हो रहा है, उस केस में क्या होगा। अब chloronatin की जब हम बात करते हैं, यानी ऑब्वियसली हम COI जीन की बात कर सकते हैं, राइट, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली COI जीन का अपरेगुलेशन होगा, और COI जीन अगर आप रेगुलेट होता है तो वो किसके थ्रू काम करेगा, जैस्मोनिक एसिड पाथवे के थ्रू काम करेगा, जैस्मोनिक एसिड क्या कर रहा है, रूट के ग्रोथ को रोक रहा है, तो COI जीन का अपरेगुलेशन होगा, रूट ग्रोथ इनहिबिट होगा, ये सही हो गया। अपरेगुलेशन ऑफ ऑक्स1 जीन, अपरेगुलेशन ऑफ ऑक्स1 जीन तो यहां नहीं होगा, इनहिबिशन हो सकता है ऑक्स1 जीन का, एंड प्रमोशन ऑफ रूट ग्रोथ, नहीं प्रमोशन ऑफ रूट ग्रोथ नहीं होगा, सॉरी ऑक्स1 जीन का भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया में सिर्फ कोरोनेटिन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, ऑक्स1 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। अगला हो गया इनहिबिशन ऑफ COI1 जीन, इनहिबिशन भी नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि हम अपरेगुलेशन के साथ रेडी हो गए हैं, तो ना अब COI1 जीन का ही अपरेगुलेशन होगा, ना ऑक्स1 का प्रोडक्शन नहीं होगा, ना अपरेगुलेशन ना डाउनरेगुलेशन, और ना ही COI का इनहिबिशन होगा, तो इस तरीके से चले तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ सही देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन ऑफ जैज, प्रोटीन फैमिली अ की रेगुलेटर ऑफ जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग रिस्पॉन्स, तो जैज क्या करता है, जैज इनहिबिटर होता है, राइट, इट विल बाइंड टू द MYC2, यस, रिप्रेस द J डिपेंडेंट जीन, बिल्कुल सही, ट्रू है ये।
It bind to the MYC2 and transfect J dependent gene? No. Act as a receptor bhi nahi. Involving directly inducing the J dependent gene? No. So we can go with the first option. Which of the following set of cell organelles are involved in the biosynthesis of jasmonic acid to octadecanoid pathway? Kaun sa yahan pe cell organelle involved rehta hai? Chloroplast, peroxisome. Pehla hi option sahi hoga. Chloroplast mitochondria nahi, mitochondria peroxisome bhi nahi. Golgi body and mitochondria bhi. Agla hai, following are some statement for synthesis of jasmonic acid in plant. Aapko batana hai correct statement. 12 box of phytodionic acid is produced in chloroplast, yes, and transported in peroxisome. Nikul sahi, true. Action of lipoxygenase, arene oxide synthase and arene oxide cyclase take place in peroxisome nahi. Chloroplast mein hogi. तो ए सही है बी गलत है, ए सही है बी गलत है. ओके बी गलत है तो देखिए यहाँ भी बी है, इधर भी बी है और यहाँ भी ए सही है. ओके तो ए सही है तो इधर ए भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली देखिए फोर्थ ऑप्शन पे हम पहुंच जा रहे हैं. बट आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं. दैट इज 12 ऑक्सो फाइटोडायोनिक एसिड इज फर्स्ट रिड्यूस्ड एंड देन कन्वर्टेड टू जास्मोनिक एसिड बाय बीटा ऑक्सीडेशन. बिल्कुल सही है. फाइनल प्रोडक्शन ऑफ जास्मोनिक एसिड टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, नहीं पेरोक्सिसोम में होता है. एक्शन ऑफ एरीन ऑक्साइड सिंथेस एंड एलीन ऑक्साइड साइक्लेज टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. बिल्कुल सही है, सही होगा. इस हिसाब से चले तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है. अगला क्वेश्चन है अगेन थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है. द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एंड देयर इंटरेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस को दोनों का जो आपस में रोल होता है वो रेगुलेट करता है. द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ जीन इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस द एक्सिलरी बर्ड आउटग्रोथ और डोरमेंसी. क्यू जेड एंड एम रिप्रेजेंट अ जीन इन्वॉल्व इन फाइटोक्रोम पाथवे. बेस्ड ऑन द अबव फिगर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड. ओके तो ये फिगर दिया गया है. अब आपको क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पढ़ना है और फिगर से मैच करना है. बोला है एक्स इज ऑक्सिन. अच्छा ये प्लांट जो है ये पूरा इंटैक्ट प्लांट है जिसका एपिकल पोर्शन भी है. ये प्लांट है डीकैपिटेशन के बाद जिसके एपिकल पोर्शन को हटा दिया और इस केस में जो है एक्सिलरी बर्ड आउटग्रोथ हो रहा है. ओके तो बोला है एक्स ऑक्सिन है दैट मेंटेन द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू एंड जेड एंड रिप्रेस एम. एक्स ऑक्सिन हो सकता है क्योंकि इंटैक्ट प्लांट है तो ऑक्सिन शूट एपिकल मेरिस्टेम में रहता है तो ऊपर ही दिख रहा है ये. तो एक्स ऑक्सिन हो सकता है, ये पहला चीज कंफर्मेशन. आगे स्टेटमेंट देखते हैं. बोला मेंटेन क्यू एंड जेड, तो एक्स के रहते हुए क्यू भी ऑन है जेड भी ऑन है. ये सेकंड स्टेटमेंट की क्लेरिफिकेशन ले लिया. रिप्रेस एम और एम को रिप्रेस करें, एम लिखना चाहिए. तो देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैच हो गया डायग्राम के साथ, तो ये ट्रू दिया गया. अगला देखिए बोला है वाई जो है साइटोकाइनिन हो सकता है. अब वाई यहाँ पर है राइट, तो वाई को यहाँ ले सकते हैं. वाई साइटोकाइनिन हो सकता है क्योंकि ये ऑक्सिलरी बर्ड में एक्सप्रेस हो रहा है तो ये हो सकता है. बिल्कुल दैट प्रमोट ऑक्सिलरी बर्ड ग्रोथ. ओके एंड इज इंड्यूस बाय एम और एम के द्वारा इंड्यूस किया जा रहा है, मतलब कि एम को एक्टिव करना चाहिए तो एम देखिए एक्टिव है. तो देखा जाए तो हमको बी स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, ट्रू लग रहा है. अगला देखिए डीकैपिटेशन एक्टिवेट एक्स. जब डीकैपिटेट कर दिया गया तो देखिए यहाँ पर एक्स तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया. एक्स इज साइटोकाइनिन दैट रिप्रेस एम. एक्स साइटोकाइनिन है, एक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और बोला है कि एक्स यहाँ पे साइटोकाइनिन है दैट रिप्रेस एम. बट साइटोकाइनिन होने से वो शूट एपेक्स में क्या करता राइट, इस हिसाब से चले तो ये भी गलत हो गया. आपको बोला था करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमको ए और बी सही लग रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमको सही लग. ओके तो इसके साथ जो है काफी सारे आई थिंक क्वेश्चन थे, मोर देन 50 क्वेश्चंस थे जो कि हमने सॉल्व किए. उम्मीद करती हूँ कि आपको आपने जितना भी फाइटोहार्मोन पढ़ा है जब तक उसको अच्छे से आप रिवाइज नहीं करोगे आपको ये सारे क्वेश्चन टफ लगेंगे. इन सारे क्वेश्चन में हमने एक चीज ये देखी कि दो से तीन क्वेश्चन हमको थोड़े से अनयूजुअल से लगे होंगे क्योंकि वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमको मतलब कि जो चीजें हमने पढ़ी है उसी में से पूछा गया है. बशर्ते कि हाँ आपको वो चीज याद है या नहीं याद है, इसलिए इस पोर्शन के लिए आपको बहुत अच्छे से रिविजन करना है तभी जाकर यह पोर्शन याद रहेगा और आप क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे. उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. अच्छा अगला क्वेश्चन था हमारा वैस्कुलर बिल्ड. ठीक है, नाम से पता चल रहा है वैस्कुलर टिश्यू बिल्डिंग यानी मुरझाना. तो बोला है वैस्कुलर बिल्ड आर वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज. द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द क्लॉगिंग ऑफ. इसके क्लॉग होने की वजह से ये डिजीज देखने को मिलता है. अब मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया क्योंकि इसमें हिंट था. पहला हिंट वैस्कुलर, दूसरा हिंट बिल्ड. और बिल्डिंग प्रोसेस यानी पानी की कमी की वजह से होती है. और पानी की कमी मतलब कौन से टिश्यू में गड़बड़ी होना, जाइलम फ्लोएम स्टोमेटा एंड हाइड्राथ्रॉट्स. तो ऑफकोर्स इट कुड बी जाइलम वेसल्स क्योंकि जाइलम क्या करता है, जाइलम ही वाटर को कंडक्ट करवाने का काम करता है. अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, इसमें क्लॉगिंग हो जाता है तो वाटर को ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा और हेंस प्लांट में बिल्टिंग देखी जाएगी. ठीक है, तो वैस्कुलर वेट क्या होता है, वैस्कुलर वेट जो है एक डिजीज कंडीशन है जिसमें जो कि पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है. और ये जो फंजाई एंड बैक्टीरिया है ये वाटर कंडक्टिंग जाइलम वेसल में जो है एंट्री ले लेते हैं, वहां पे ये प्रोलिफरेट होते हैं और ब्लॉकेज कर देते हैं. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये पिक्चर को जरा जूम कर देती हूँ, लुक एट दिस. सारा का सारा जितना भी एरिया है जहां से पानी कंडक्ट हो सकता था, वाटर कंडक्ट हो सकता था, उन सबको ब्लॉकेज कर दिया गया है क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ होते हैं. अब कोई चीज अगर वेसल्स वगैरह में ग्रो कर जाएगी तो फिर वाटर कैसे ट्रैवल करेगा, वो तो पूरा ब्लॉक हो चुका है ना. अब इस वजह से जो है पूरा प्लांट सफर करता है और प्लांट में जो है वैस्कुलर बिल्ड कंडीशन देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगेन मजेदार था. आप अपना आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या निकला. चलिए हम निकालते हैं. अब प्लांट सेल विद टर्गर प्रेशर, प्लांट सेल का टर्गर प्रेशर देके रखा है 0.1 MPa. ठीक है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर देके रखा है 0.7 MPa. ठीक है, इस प्लेस इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ 0.6 MPa ऑस्मोटिक प्रेशर. और इसको जो है एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जिसका की 0.6 MPa ऑस्मोटिक प्रेशर है.
ठीक है, कंसीडरिंग दैट ऑल द अदर प्रेशर एंड द कोफिशिएंट हैज नो इफेक्ट, और ये कंसीडर करना है कि जो बाकी अदर फैक्टर या प्रेशर है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ऑन द वाटर पोटेंशियल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिकॉर्डेड। अब देखिए सीधी सी बात है, जब टीपी और ओपी देखे रखा है तो टीपी और ओपी से हम किसका कांसेप्ट निकाल सकते हैं, डीपीडी का निकाल सकते हैं, जिसमें कि हमको पता है डीपीडी मतलब कि ओपी माइनस टीपी, राइट, ये बताया गया था आपको। तो ओपी माइनस टीपी अगर आप करते हैं तो दिया जाएगा 0.6, और क्योंकि यहां पर बोला है कि जो 0.6 एमपीए है सॉल्ट सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल, उसमें और कोई फैक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा है, मतलब कि उस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल या फिर डीपीडी आप जो भी बोलना चाहे वो भी कितना होगा, वो भी होगा 6 एमपीए। तो देखिए जो यहाँ पर हमने प्लांट सेल लिया उसका भी डीपीडी इतना आया और जो सॉल्यूशन है उसका भी सेम टू सेम आया, तो क्या कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट होगा इनके बीच में? नहीं, जो सेल है और जो सॉल्यूशन है दोनों का जो स्टेटस है वो सेम है, यानी देयर इज नो ग्रेडियंट अवेलेबल, राइट। मैंने आपको कहा था डिफरेंसेस होना जरूरी है, कम ज्यादा का फर्क होना जरूरी है, ये तो बराबर हो गया, बराबर होने की वजह से क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। देख लेते हैं ऑप्शन इसलिए दोनों के दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही बोला है, छू बोला है। नेक्स्ट, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों का जो हमें वाटर पोटेंशियल मिला है वो सेम टू सेम मिला है। नेक्स्ट, हायर ट्रिगर प्रेशर विल फोर्स द वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल, नो, तो वी कैन गो विद व्हाट बी एंड सी, बी एंड सी बोले तो यानी फोर फंक्शन थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर पोटेंशियल, कुछ वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पोटेंशियल कंट्रीब्यूट टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल इन अ गिवन स्टेट, बिल्कुल सही, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल मॉडिफाइड फॉर्मूला आता है वो इसी से आता है। नेक्स्ट है, व्हेन फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन व्हिच हैज अ हायर वाटर, सॉरी, व्हिच हैज अ वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव, ओके, लेस नेगेटिव यानी मोर वाटर, ओके, देन द इंट्रासेलुलर वाटर पोटेंशियल, ओके, देन वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द सेल, सॉल्यूशन से सेल के अंदर आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का लेस नेगेटिव है, मतलब मोर वाटर, यस, बिल्कुल सही बोला है, यहां पे ट्रू बोला है, बोला है सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, वो है लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव आपको पता है कि मोर वाटर, राइट, और जो यहाँ पे सेल है उसका है मोर नेगेटिव यानी लेस वाटर, तो सीधी सी बात है, वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हायर वाटर से लोअर वाटर में, सॉल्यूशन से सेल में जाएगा, वही बोला है कि ट्रू हो गया, बोला है व्हेन अ फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट हैज अ वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव देन द इंट्रासेलुलर वाटर पोटेंशियल, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, नो, गलत, ये ऊपर वाले का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल अंडर अ सीवियर वाटर स्ट्रेस इज ऑलवेज नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अनस्ट्रेस्ड सेल, नो, ऑलवेज नेगेटिव का हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी बहुत सी वैरायटी होती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में कहीं पे हमको वाटर की डेफिसिट देखने को मिलता है और कहीं पे हमको ओवरफ्लो देखने को मिलता है, तो इन्होंने प्रॉपर ढंग से आपको बताया नहीं है कि कौन से वाटर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इसलिए वी कांट एग्री कि ये ऑलवेज नेगेटिव होगी, राइट, इसको हम हटा सकते हैं, तो इस बेसिस पे चले तो ए एंड बी स्टेटमेंट सही हो जाता है, दैट इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल, सॉइल के वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताइए ट्रू कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल वाटर इज जनरली नेग्लिजिबल एक्सेप्ट द सलाइन सॉइल, बिल्कुल सही, ये हमने कल पढ़ा भी था। अगला, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सलाइन सॉइल इज ऑलवेज मोर देन जीरो, नहीं, अभी अभी तो बोला नेग्लिजिबल होता है, गलत। इन ड्राई सॉइल द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ अ सॉइल वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ड्राई सॉइल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ड्राई सॉइल है भाई, वाटर जो है रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो जो यहाँ पे नेक्स्ट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल वाटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री, बिल्कुल सही, ट्रू, ये भी पढ़ा था, ए एंड डी सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल द वाटर पोटेंशियल अमंग द प्लांट ग्रोथ अंडर द नॉर्मल कंडीशन, कौन सा जो है वाटर पोटेंशियल का पार्ट नहीं है, सॉइल पोटेंशियल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ग्रेविटी है, टेम्परेचर नहीं है भाई, ये कंपोनेंट हमें नहीं देखा था। पूरे प्लांट में अलॉन्ग द पाथ वाटर पोटेंशियल किस फॉर्म में रखा गया है, इंक्रीज फॉर्म में रखा गया है या डिक्रीज फॉर्म में रखा गया है, ऑफ कोर्स डिक्रीज फॉर्म में रखा गया है, तभी रूट के पास हाईएस्ट है, टॉप ऑफ द प्लांट में लोएस्ट है, यानी डिक्रीजिंग मैनर में अरेंज है, इसीलिए हायर पार्ट से लोअर पार्ट में ट्रैवल कर पाता है, तो आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट। अगला है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट सेल वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ये रीसेंट क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया है, जो अभी 3 महीने पहले हुआ था एग्जाम। क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वाटर पोटेंशियल द प्लांट आर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट साइज, ठीक है, साइड डी, ओके, एंड साइड सी, बिल्कुल सही, ये भी हमने कल ही पढ़ा था, ये तीनों फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट, द सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग द वाटर, जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर देता है वाटर के बाय डाइल्यूटिंग द वाटर, इज दिस ट्रू और नॉट, बताओ। अगला है, पॉजिटिव प्रेशर रेज द वाटर पोटेंशियल व्हाइल नेगेटिव प्रेशर रिड्यूस इट, बिल्कुल सही, ट्रू बोला है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ वाटर अबव द रेफरेंस स्टेट ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बिल्कुल सही बोला है, तो यहां पे क्या होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा, राइट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए बी डी, ए बी डी बोले तो यानी सेकंड ऑप्शन से गलत हो गया, हमने क्या गड़बड़ किया, इन्होंने गड़बड़ किया, तो वाटर अबाउट द रेफरेंस स्टेट ऑफ वाटर एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो जो फॉर्मूला था हमारे पास साई डब्ल्यू जी का, जी एच का,
तो डी तो सही है, ठीक है। बी और सी में कंफ्यूजन हुआ, पॉजिटिव प्रेशर रेज द वाटर पोटेंशियल, यस ओके। मैंने उल्टा पकड़ा है ना, मैंने सॉरी मैंने ऑप्शन गलत किया है, आंसर तो मैंने सही निकाला है। जो हमने लिया है आई हमारा सही है, ए हमारा सही है, सी सही है एंड डी सही है, मैंने बी पिक कर दिया दैट इज ए सी, ठीक है। यस यस हमने सही वो एक्सप्लेनेशन सही लिया था, ऑप्शन गलत पिक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ, चलो यस। तो इसके साथ हमारा वाटर पोटेंशियल का जो क्वेश्चन है वो डन हो गया, राइट। आपने देखा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक लेवल का आइडिया भी मिल गया होगा कि क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं क्या वो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इसका एक आइडिया आपको मिल गया होगा। ओके फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन, आप लोगों ने तो कर लिया है, मैं करती जाती हूँ, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रूट इज इन्वॉल्व इन परसीविंग द ग्रेविटी, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करवाया था या नहीं करवाया था, बट ये टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कवर हो गया था कि रूट का कौन सा पोर्शन ग्रेविटी को परसीव कर सकता है, जिसमें हमने कौन सा देखा था, दैट इज रूट कैप देखा था, राइट। रूट कैप जो है ग्रेविटी को परसिस्ट कर, मतलब की परसीव कर सकता है। ओके अगला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन बैंड्स, यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात की गई है, ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर अक्रॉस द रूट। कैस्पेरियन स्ट्रिप से रिलेटेड उसका फंक्शन जो है कौन से स्टेटमेंट से बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला है इट ब्लॉक द एपोप्लास्टिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल नहीं, इट ब्लॉक द सिम्प्लास्टिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ओके सॉरी पहला वाला सही होगा, ऑब्वियसली ये एपोप्लास्ट को ब्लॉक करता है, राइट, ये एपोप्लास्ट को ब्लॉक करता है, सिम्प्लास्ट को ब्लॉक नहीं करता है, न्यूट्रिएंट कैरियर की तरह काम भी नहीं करता है, पैसेज सेल को क्रिएट करने में भी मदद नहीं करता, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन इट ब्लॉक द एपोप्लास्टिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट जो है आपका मैच द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं चार टाइप के ट्रांसपोर्ट है, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहला है कनेक्ट वी इंटर कनेक्टिंग प्लाज्मोडेस्माटा, अब जहां प्लाज्मोडेस्माटा का नाम आ जाता है समझ जाइए वहां सिम्प्लास्ट की बात हो रही है, यानी बी का क्या हो गया, ठीक है, तो बी का हो जाएगा वन, ए यानी एपोप्लास्ट बोला गया था वाटर फील्ड स्पेस ऑफ द सेल वॉल, जहां सेल वॉल इन्वॉल्व है, मैट्रिक्स एंड द ल्यूमेन ऑफ जाइलम ट्रेकेरी एलिमेंट, ओके फाइन, तो ए का हो जाएगा हमारा सेकंड, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है और एक बार एग्जिट करते टाइम और एक बार एंट्री लेते टाइम जो है वाटर सेल में एंट्री लेता है, तो सी का क्या हो गया, सी का हो गया थ्री। अब मैच कर लीजिए बी का ए का टू, ए का टू यहाँ पे है, बी का वन एंड सी का थ्री, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिम्प्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम एपिडर्मिस टू द एंडोडर्मिस इन द प्लांट रूट। पहला है वाटर मूव थ्रू द सेल वॉल, सेल वॉल से मूव करता है, बिल्कुल नहीं, इट ट्रैवल अक्रॉस द रूट कॉर्टेक्स वी आर द प्लाज्मोडेस्माटा, बिल्कुल जहां प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व हो गया समझ लीजिए वहां पे सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट होने वाला है। नेक्स्ट राइट, वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ज़ाइलम, ज़ाइलम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला इट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकेरी एलिमेंट, यस, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इन द वैस्कुलर प्लांट, बिल्कुल सही बोला है। अगला इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यस, कैरेक्टराइज बाय द सीव एलिमेंट, नहीं भाई सीव एलिमेंट फ्लोएम में होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स, नहीं फोटो एसिमिलेट्स के लिए फ्लोएम होता है, यहाँ भी एसिमिलेट्स बोला है, ये भी गलत हो गया, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कैस्पेरियन स्ट्रिप, कौन सा यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप से रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला इट ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे, बिल्कुल ये एपोप्लास्ट पाथवे की कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है, हमें पता है ये। इट इज फॉर्म इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट, नहीं भाई ग्रोइंग पार्ट में नहीं रहता है, ये नॉन ग्रोइंग पार्ट में रहता है, राइट, कल ही पढ़ाया था आपको, नॉन ग्रोइंग में रहता है, ये हो गया गलत। नेक्स्ट इट इज फॉर्म सेवरल मिलीमीटर और सेवरल सेंटीमीटर बिहाइंड द रूट टिप, बिल्कुल सही। इट इज अ बैंड विद इन द रेडियल सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस दैट इज इंप्रेग्नेटेड विद लिगिन, बिल्कुल लिगिन भी हो सकता है सुबेरिन भी हो सकता है, हमको ये चीज पता है, तो यहाँ भी बोला था नॉट करेक्ट, तो सेकंड हो गया नॉट करेक्ट। ओके ये था सितंबर 2022 का क्वेश्चन, बोला फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड टू एक्सप्लेन द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट दैट अकर्ड थ्रू द एपोप्लास्ट, ओके यहां पे सिम्प्लास्ट होना था, सिम्प्लास्ट एंड ट्रांसलर रूट इन द प्लांट, ठीक है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू द सेल वॉल, बिल्कुल सेल वॉल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट मोस्टली इन्वॉल्व द प्लाज्मोडेस्माटा, नहीं प्लाज्मोडेस्माटा मतलब सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट, ये गलत हो गया। नेक्स्ट सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट प्रीडोमिनेंटली अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, बिल्कुल सही, ट्रांसलर ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू द टोनोप्लास्ट वी आर द वैक्यूल, बिल्कुल सही। तो हम देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ने में कितना ही टफ कितना ही बोरिंग क्यों ना लगे, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत मजेदार आते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, मिनरल ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, तो हमको लग रहा था कि यार कितना कुछ है कितनी तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, टू द पॉइंट सटीक क्वेश्चन। ओके अगला है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेकेरी एलिमेंट ऑफ वैस्कुलर प्लांट, आपको पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है ज़ाइलम ट्रैकेट्स आर हाईली इलॉन्गेटेड टेप्ड सेल दैट कंडक्ट वाटर, यस ये इलॉन्गेटेड सेल होते हैं वाटर भी कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल सही। ज़ाइलम वेसल्स एलिमेंट आर लेस इलॉन्गेटेड, ओके एंड नैरोअर देन द ट्रैकेट्स, वाइडर होते हैं, राइट, गलत हो गया ये। एंजियोस्पर्म में हैव बोथ ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट, एंजियोस्पर्म में ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट दोनों होते हैं, बिल्कुल। वेसल एलिमेंट आर ओनली ट्रेकेरी एलिमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म, नहीं हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में वेसल्स भी पाए जा सकते हैं, सॉरी ट्रैकेट्स ट्रैकेट्स भी पाए जाते हैं, खाली इन्होंने वेसल्स बोला है, जबकि जिम्नोस्पर्म में प्रीडोमिनेंटली ट्रैकेट्स के थ्रू भी ट्रैकेट्स के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये हो गया क्या गलत। तो इस बेसिस पे चले तो ए एंड सी यहां पे सही हो जाता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन, आपको पढ़ाया भी था इस बारे में हम लोगों ने। ओके
नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डेफिशिएंसी विल फर्स्ट बी विजिबल इन यंग लीव्स. यंग लीव्स में जो है सबसे पहले मिनरल डेफिशिएंसी किस कौन से मिनरल डेफिशिएंसी देखी जाएगी. ऑप्शन से कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम. तो ये क्या क्या है, यंग लीव्स को बोल के इन्होंने मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया. तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज कैल्शियम. हमने कल ही पढ़ा था जो आपका कैल्शियम है, ये कैल्शियम किसका पार्ट है, इमोबाइल का है. ठीक है, तो इमोबाइल एलिमेंट में जब कमी आती है तो सबसे पहले यंग लीव्स अफेक्टेड होती है. तो कैल्शियम यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दे दिया था. इसी तरीके से बाकी ऑप्शन भी दिया जा सकता है आने वाले टाइम में. अगला, in a study it was found that K+ iron concentration in the root cell of pea plant was 75 times greater than that of the nutrient medium in which the plant was grown. yani kya bola gaya hai ki root mein jo hai plant ke 75 times zyada K+ iron present hai compared to wo media jahan pe use grow kiya ja raha hai. matlab root mein zyada amount nutrient ka compared to the medium. this indicate that iron, K+ iron are absorbed from the medium. ab aapko batana hai ki medium yani jis medium mein plant ko grow kiya ja raha hai wo abhi bhi लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ही K+ आयन को लेते जा रहा है. तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि जब हाई से लो कंसंट्रेशन में चीजें जाती हैं तो हो सकता है एनर्जी इन्वॉल्व ना हो सकता है, मैंने बोला, क्योंकि किसी किसी केस में एनर्जी देखने को मिलता है. ठीक है, लेकिन जब आप लो एरिया से हाई एरिया कंसंट्रेशन, हाई एरिया में जब किसी चीज को एब्जॉर्व करते हो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जहां से एब्जॉर्व कर रहे हो वहां पे लो कंसंट्रेशन है और जहां पे एब्जॉर्व किया जा रहा है वहां पे हाई कंसंट्रेशन है, तो ज्यादातर केस में ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज यू आर मूविंग इट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा जब भी कोई चीज अगेंस्ट मूव करती है तो ज्यादातर केसेस में वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. राइट, बड़ा होगा होपफुली सेल बायोलॉजी में. तो अगेंस्ट यहाँ पे मूव करेगा क्योंकि रूट में 75% ज्यादा है कंपेयर टू द मीडियम. तो सोच रहे 75% ज्यादा है मतलब कि रूट में कंसंट्रेशन हाई है फिर भी रूट एब्जॉर्व किया जा रहा है न्यूट्रिएंट्स को. तो फॉर श्योर जो है ये एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू ही कर रहा होगा. तो पहला सवाल है हमारे पास डिसंबर 2023 सेशन मतलब की शिफ्ट 1 से. बोला है एपोप्लास्ट फ्लोएम लोडिंग इज डिटरमाइंड बाय द सेलुलर लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस प्रोटीन. अच्छा ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फाइन, गलत स्टेटमेंट है. हमने देखा कि जो चार क्लेड हमको मिले थे स्वीट प्रोटीन के, उन चार क्लेड में से कुछ क्लेड ऐसे थे जो सुक्रोज को ट्रांसफर कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कि फ्रुक्टोज को कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कि हेक्सोज शुगर यानी ग्लूकोज फ्रुक्टोज को कर रहे थे. राइट, तो ये हमने वैरायटी ऑलरेडी देखी है. तो वी कांट से कि जो स्वीट प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज को ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं है. राइट, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट है, डबल म्यूटेंट ऑफ अरबिडोप्सिस स्वीट 11 एंड स्वीट 12 रिजल्ट इन द कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन इन द सोर्स लीफ एंड स्लोअर एक्सपोर्ट ऑफ फोटो एसिमिलेट. ये अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो बिल्कुल सही है. क्यों, क्योंकि स्वीट 11 एंड 12 आपको याद होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट कम्स अंडर द क्लेड 3 जिसमें कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है एक्सक्लूसिवली. तो अगर ये दोनों ट्रांसपोर्टर म्यूटेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो फोटो एसिमिलेट्स हैं जो कि सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा था वो ट्रांसफर नहीं होगा और जहां पे स्वीट ट्रांसपोर्टर को होना चाहिए उस लोकेशन से पहले पहले आकर वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा. और क्योंकि एक्यूमुलेट हो जा रहा है स्वीट ट्रांसपोर्टर को एपोप्लास्टिक रीजन में नहीं जाने दे रहे, हेंस ये एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. तो देखा जाए तो ये ऑप्शन क्या लग रहा है, सही लग रहा है. अगला देखते हैं. अच्छा बिल्कुल, ए स्टेटमेंट क्योंकि गलत था तो देखिए ए इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है. यानी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तीनों स्टेटमेंट, स्टिल हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड होगा. लेकिन देख लेते हैं कैसे होगा. नेक्स्ट, H+ सिंपोर्ट मैकेनिज्म लोड सुक्रोज और पॉलियोल्स इनटू द सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स. तो बिल्कुल लोडिंग का तो मतलब यही होता है, लोडिंग का मतलब होता है सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में उस शुगर को लोड करना. ठीक है, और H+ सिंपोर्टर उसमें काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने इसका एग्जांपल देखा था. तो ये भी सही हो गया. नेक्स्ट, सेवरल क्लेड ऑफ सुक्रोज H+ सिंपोर्टर लाइक SUT एंड SUC आर लोकलाइज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइनर वेन. बिल्कुल, हमने बहुत से SUT एंड SUC का एग्जांपल देखा था जो कि सुक्रोज H+ सिंपोर्टर के क्लेड्स माने जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने स्वीट प्रोटीन के क्लेड्स देखे थे वैसे ही क्लेड जो है हमको SUT एंड SUC भी मिलते हैं, इसका भी हमने एग्जांपल देखा था अपनी स्लाइड में. तो ये भी सही है, इस बेसिस पे BCD तीनों ही सही हो गया, हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड. उम्मीद करती हूँ आपका भी, आपने भी क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन से सॉल्व किया होगा. अगला देखिए, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन सच फिजिकल सेपरेशन ऑफ प्रोसेस. यानी यहाँ पे सुक्रोज एंड स्टार्च की बात की गई है. तो सुक्रोज साइटोसॉल में होता है, यस. स्टार्च माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, सुक्रोज क्लोरोप्लास्ट में नहीं, सुक्रोज माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं, सुक्रोज साइटोसॉल में होता है, स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में होता है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जनरली ट्रांसलोकेटेड इनटू द फ्लोएम. फ्लोएम में कौन जनरली ट्रांसलोकेट होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ सुक्रोज, हम इसी का ट्रांसपोर्ट करते हैं. राइट, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस आर कन्वर्टेड इनटू द सुक्रोज एंड ट्रांसपोर्टेड वी आर द फ्लोएम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. The following aspects are associated with the sucrose uploading in phloem and its transport. आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला है, बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर ट्रांसपोर्टेड. आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, गलत, हमने पढ़ा था नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रिड्यूसिंग नहीं होते हैं. एक गया तो देखिए ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. लो भाई, बिना पढ़े BCD सही हो गया हमारा. लेकिन देख लेते हैं क्या लिखा है. बी में बोला है सुक्रोज अपलोडिंग कैन बी बोथ सिम प्लास्टिक एंड एकोप्लास्टिक. यस, लोडिंग अनलोडिंग दोनों ही एकोप्लास्टिक सिम प्लास्टिक हो सकती है. नेक्स्ट, जो रूट है फ्लोएम लोडिंग का वो चलेगा मेसोफिल सेल से फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा से कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब. बिल्कुल, और इन्होंने बीच में पार्टनरशिप सेल मिस कर दिया है. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो मॉडल के अकॉर्डिंगली सीव ट्यूब में जो है ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होता है. तो इस बेसिस पे हमारा आंसर हो गया बी.
अगला सवाल है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट इन द हायर प्लांट्स। आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। पहला है, शुगर आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम बाय द मास फ्लो ट्रांसफर लॉन्ग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एकदम सही बोला गया है। नेक्स्ट, जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट द अनलोडिंग ऑफ शुगर फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू इनटू द एपोप्लास्ट। तो देखिए, हमने इतना कुछ पढ़ा, इतना डिटेल में पढ़ा, लेकिन कहीं जिब्रेलिक एसिड का रोल पढ़ा हमने कि वो अनलोडिंग में मदद करता है? नहीं, हमने किसी फाइटोहार्मोन का रोल नहीं पढ़ा है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, मंच फ्लो हाइपोथेसिस इज क्रूशियल टू ड्राइव ट्रांसलोकेशन इनटू द फ्लोएम। बिल्कुल सही। एलोकेशन एंड पार्टीशनिंग ऑफ कार्बन विद इन द सोर्स लीफ डिटरमाइन द फ्लोएम लोडिंग फिनोमेना। बिल्कुल सही, ये भी हमने पढ़ा। तो बी को छोड़ दिया जाए तो ए सी डी, बी इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, तो हेंस ऑटोमेटिकली थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता, राइट। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट अबंडेंट इन फ्लोएम सैप ऑफ द प्लांट। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या चीज होती है फ्लोएम सैप में? प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, फॉस्फेट, ऑफकोर्स इट्स अ शुगर। याद कीजिएगा, हमने सॉलिड बेसिस पे अबंडेंस की जब बात की थी तो हमने कहा था शुगर, यानी मेनली सुक्रोज होते हैं ज्यादा अमाउंट। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं सीड एलिमेंट इन सीड प्लांट के, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला है, एंजियोस्पर्म कंटेन सीड प्लेट कोर। बिल्कुल, उसमें सीड प्लेट भी होती है, सीड प्लेट में पोर्स भी होते हैं। ठीक है, देयर इज नो सीड प्लेट इन द जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में कोई सीड प्लेट नहीं पाई जाती है। पी प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑल यूडाइकॉट्स एंड मेनी मोनोकॉट्स। बिल्कुल, पी प्रोटीन जो है क्योंकि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट का भी डिवीजन है, तो पी प्रोटीन जो है दोनों में ही पाए जाते हैं। बोला देयर इज नो पी प्रोटीन इन एंजियोस्पर्म, तो डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स तो एंजियोस्पर्म का ही तो फर्दर टाइप पे डिपेंड अपॉन द कोटिलेडन। तो ये डी वाला स्टेटमेंट गलत बोला था। देखिए, डी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, दैट इज ए। नेक्स्ट, सेवरल ट्रांसपोर्ट स्टेप आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट बोला गया है आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। पहला, पेंटोज फॉस्फेट फॉर्म्ड बाय द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। आगे मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि इट इज नॉट पेंटोज फॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट था? इट इज ट्रायोज फॉस्फेट। कैसे आप थ्री कार्बन को फाइव कार्बन को बना सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए वाला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ए गलत हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन हट गया, फोर्थ ऑप्शन हट गया। देखिए, दोनों में सी कॉमन है, यानी हर हाल में सी सही होना है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं बी में क्या बोला है। कार्बन स्टोर्ड एज अ स्टार्च एग्जिट द क्लोरोप्लास्ट एट द नाइट प्राइमरली इन द फॉर्माल्डोज एंड इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज इन द साइटोसोल। बिल्कुल सही बोला है। सी में बोला है, ड्यूरिंग द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सुक्रोज मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेल इन द मेसोफिल टू द सेल इन द विसिनिटी ऑफ सीव एलिमेंट इनटू द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ। ये भी बिल्कुल सही बोला है। नेक्स्ट, इन द फ्लोएम लोडिंग्स शुगर आर ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लोएम पैनकाइमा। बिल्कुल नहीं, कोकानियन सेल एंड सी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स में लोड होता है, गलत है। तो बी और सी दोनों सही हो जाते हैं। ओके, अगला सवाल 2016 से, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द वेरियस फीचर ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन इन द प्लांट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। पहला है, एपोप्लास्ट फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज हैपन बिटवीन द सेल विद नो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। बिल्कुल सही बोला, ट्रू। नेक्स्ट, ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक, जैसे कि हो गया यंग लीव्स एंड रूट यूजुअली अंडरगो सिंक प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग। बिल्कुल, आपको क्लास में भी बताया था कि जो ग्रोइंग एरियाज होते हैं वहां पे अक्सर सिंक प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग जो है देखी जाती है, जो हो गया ये भी। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम अकर ओनली एट द सोर्स एंड सिंक रीजन। नहीं, एक्सक्लूसिवली सोर्स एंड सिंक में नहीं होते हैं। आपको बताया था कि ड्यूरिंग द होल पाथ जहां जहां पे ग्रेडियंट उनको देखने को मिलेगा वहां वहां पे मूवमेंट देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, सिंक प्लास्टिक लोडिंग ऑफ शुगर इन टू द फ्लोएम अकर इन द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। नहीं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन चाहिए तभी सिंक प्लास्टिक लोडिंग होगी। Which of the following statement describes the process of phloem loading? Phloem loading का statement आपको ढूंढना है। पहला है, triose phosphate is transported from chloroplast to cytosol, जिसे phloem loading नहीं कहते हैं। Sugar are transported into the sieve element and companion cell. बिल्कुल, इसी complex में जो sugar को जो है हम load करते हैं, तो उसे phloem loading कहते हैं। Sugar are transported from producing cell in mesophyll in the vicinity of sieve element. No, solute are transported from root to the shoot. No, हमारा correct definition जो है phloem loading का क्या होता है? Sugar को जो है sieve element companion cell complex में transport किया जाता है। That is second. Okay, अच्छा। ये जो क्वेश्चन था ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया वाला क्वेश्चन था। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपने डिफ्यूजन का एक ग्राफ पढ़ा होगा, राइट? डिफ्यूजन का ग्राफ पढ़ा होगा आपने, उसमें कुछ इस टाइप का ग्राफ पढ़ा होगा, याद होगा होपफुली। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ सुक्रोज अपटेक विद रिस्पेक्ट टू द सुक्रोज कंसेंट्रेशन इन प्लांट। ये रहा सुक्रोज का अपटेक और ये रहा सुक्रोज का कंसेंट्रेशन प्लांट के अंदर। इस डेटा को शो किया गया है, फ्रॉम द अबव डेटा इट कैन बी इन्फर्ड दैट। इस डेटा से आप क्या बता सकते हैं? तो बोला है, द सुक्रोज अपटेक इज एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड नो स्पेशल कैरियर इज इन्वॉल्व। अब देखिए, अब जहां तक हमको लग रहा है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट शायद सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद नहीं, ठीक है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। द सुक्रोज अपटेक इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड स्पेशल कैरियर इज इन्वॉल्व। ओके, ये हमको थोड़ा सही लग रहा है तो हम इसको होल्ड पे रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज अपटेक ऑफ सुक्रोज इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड अ कैरियर मीडिएटेड। अब बोला लोअर कंसेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन लगभग आपको यहां तक देखने को मिल रहा है,
गुड़ा एट लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज द अपटेक ऑफ सुक्रोज इज एनर्जी डिपेंडेंट. जो सुक्रोज का अपटेक होगा वो एनर्जी डिपेंडेंट होगा और कैरियर मीडिएटेड होगा. तो अगर इनिशियली देखा जाए तो ग्राफिकल बेसिस पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यस इतने केस में जो है हमको देखने को मिल रहा है कि एनर्जी डिपेंडेंट होगा और एनर्जी डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई कैरियर इन्वॉल्व होगा. ठीक है, तभी सुक्रोज मूव करेगा. और हमको इन जनरल भी पता है कि प्लांट में सुक्रोज मूव करने के लिए हमको सुक्रोज एच प्लस इंपोर्टर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो वो आप इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये देखा जाए तो ये हमको सेकंड वाले से ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है. ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सेकंड वाला भी ठीक था लेकिन उसने एक लोअर कंसेंट्रेशन मेंशन नहीं किया था जो हमको इनिशियली देखने को मिल रहा है, जो कि थर्ड वाले में किया है. तो हमें थर्ड वाला ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है. फोर्थ में देखिए, एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज द अपटेक सुक्रोज द अपटेक इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड कैरियर मीडिएटेड, बिल्कुल नहीं. ठीक है, सो विद दिस वी कैन गो विद व्हाट वी कैन गो विद आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट. अगला है, द रिसर्चर हैज ट्रीटेड पी लीव्स विद पैराक्लोरो मर्क्यूरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच इनएक्टिवेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर. अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर बोल दिया तो सिम्प्लास तो होगा नहीं, कुछ भी करके सिम्प्लास नहीं होगा. इट ऑब्जर्व दैट द फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज इज इनहिबिटेड. आपको बताना है कौन सा इंटरप्रिटेशन करेक्ट है. सिम्प्लास्टिक लोडिंग एलिमिनेटेड नहीं, एपोप्लास्टिक ये पॉसिबिलिटी है. बोथ सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक भी नहीं, फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस भी नहीं. तो वी कैन गो विद सेकंड. तो वन बाय वन शुरू करते हैं हम. आप देख लीजिए आप लोगों ने क्या क्या आंसर टिक किया है. मैं यहाँ पे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो कि इस बार पूछा गया था दिसंबर 2023 में. क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल होमियोटिक जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इन ऑल फोर रोल्स ड्यूरिंग द फ्लावर डेवलपमेंट. तो बोला गया है कि इन होमियोटिक जीन्स में से कौन से होमियोटिक जीन्स एक्चुअल में फोर चारों के चारों रोल में एक्सप्रेस होते हैं. चारों रोल यानी सेपल पेटल स्टेम कार्पल. और जितना हमारा इन्फॉर्मेशन कहता है चारों रोल में सिर्फ क्लास ई जीन एक्सप्रेस होती है. बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में क्लास ई जीन मेंशन नहीं किया है. तो फिर हमने क्या किया, हमने दोबारा से इन जीन्स के बारे में स्टडी की. तो एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये चीज सामने आई कि जो AP2 है, ठीक है, AP2 जो है ये RNA लेवल पे चारों के चारों रोल में जो है एक्सप्रेस होता है. दैट इज सेपल पेटल स्टेमन कार्पल एंड इन डेवलपिंग ओव्यूल एज वेल. तो चारों रोल में mRNA लेवल पे जो है या फिर RNA लेवल पे AP2 एक्सप्रेस होता है. और प्रोटीन लेवल पे AP2 का एक्सप्रेशन हमको सेपल एंड पेटल स्पेसिस पे देखने को मिलता है. लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यू नो हट के कंसेप्ट पे पूछा गया था, जो कि जो क्वेश्चन था वो एक नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको, कुछ बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया, कुछ बच्चों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया. तो ऐसे कुछ एकाध क्वेश्चन जो है इजी टॉपिक से टफ के तौर पर दे दिए जाते हैं, जिसको कि जनरली हमने नहीं स्टडी किया होता है क्योंकि अभी तक कोई भी बुक ये क्लेम नहीं करती है जो इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है. हाँ, ऐसी जीन जरूर है जो कि चारों रोल में एक्सप्रेस करती है, वो है क्लास ई जीन, जो कि हर एक बुक जो अवेलेबल है, आर्टिकल जो अवेलेबल है उस पर आपको देखने को मिलेगा. लेकिन ये जो आर्टिकल हम लोगों ने खोजा वो बहुत मुश्किल से मिला कि हाँ AP2 RNA लेवल पे जो है एक्सप्रेस होती है. तो दैट इज वाई वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन. कुछ कर नहीं सकते, कभी कभार अटपटी क्वेश्चन आते हैं तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता. ओके, अगला देखते हैं, बेस्ड ऑन द ABC मॉडल व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दैट हैड अ नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ANC. नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ANC यानी कि ए यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. ठीक है, और यहाँ पे बी एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे बी एक्सप्रेस होगा. ये है रोल 1, 2, 3, 4. फुल एंड एक्सप्रेशन ऑफ बी इन ऑल फोर रोल्स और एक्सप्रेशन ऑफ बी सारे चारों रोल्स में है. तो फिर यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा. तो ए एंड बी क्या बनाते हैं, दैट इज पेटल्स बनाते हैं. पेटल्स ठीक है, तो ये मिलेगा हमको पेटल पेटल स्टेमन स्टेमन. देखिए ये समझता है, सेकंड ऑप्शन है जो है आपको टीनेट देकर रखा है ABC क्लास का. यहाँ पे बताया गया है कि ए क्लास जीन एक्टिंग अलोन डिटरमाइन द सेपल आइडेंटिटी, ए एंड बी टुगेदर एक्टिंग टू गिव अ पेटल आइडेंटिटी, बी एंड सी टुगेदर एक्टिंग टू गिव अ स्टेमन आइडेंटिटी, सी इज एक्टिंग अलोन टू गिव कार्पल आइडेंटिटी एंड ए एंड सी आर म्यूचुअली एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. आपको बताना है ऑर्गन का अरेंजमेंट क्या होगा अगर ए क्लास म्यूटेंट है तो. ए क्लास म्यूटेंट है तो क्या हो जाएगा, पहले रोल में हमको मिल जाएगा यहाँ पे कार्पल क्योंकि यहाँ सी एक्सप्रेस को हो जाएगा. दूसरे रोल में हमको मिल जाएगा स्टेमन क्योंकि एक ही जगह सी आ जाएगा. इसमें भी मिलेगा स्टेमन, इसमें भी मिलेगा कार्पल. तो हमें म्यूटेंट फिनोटाइप ए का क्या मिलेगा, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल. देख लीजिए सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द ABC मॉडल ड्यूरिंग द फ्लावर डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमन एंड कार्पल. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कंट्रोल द ए एक्टिविटी. कौन सी जीन जो है क्लास ए एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, जो उस क्लास में आती है वही उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी. ऑप्शन इज एपिडाला 1 एंड एपिडाला 2. पहला ऑप्शन सही हो गया. अगला है, अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस एज शोन बिलो सेवरल जीन्स ऑब्लिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज AP1, 2, 3, AG एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला है, एपिडाला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट. AP2 एक्सप्रेस करता है सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट में, हां क्योंकि क्लास ए जीन एक्सप्रेस करता है दोनों. ठीक है, इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होमियोटिक जीन इन द एडजेसेंट रोल ऑफ फ्लावर डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ ऑर्गन फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट फ्लोरल ऑर्गन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज. तो म्यूटेंट जो है वो है कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल.
आपको बताना है लॉस ऑफ फंक्शन इन विच वन ऑफ द जीन वुड हैव कॉज्ड द अदर पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। आपको बताना है किस जीन में म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण ये फिनोटाइप आ रहा है। तो पहले रोल में कार्पल है तो समझ लीजिए कि क्लास ए म्यूटेट हुआ है। तो यहाँ पे जीन फॉर्म में दिया है क्लास ए की जीन सिर्फ एपी2 ही है यहाँ पे, तो यू कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीफी रेगुलेटरी जीन इन हाइब्रिड ऑप्सिस थैलियाना इज करेक्ट। लीफी इज इन्वॉल्व इन द फ्लोरल मेरिस्टेमेटी जीन, बिल्कुल सही। इट इज इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपेंशन, नो। रूट मेरिस्टेमेटी, नो। रिस्पांस फॉर द फार रेड लाइक मीडिएटेड सीडलिंग ग्रोथ। अगला है फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ क्लास ए बी एंड सी जीन्स इन अ डिफरेंट रोल। इन हाइब्रिड ऑप्सिस म्यूटेंट द फ्लावर हैड सेपल सेपल कार्पल कार्पल। ओके, सेपल सेपल कार्पल कार्पल, यानी सिंपल सी बात है, सेपल अकेला ए बनाता है, ये भी ए बनाता है, कार्पल सी बनाता है, सी बनाता है, मतलब इस केस में बी म्यूटेट हो गया है, सिंपल, राइट। म्यूटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ म्यूटेंट फेनोटाइप, यानी ये वाला म्यूटेंट फेनोटाइप किसके म्यूटेटेड होने की वजह से बना है, दैट इज बी क्लास के, राइट। वी विल गो विद सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन इज अफेक्टेड, क्वेश्चन में देखिए पूछा है, अफेक्टेड पूछा है, यानी कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा। इन एपिडाला 3 एंड पिस्टिलाटा म्यूटेंट, यानी क्लास बी म्यूटेंट, क्लास बी म्यूटेंट है ये। तो क्लास बी का फेनोटाइप हमें क्या मिलता है, दैट इज सेपल सेपल कार्पल कार्पल, ये तो फिनोटाइप हो गया म्यूटेंट का। अफेक्टेड कौन सा एरिया हो गया, अफेक्टेड वो है जो नहीं बना है, अफेक्टेड कौन सा है, दैट इज पेटल एंड स्टेमन, पेटल एंड स्टेमन अफेक्टेड, सेकंड ऑप्शन। कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की रेगुलेटेड रेगुलेटरी जीन्स, सम स्टेटमेंट ऑन द फ्लावर डेवलपमेंट आर गिवन बिलो। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। टू मेजर टाइप ऑफ जीन रेगुलेट फ्लोरल डेवलपमेंट इज मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट जीन इन हैबिट ऑप्सिस दैट प्ले की रोल इन द मेरिस्टेम आइडेंटिटी आर एपिडाला 1 लीफी SOC1, यस ये भी हमने पढ़ा था, सही है। The gene that determines the floral organ identity discovered as a floral homeotic mutant. बिल्कुल पहले ही जो हमारा स्लाइड था उसमें ही हमने पढ़ा था कि homeotic mutant के basis पे हमने देखा था, यानी जो भी जीन को हमने देखा था वो actual में mutated case में जो है पहले discovery हुई थी, उसके बाद उनका नहीं हुआ। Most plant homeotic genes belong to the class of related sequence known as a fat box gene. Fat नहीं होता है, mass box gene होता है। गलत हो गया, D गलत, तो देखिए D इधर भी है, इधर इधर ऑप्शन। Which of the floral role is affected in the agamous mutant? Agamous mutant होगा तो क्या क्या बनेगा, that is sepal, petal, पेटल, सेपल, अफेक्टेड क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया स्टेमन एंड कार्पल, तो स्टेमन एंड कार्पल दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, राइट। व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ म्यूटेशन इन द एगमस होम्योटिक जीन ऑफ द अरेबिडोप्सिस, एगमस होम्योटिक जीन, तो यहाँ पे हमको मिलेगा सेपल पेटल पेटल सेपल। एगमस म्यूटेंट फेल टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ क्लास ए जीन, यस, रिजल्टिंग इन द फोर रोल, ओके, कंपोज्ड ऑफ सेपल पेटल विद नो स्टेमन एंड कार्पल, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। एगमस म्यूटेंट मेक ओनली द गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, गलत। Agamous mutation result in the stamen and petal phenotype, galat. Agamous mutant fail to make rows, galat. All options are correct. Next thing, an Arabidopsis line that produces a flower with a carpal identity in all four rows. चारों के चारों rows में जो है carpal बन गया. चारों चारों rows में carpal बनने का मतलब हो गया कि पहले roll में भी C express कर रहा है, दूसरे में भी and तीसरे और चौथे में भी. वैसा हुआ है तो यानी किसमें mutation हुआ? A and B दोनों में mutation हुआ है. In all four rows would most likely to have mutation. In किसमें mutation हो सकता है? A class, B class, C class, A and B class both. That is D option. According to the ABC model, which of the following arrangement of floral organ from outer to the innermost would be predicted for the null mutation in the B class gene? Null mutation यानी एक तरीके से B class gene का जो product होगा, it may be either inactive or it may be either non-functional. B class mutate हो गया तो भाई पहले role में A class express करेगा, मतलब sepal express करेगा, दूसरे में भी A express करेगा, sepal and carpal carpal, sepal sepal carpal carpal, sepal sepal carpal carpal, B option. Which one of the following plant homeotic gene does not encode Mats box domain transcription factor involved in the organ floral organ specification? तो आपको बताया था कि लगभग हमने जो पांचों जीन पढ़े थे ABC क्लास के, सबके सब जीन्स Mats box फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट AP, जो AP2 फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। चलो ये डन हो गया, इजी। कैसा लगा था क्वेश्चन ABC मॉडल का, हलवा ना? तो किस किस ने कल घर में पूरी बनाया? वनलाइजेशन की क्वेश्चन ले लेते हैं। सो वनलाइजेशन का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन था, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग पाथवे कंट्रोलिंग टाइम टू फ्लावर इन द वी, ओके, कोल्ड टेंपरेचर दिया आपने जिसकी वजह से VRN2, अगर आप कोल्ड टेंपरेचर देते हैं तो इसकी वजह से VRN2 इनहिबिट हो जाता है, हेंस उसका इनहिबिशन VRN1 से हट जाता है, हेंस VRN1 जो है वो फ्लावरिंग करवाता है, ओके। अब बोला है इफ अ बैच पी ऑफ पीट सीड इज वनलाइज, पी को जो है वनलाइज किया गया, okay, and batch Q did not, or Q ko jo hai vernalization nahi diya, no vernalization, then which of the following statement is most likely to be correct, kaun sa statement correct hoga, P have a lower, acha isko is pathway ko P and Q se relate karna hai, to seedhi si baat hai, P mein aapne cold temperature diya hai to iska VRN2 jo hai wo inhibited rahega vernalization ke through, as a result iska VRN1 active rahega, to P will have lower VRN2 transcript, yes, and will flower later than Q, nahi later nahi, early basis pe karega, P will have lower VRN2 transcript, yes, and will flower early than the Q, bilkul sahi, B ho gaya hamara correct।
क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्यू में वर्नलाइजेशन नहीं दिया गया है, तो उसमें वी आर एन टू एक्टिव रहेगा, वी आर एन टू एक्टिव रहेगा तो वो फ्लावरिंग को डिले करेगा, रोकेगा और ये फ्लावरिंग करवाएगा। अगला है वीट प्लांट ट्रीटेड विद द प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर एट द सीडलिंग स्टेज फ्लावर अर्लियर देन द अनट्रीटेड कंट्रोल सीड कलेक्टेड फ्रॉम दीज ट्रीटेड इंडिविजुअल हाउएवर गिव रेस्ट टू द प्लांट दैट डू नॉट फ्लावर ईजीली दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑफ कोर्स इट इज अ वर्नलाइजेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा, वैसे मैं भी मैंने कल मैं बताना भूली, वर्नलाइज्ड प्लांट से मिला हुआ सीड ऐसा नहीं है कि वर्नलाइज्ड जो प्रॉपर्टी है सीड में ट्रांसफर हो जाती है, नहीं, एक नई जनरेशन जब आती है प्लांट से तो उस नई जनरेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक वर्नलाइज प्लांट से मिला हुआ सीड को भी वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो वर्नलाइजेशन जो है अपनी पुश्तैनी जमीन में लेकर चलाएगा, नो, नया जनरेशन मतलब उनमें भी एफएलसी प्रेजेंट रहेगा फिर उसको भी जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वर्नलाइजेशन इफेक्ट प्लांट जो है अपने आप से सीड में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ओके अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग, ओके तो यहाँ पर सबसे कॉमन वाले पे चलते हैं, फ्राइजिन, फ्राइजिन इज एन एक्टिवेटर ऑफ एफएलसी, बी का हो गया वन, सबसे कॉमन लिखे हुए थे एफएलसी, एफएलसी इनहिबिटर है, स्ट्रॉन्ग रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग, ए हो गया फोर, नेक्स्ट एफ टी जो है फ्लोरिजन है, दैट इज अ मोबाइल सिग्नल दैट इंड्यूस फ्लावरिंग, यस, क्योंकि ये मोबिलिटी शो करता है, तो सी हो गया सेकंड, एंड एफ डी जो है यहाँ पे रेगुलेट टारगेट जीन दैट मीडिएट द रीप्रोग्रामिंग ऑफ मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस फ्लावर, बी हो गया थर्ड, तो ये हो गया फोर, ए का फोर, ए का फोर एक ही मैंने, चलो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। ओके अगला सवाल है हमारे पास, द रिसर्चर वाइल स्टडिंग द वर्नलाइजेशन इन प्लांट हैज मेड द फ्लावरिंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट वन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है, बोला गया वर्नलाइजेशन कॉज स्टेबल चेंजेस इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ मेरिस्टेम टू फॉर्म द इनफ्लोरेसेंस इन सम प्लांट स्पीसीज, वर्नलाइजेशन की वजह से कुछ स्टेबल चेंजेस होते हैं, किसमें होते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ मेरिस्टेम में, कॉम्पिटेंसी ऑफ मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेम की जो कैपेबिलिटी होती है टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द फ्लावर, उस कॉम्पिटेंसी में एक स्टेबल चेंजेस लेकर आता है वर्नलाइजेशन टेक्निक, जिससे कि प्लांट में जो है फ्लावरिंग प्रोसेस देखने को मिलता है, सभी में नहीं, उस स्पीसीज में, उस प्लांट की स्पीसीज में जिनको वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर ये स्टेटमेंट देखते हैं तो ऑफकोर्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वर्नलाइजेशन कॉज चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस, यस, वर्नलाइजेशन के टाइम पे हमको कोई डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, फ्लावरिंग इज नॉट अल्टर्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशन इन द प्लांट डिफेक्टिव इन वर्नलाइजेशन, बोला है कि अगर एक प्लांट में वर्नलाइजेशन पाथवे डिफेक्टिव है तो फ्लावरिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लावरिंग का पाथवे एकदम अनअफेक्टेड रहेगा, कहने का मतलब है कि फ्लावरिंग होगी चाहे वर्नलाइजेशन पाथवे हैम्पर या डिफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको पता है वर्नलाइजेशन पाथवे अगर डिफेक्टिव रहा तो फ्लावरिंग डिले होगी या तो होगी ना, राइट, क्योंकि वर्नलाइजेशन ना देना, वर्नलाइजेशन देना लेकिन उसके पाथवे डिफेक्टिव होना, दोनों होने के लिए एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो कमाल की बात यह है कि यहां जो गलत स्टेटमेंट है वो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, वर्नलाइजेशन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ एफएलसी जीन बिल्कुल करता है, इटरेशन हमने दिखा है क्योंकि ये रिप्रेसर होता है, तो इस बेसिस पे चले तो थर्ड जो हमारा आंसर है वो इनकरेक्ट है, तो वी कैन गो विद थर्ड। अगला है तो ओके पीछे भी जाना है क्वेश्चन, द मोबाइल सिग्नल फ्लोरिजन दैट कंट्रोल द फ्लावर स्टेटस ऑफ प्लांट इज इनकोडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी फ्लोरिजन को कौन इनकोड करता है, तो हमने कल ही पढ़ा था कि एफटी जीन जो है रिसेंटली स्टडी जो हुई है उसमें एफटी जीन को पता किया गया कि वो फ्लोरिजन की तरह काम करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कल रह गया था, बाद में मुझे मिला था, बोला गया है द फ्लावरिंग रिप्रेसर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन अरेबिडोप्सिस इज, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। किस जीन की वजह से कुछ प्लांट्स में वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज रिप्रेसर जीन की वजह से, राइट, तो एफएलसी एक ऐसा रिप्रेसर है जो कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है और इसी एफएलसी के प्रेजेंस की वजह से वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसे इनहिबिट करना होता है और हेंस फ्लावरिंग को एनहांस करना होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन था जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग द प्लांट फाइटोहार्मोन एंड बैक्टीरियल फाइटोक्रोम एंड बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन, पूछा गया है और साथ ही साथ बोला गया कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है फाई हैज अ टू पीआरडी डोमेन इन द सी टर्मिनल मॉइटी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्ट्रक्चर रिलेटेड है, राइट, स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप खुद देख सकते हैं कितना डिटेल में सवाल आ रहा है। फाइटोक्रोम हैज टू पीआरडी डोमेन इन द सी टर्मिनल, सही, दैट इज फाइटोक्रोम इन साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोक्रोम इन बैक्टीरिया हैज अ हिस्टिडिन काइनेज डोमेन एट एंड टर्मिनल, देखिए एंड टर्मिनल पे वैसे तो किसी का भी हिस्टिडिन काइनेज डोमेन नहीं होगा, ठीक है, ऑल्दो हमें प्लांट में हिस्टिडिन काइनेज रिलेटेड डोमेन मिलता है, हिस्टिडिन काइनेज डोमेन नहीं मिलता है, बट जो भी है ये सब सी टर्मिनल में प्रेजेंट रहते हैं ना कि एंड टर्मिनल में, गलत, जी एफ डोमेन इज प्रेजेंट इन द एंड टर्मिनल मॉइटी ऑफ फाइटोक्रोम साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ये ट्रू हो गया। सिस्टीन रेसिड्यू दैट फॉर्म द लिंकेज इज लोकेटेड इन द गैप डोमेन इन कैनोनिकल फाइटोक्रोम सच एज फाई एंड दी दैट इज फाइटोक्रोम एंड दी साइनोबैक्टीरियल फाइटोक्रोम, तो ये भी सही है, जी एफ डोमेन में ना सिस्टीन रेसिड्यू होता है उसी से अटैच होते हैं, दैट इज क्रोम, ये हो गया आपका ट्रू। कल मैंने आपको कुछ स्लाइड्स दी थी जो कि मिस हो गई थी, उन स्लाइड्स में अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें मेंशन है वहां पे ऑलरेडी, तो देखा जाए तो गलत पूछा था तो गलत हो गया यहाँ पे सेकंड, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दी जेटबर्ग, ओके, तो अब इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो पहली बात तो ये जेटबर्ग भी एक तरीके से जैसे जेट लूप है ना उसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपका ये होमवर्क होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता करें, ठीक है,
although नाम सुन के आइडिया लग जा रहा है कि किस बारे में काम करने वाला है. इट हैड नो इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल रिदम, बिल्कुल नहीं. सेंस बायोलॉजिकल रिदम नहीं, सिंक्रोनाइज करता है बायोलॉजिकल रिदम. तो कल भी हमने साइकार्डियन रिदम पढ़ा था तो हमें यही पता चला था कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है वो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है. यानी बाहर जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को किस वक्त पे क्या करना चाहिए, तो सिंक्रोनाइज करेगा. एबॉलिश बायोलॉजिकल रिदम, बिल्कुल नहीं. तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, लाइट. Light is an important factor for plant growth and development. There are several photoreceptors in the higher plants, such as Arabidopsis thaliana, involve the perception of various wavelength of light. Some statement are given below related to the photoreceptor. आपको बताना है correct statement, ठीक है? पहला है red light photoreceptor are presented by gene family. बिल्कुल सही. Phytochrome C is the most prominent photoreceptor to perceive red light. बिल्कुल गलत. It's a phytochrome B. तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो बी हट गया, ये भी हट गया. सी दोनों में कॉमन है, हेंस सी सही माना जाएगा और ए हम ऑलरेडी सही कर चुके हैं. तो नहीं, हर हाल में आंसर फोर हो जाएगा. देख लेते हैं क्या बोला गया. क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 2 हैव इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए फोटोलाइज. सही है. फायर लाइट इज परसीव बाय द फाइटोक्रोम डी, नहीं. रेड लाइट परसीव किया जाता है उसके द्वारा. तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन. अगला है, लाइट इज क्रूशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फोटोरिसेप्टर इन द मॉडल प्लांट अरेबिडोप्सिस थालियाना एंड वी नीड टू पिक द करेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे तीन सही होगा, एक गलत होगा. देखते हैं क्या बोला है. अमंग द फाइव फाइटोक्रोम जीन रिप्रेजेंटिंग अ जीन फैमिली, फाइटोक्रोम बी प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द रेड लाइट परसेप्शन. बिल्कुल सही है, सही बोला गया है. नेक्स्ट, क्रिप्टोक्रोम आर इवॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग टाइम एंड हाइपोकोटाइल लेंथ. इज दिस ट्रू? यस, फ्लावरिंग टाइम एंड हाइपोकोटाइल के लेंथनिंग में रोल प्ले करता है. इज दिस ट्रू? बिल्कुल सही है. देखा भी हमने, दोनों का ही रोल देखा था कल. फाइटोक्रोम ए फोटोरिसेप्टर इज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द फायर लाइट परसेप्शन. सही है. द लव डोमेन ऑफ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम में लव डोमेन नहीं होता है, फोटोट्रोपिन में होता है. फोटोट्रोपिन, ये हो गया गलत, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं. तो ये हो गया एबीसी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. अगला, प्लांट आर एबल टू परसीव लाइट थ्रू द वेरियस फोटोरिसेप्टर एंड डाउनस्ट्रीम जीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट इन्वॉल्व इन द लाइट परसेप्शन. अब आपने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, अब यहाँ से इजिली पिक कर सकते हो आप किसका रिलेशन लाइट से नहीं है. बायोलॉजी में हमने सबको सबको देखा एनपीआर वन को छोड़ के. तो एनपीआर वन आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड सिग्नलिंग में, जहां पे इसका रोल आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है, परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट इन प्लांट कॉज. ब्लू लाइट को रिसीव करके प्लांट में क्या क्या देखने को मिलता है. इनहिबिशन ऑफ सेल एलॉन्गेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग. लग तो सही रहा है, क्योंकि हमें सेल एलॉन्गेशन का इनहिबिशन भी देखने को मिलता है ब्लू लाइट की वजह से, और स्टोमेटल ओपनिंग भी स्टिमुलेट होती है. तो बिल्कुल सही लग रहा है. तो स्टिमुलेशन ऑफ सेल एलॉन्गेशन, इनहिबिशन नहीं, इनहिबिशन नहीं होता स्टोमेटल ओपनिंग का. इनहिबिशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग खाली इनहिबिशन नहीं करता है. जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शन के ऑप्शन है तो हम थर्ड ऑप्शन पिक नहीं कर सकते. इनहिबिशन ऑफ सेल एलॉन्गेशन कराता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हमें अच्छे ऑप्शन दे दिया है. ऑलवेज गो फॉर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फाइटोक्रोम का था. अगला सवाल है, डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट इंड्यूस्ड बाय द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. सम स्टेटमेंट ऑन फोटोट्रोपिज्म आर गिवन बिलो. आपको बताना है करेक्ट. अगेन तीन सही होगा, एक गलत होगा. फोटोट्रोपिज्म इज अ फोटोमॉर्फोजेनिक, फोटोट्रोपिज्म इज अ फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स. इज दैट सो? क्या लगता है, सही बोला गया? बिल्कुल. नेक्स्ट, फॉर्ट वन एंड फॉर्ट टू जनरेट जीन मीडिएट फोटोट्रोपिज्म. ठीक है. डायमंड क्राइटो जीन ऑल्दो हेल्प टू परसीव ब्लू लाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म. ट्रोपिज्म में क्राइटो ड्राइवर हेल्प करता था, नहीं करता था. ट्रू. परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय फाई ए फोटोरिसेप्टर इनिशिएट फोटोट्रोपिज्म. नहीं तो, ठीक है, फाई ए का रिलेशन हमने रेड लाइट के साथ देखा था, ये गलत हो गया. तो वी कैन गो विद ए बी सी. ओके, क्वेश्चन रिपीट होंगे. नेक्स्ट, लाइट इज परसीव बाय वेरियस फोटोरिसेप्टर इन प्लांट. द फोटोरिसेप्टर प्रीडोमिनेंटली वर्क एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ. सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ प्लांट फाइटो फोटोरिसेप्टर. आपको बताना है करेक्ट वन. फाइटोक्रोम ए प्रीडोमिनेंटली परसीव रेड एंड फायरेड लाइट. नहीं, फाइटोक्रोम ए सिर्फ फायरेड लाइट परसीव करता है, गलत. फाइटोक्रोम बी प्रीडोमिनेंटली परसीव रेड लाइट. यस. क्रिप्टोक्रोम रिवर्स प्लांट डेवलपमेंट. यस. फोटोट्रोपिया इन्वॉल्व इन ब्लू लाइट परसेप्शन एंड द ग्रोथ ऑफ. यस. बीसीडी सही हो गया, सेकंड सही. नेक्स्ट, plant have evolved with a multiple photoreceptor which can perceive specific wavelength of light. Which of the following statement is correct about photoreceptor? कौन सा statement correct है photoreceptor के regarding? Phytochrome A can perceive both far-red light and blue light. Okay, हमने देखा था phytochrome जो है they predominantly perceive red and far-red light. But हमने ये भी कहा था कि minor amount में blue light भी perceive करते हैं, याद है? तो अभी तक के लिए फिलहाल में देखें तो हमको ए स्टेटमेंट ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या पता इससे ज्यादा बेटर हमारे पास स्टेटमेंट हो. फाइटोक्रोम सी कैन परसीव फायर लाइट. नहीं. क्रिप्टोक्रोम वन एंड फाइटोक्रोम बी आर फॉर परसीविंग ब्लू लाइट. नहीं. बी के लिए ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोल दिया कि ब्लू लाइट परसीव कर सकता है, जबकि बी का मेन पार्ट है रेड लाइट परसीव करना, राइट? तो हम इसके साथ एग्री नहीं हो सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोल दिया. फाइटोक्रोम बी कैन प्रीडोमिनेंटली परसीव फायर लाइट. नहीं. तो वी कैन गो विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट एक पॉसिबल स्टेटमेंट है कि ए जो है मेजर तरीके से फायर लाइट रिसीव करता है, माइनर तरीके से ब्लू लाइट रिसीव करता है. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल इज गवर्न बाय द ब्लू लाइट सेंसिंग फोटोट्रोपिन 2. व्हेन द सेल आर इरेडिएटेड विद द हाई इंटेंसिटी ब्लू लाइट द क्लोरोप्लास्ट. आपको बताना है जब हाई इंटेंसिटी आएगी ब्लू लाइट की तो क्लोरोप्लास्ट में क्या देखने को मिलेगा. पहला, इट मूव टू द साइड वॉल. यस, क्योंकि ऊपर की तरफ सतह पे तो नहीं रह सकता है, इसलिए साइड वॉल में मूव कर जाएगा. एग्रीगेट इन द मिडल नहीं होगा, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, स्मॉल क्लस्टर में भी नहीं आएगा. वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. ओके, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने.
ये भी कर लिया था। अगला सवाल था ब्लू लाइट रिसेप्टर ट्राई वन बाइंड टू द कॉप वन एंड एसपी वन कॉम्प्लेक्स बाय इंटरैक्टिंग विद द सी टर्मिनल लेजन ऑफ ट्राई वन सीसीटी इन द लाइट डिपेंडेंट मैनर एंड रेगुलेट द फोटोमॉर्फोजेनेसिस वी आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच 1.5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट रिजल्ट इन द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा। पहला है ट्राई वन बाइंड टू द कॉप वन एंड एसपी वन कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ एच 1.5। एच 1.5 का डिग्रेडेशन तो नहीं होता, जब कॉप वन और एसपी वन ट्राई वन से बाइंड होते हैं तो एच 1.5 फ्री रहता है, डिग्रेड का तो कोई केस नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हुआ, तो ए हट गया, ये हट गया, ठीक है। बी दोनों में है तो बी हर हाल में सही होगा, देखते हैं बी में क्या लगा है। ट्राई वन बाइंड टू द कॉप वन एंड एसपी वन कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एच 1.5, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सीसीटी इज ओवर एक्सप्रेस एंड प्लांट आर केप्ट इन डार्क, सीसीटी ओवर एक्सप्रेस हो गया और प्लांट को हमने डार्क में रखा है तो क्या हमको फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो ये सही है। सीसीटी ओवर एक्सप्रेस किया गया और प्लांट को लाइट में रख दिया गया तो भी हमको फोटोमॉर्फोजेनेसिस मिलेगा, तो वी कैन गो विद बीसीडी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ओके ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटो रिसेप्टर प्ले अ रोल इन द डे लेंथ परसेप्शन एंड द साइकैडियन रिदम। तो देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था साइकैडियन रिदम में फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम की मदद करते हैं, यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम्स भी हैं, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि जो जेटलू फैमिली है वो प्राइमरी फैमिली मानी जाती है मेनली साइकैडियन रिदम को रेगुलेट करने में, इसके अलग अलग बेसिस पे जो है हमको रोल भी देखने को मिलते हैं। तो जेटलू के होते हुए तो इसीलिए इस केस में वी कैन गो विद द जेटलू फैमिली, क्रिप्टोक्रोम को हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि ये एक कह सकते हो कि काम चलाओ ऑप्शन है, बट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है। फोटोट्रॉपी नहीं है, यूवी यूवी रेजिस्टेंस लोकस गेट नहीं है, तो वी कैन गो विद फर्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन, मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है फेब 2022 से, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर वेरियस प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट एंड देयर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट के प्रोडक्ट दिए गए हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स को मेंशन किया गया है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी चीज किसके बारे में है, तो आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि जो सबसे ज्यादा हमारे लिए नोन है, जो हमें पता है, हम उस ऑप्शन से शुरू करें। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमें आइसोप्रीन यूनिट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, एंड वी नो कि ये 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट टारपिनॉइड्स में पाए जाते हैं या टारपिन्स में पाए जाते हैं। इस बेसिस पे चले तो हमारा सी का जो है 1 हो जा रहा है, राइट, सी जो है 1 के साथ मैच हो रहा है। सी के साथ 1 देखिए दो ऑप्शन में है, यानी कुछ भी करके हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे देखते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा कॉमन ऑप्शन है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमको पता है कि ये कौन होता है, दैट इज एल्कलॉइड्स होते हैं, राइट। तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, राइट। तो हमने टारपिन्स के लिए 1 लिया और एल्कलॉइड्स के लिए हमने लिया दैट इज 3, एल्कलॉइड्स के लिए 3 यानी बी के लिए 3, बी के लिए 3 देखिए सिर्फ लास्ट ऑप्शन में, यानी कि हमने अभी तक सिर्फ दो स्टेटमेंट के बारे में या दो ऑप्शन को पढ़ा है, लेकिन हमारे पास सही ऑप्शन चला है दैट इज 4th, लेकिन बाकी भी मैच कर लेते हैं। फिनोलिक्स हमको पता है कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास OH ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग पे, क्लास में आपको सब कुछ पढ़ाया गया था, राइट। तो अगर देखा जाए तो फिनोलिक्स कंपाउंड जो है वो हो गया क्या, एरोमेटिक रिंग विद OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा फिनोलिक्स दैट इज 4th। लास्ट बच गया हमारे पास दैट इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, जो कि क्या होता है, जो कि होता है ग्लूकोज यूनिट विच इज अटैच बाई दी वो बीटा डी ग्लाइकोसाइड लिंकेज, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2nd। तो इस बेसिस पे चलते हैं तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2 हो जाता है, दैट इज 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है बीटा थायोगैलेक्टोसाइडेज आल्सो नोन एज द मायोसिनेसिस आर द एंजाइम दैट आर नोन टू हाइड्रोलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट। तो बीटा थायोग्लूकोसाइडेज जो है वो एक्चुअल में किसको ब्रेक करने के काम में आता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या करता है, ये दैट इज ग्लूकोसिनोलेट्स को ब्रेक करता है, राइट। अगर आप देखते हैं तो ग्लूकोसिनोलेट्स को ये थायोग्लाइकोसाइडेज जो है ये ब्रेक करके इसको एक ग्लाइकॉन ग्रुप एंड ग्लूकोज में ब्रेक करता है, राइट। तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1st ऑप्शन। अगला है प्लांट आर नोन टू सिंथेसाइज मोर देन 30,000 टारपिनॉइड्स इन्वॉल्विंग द 4 स्टेज ऑफ बायोसिंथेसिस फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेप दैट इज इन कॉलम एक्स एंड द की क्लास ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन कॉलम वाई। अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं और यहाँ पे कॉलम वाई में एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, तो जो हमने डिटेल फॉर्म में टारपिन का सिंथेसिस पढ़ा था ना, उसी डिटेल पाथवे के बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। तो अगर आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है, आपको याद है, तो ये क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट ये किसके द्वारा किया जा सकता है, टारपिन सिंथेस, P450 मोनोऑक्सीजिनेज, HMG कोए सिंथेस एंड प्रिनाइल ट्रांसपेस। तो देखा जाए तो जो दो बेसिक 5 कार्बन यूनिट होते हैं उनका एक तरीके से बायोसिंथेसिस जो है वो HMG कोए सिंथेस के द्वारा हो सकता है, यानी कि A का जो है 3 मैच हो सकता है, ठीक है। बी की बात करते हैं, रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट, रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट कौन करवा सकता है, दैट इज प्रिनाइल ट्रांसपेस करवा सकता है। अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक टारपिनॉइड स्केलेटन ये करवाने का किसका काम होता है, दैट इज टारपिन सिंथेसिस का, ये हो गया 1st। एंड नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ टारपिनॉइड स्केलेटन
लास्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा दैट इज P450 मोनोऑक्सीजिनेज दैट इज 2. तो इसको मैच करते हैं अगर हम तो ये हमारा मैच हो जाएगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन के साथ ऑप्शन आई 992. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिटेल पाथवे है आप चाहें तो एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा. इस डिटेल पाथवे के बेसिस पे ही आपसे सवाल पूछा गया था. ओके अगला सवाल है डिटर्जेंट प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ. डिटर्जेंट प्रोटीन जो है किसकी बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर हमें पता है तो हम आंसर दे पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं दे पाएंगे. तो पहला ही ऑप्शन है लिग्निन और लिग्निन्स. और लिग्निन्स जो है हमारा करेक्ट आंसर है. एल्कलॉइड्स में नहीं करता है, टारपिनॉइड्स में भी नहीं, अमाइनो एसिड्स में भी नहीं. अगला है गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड्स एंड देयर यूजेस इन द मॉडर्न मेडिसिन. तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े से टफ हो जाते हैं इनकेस अगर आपने एल्कलॉइड्स सारे एल्कलॉइड्स को याद नहीं किया है, सारे एल्कलॉइड्स रिलेटेड फंक्शंस अगर याद नहीं किए. बट फिर भी अगर कुछ कॉमन एग्जांपल अगर आता है और आपको आपको आइडिया है कि इसका फंक्शन क्या है तो उस कॉमन एग्जांपल के बेसिस पे जो है हम करेक्ट आंसर पिक कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे दो कॉमन ऑप्शन लग रहे हैं. एक है क्या, एक है कैफीन जो कि बहुत कॉमन चीज है और दूसरा है मॉर्फिन. तो कैफीन और मॉर्फिन इतना कॉमन एग्जांपल है जो कि फॉर श्योर हम एल्कलॉइड में पढ़ते ही पढ़ते हैं. अब हमें देखना है कि क्या हम इन दोनों के बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं. और अगर आपको क्यूनिन एंड दैट इज विनसिटिनिन के बारे में अगर पता है तो और भी अच्छी बात है, राइट. तो अगर देखा जाए तो कैफीन को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन पहले ऑप्शन है एंटी नियोप्लास्टिक यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर, ट्रेडिशनल एंटी मलेरियल एजेंट, पावरफुल नार्कोटिक एनर्जेटिक एंड वाइडली यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट. तो कैफीन की अगर बात की जाए तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट माना जाता है, राइट. तो इस बेसिस में चले तो हमें ए का जो है फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है. मॉर्फिन का देखते हैं, मॉर्फिन हमको पता है कि एक एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, पेन रिलीफर की तरह काम कर सकता है, राइट. तो इसको हम थर्ड के साथ मैच कर सकते हैं. तो हमारे पास दो ऑप्शन है ये, ए का दैट इज फोर और बी का थ्री. ए का फोर और बी का थ्री अगर करते हैं तो दूसरा हमारे पास देखिए क्यूनाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये एंटी मलेरियल एजेंट की तरह काम कर सकता है. ये चीज अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है फिर भी आप कैफीन एंड मॉर्फिन के बेसिस पे सही ऑप्शन पे पहुंच सकते थे. दैट इज ए का फोर देखिए दो ऑप्शन में है तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. बी का थ्री हमने पिक किया जिसके लिए हम श्योर है बिकॉज ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और हम हर हाल में मॉर्फिन के बारे में पढ़ते हैं. मॉर्फिन हो गया, निकोटिन हो गया, इन सबके बारे में हम पढ़ते हैं. तो बी का हो गया दैट इज थ्री. तो बी का थ्री देखिए तो फोर्थ ऑप्शन समहाउ सही हो जाएगा. क्यूनाइन के बारे में मैच करते हैं तो ये जो है एंटी मलेरियल एजेंट की तरह काम करता है जो कि हो गया. सेकंड बच गया हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो कि किसके साथ मैच करता है, फर्स्ट के साथ जो कि क्या है दैट इज एंटी नियोप्लास्टिक यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया एंड द अदर कैंसर. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया दैट इज फोर्थ. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन ऑर्डर ब्रैसिकेल्स. तो ब्रैसिकेल्स में जो है कौन सा प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स काम में आता है. तो जब हमने प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि हमें मस्टर्ड का पंजेंट स्मेल किसमें से किस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रेजेंट रहने की वजह से आता है, राइट. वहीं पे ब्रैसिकेल्स की बात होती है, ब्रैसिकेसी फैमिली. तो किसकी वजह से होता है दैट इज फर्स्ट ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से. अगला क्वेश्चन है इन द मॉडर्न प्लांट अरबिडोप्सिस थालियाना मिथियोनिन इज अ प्रिकर्सर अमाइनो एसिड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ. मिथियोनिन जो है कौन से मतलब प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस पाथवे में अपना रोल प्ले करता है. ऑप्शंस आर एल्कलॉइड्स, ग्लूकोसिनोलेट्स, फिनोलिक्स एंड टारपिनोइड्स. तो मिथियोनिन एक तरीके से आप कह सकते हो क्योंकि एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है. तो हमको पता है कि जो ग्लूकोसिनोलेट्स है उनमें क्या है, उनमें दैट इज सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इनको कंसीडर किया जाता है. सो फिर दैट इसीलिए दैट इज व्हाई वी कैन गो विद दिस सेकंड ऑप्शन. अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट टारपिन्स. आपको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है. 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन. बोला है मोनो टारपिन्स आर 5 कार्बन कंपाउंड. नो, 10 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं मोनो टारपिन. गलत. द एंटी मलेरियल ड्रग आर्टेमिसिनिन इज अ सस्पी टारपिन. सही बोला गया है. अगला है दैट इज एजाडायरेक्टिन इज अ ट्राई टारपिन डिराइव्ड फ्रॉम द सीड ऑयल ऑफ एशियन नीम ट्री. बिल्कुल सही. ये सारे फैक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं. नेक्स्ट, टेक्सॉल इज अ डाई टारपिन डेरिवेटिव यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट. बिल्कुल सही. तो देखा जाए तो बीसीडी सबसे ही हो गया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट सेल. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक करना है. पहला है पॉलीसेकेराइड ऑफ वेरियस शुगर विद मिथाइल एस्टर ऑफ गैलेक्टोयूरिक एसिड आर जनरली रेफर्ड एज अ काइटिन. तो देखा जाए तो ये अगर आप हमने काइटिन के बारे में पढ़ा है कि काइटिन क्या होते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत देते रखा है. नेक्स्ट, सुबेरिन एंड क्यूटीन आर पॉलीमर ओके एंड आर मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर ऑफ हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो देखा जाए तो ये कंपोजिशन एकदम सही बोला गया. ट्रू, सुबेरिन क्यूटीन के बारे में भी आपको पढ़ा जाता है. अगला है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विच कैन बी स्टेन्ड बाय द लाइट ग्रीन एंड दैट इज हिमाटोसाइलिन. ओके, तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या बोल के रखा है, फॉल्स बोल के रखा है, राइट. अगला है प्लाज्मोडेस्माटा मेंटेन कंटिन्यूटी between the cytoplasm of adjacent cell and allow the large molecule to pass between them without crossing the membrane. तो प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो जो स्टेटमेंट बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला है. तो ये देखा जाए तो ये सही हो गया. तो अगर यहाँ पे जो काइटिन का डेफिनेशन था वो गलत है और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है तो बी और डी सही हो जाता है, मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है. अगला है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द प्लांट. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है ऑल टारपिन आर डिराइव्ड फ्रॉम 6 कार्बन एलिमेंट. नहीं, 5 कार्बन एलिमेंट से डिराइव किया जाता है, गलत. एल्कलॉइड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सही. पाइरीथ्रॉइड्स इज अ मोनो टारपिन एस्टर फाउंड इन द लीव्स एंड फ्लावर ऑफ ट्राइसोमथेमम स्पीसीज शो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है लिमोनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स, गलत, राइट.
तो बी और सी सही हो जाते हैं, बी और सी सही जाने का मतलब हो गया थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डाइवर्स एरे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्लांट, द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपको पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है दे प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट बीइंग ईटन बाय द हर्बीवोर एंड अगेंस्ट बीइंग इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोबियल पैथोजन, बिल्कुल सही बोला है। टारपिन आर द लार्ज क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यस, एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय द मैप पाथवे, यस। सिक्मिक एसिड पाथवे हमने नहीं देखा था, मैप पाथवे देखा था एंड एमवीए पाथवे देखा था, राइट। तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया और ए सही हो गया। अगला है द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन अ प्लांट आर डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइल एलानिन, बिल्कुल सही है। एल्कलॉइड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द प्लांट, बिल्कुल सही। तो बी को हटा दिया जाए तो ए सी डी सही हो गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही। अगला है फिनाइल अमोनिया लाइस पैड एंड द कैल्कोन सिंथेस CHS इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन प्लांट्स, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ पैल एंड CHS। तो यहां कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पैल एंजाइम एंड कैल्कोन सिंथेस एंजाइम के से रिलेटेड, आपको पिक करना है टू स्टेटमेंट। पहला है सबस्टेट फॉर पैल इज फिनाइल एलानिन एंड फॉर CHS इज कैल्कोन। ओके, तो बोला है पैल के लिए जो है फिनाइल एलानिन है और एंड फॉर CS इज कैल्कोन, बट यहाँ CS की तो बात ही नहीं हो रही है, गलत हो गया। अगला है पैल कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू ट्रांसिनामिक एसिड, बिल्कुल सही है, ट्रू। अगला है पैल कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू पैराकॉमेरिक एसिड, नो, ट्रांसिनामिक एसिड में करता है, तो सी गलत हो गया। कॉमेराइल को ए इज कन्वर्टेड टू कैल्कोन बाय द कैल्कोन सिंथेस, तो देखा जाए तो बिल्कुल सही बोला गया है, ट्रू। तो हम बोल सकते हैं कि बी एंड डी यहाँ पर सही हो जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज पैल एंजाइम के बारे में बोला गया था यहाँ पे, और इसके अलावा कैल्कोन सिंथेस के बारे में बोला गया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने हम लोगों ने कैल्कोन सिंथेस से हमने कैल्कोन सिंथेसाइज किया था, राइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं उस हिसाब से मैंने गलत की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ ब्रांच पॉइंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अ सेस्पी टारपिन एंड द ट्राई टारपिन, सेस्पी टारपिन की बात करें तो 15 कार्बन है और ये ट्राई टारपिन की बात करें तो 30 कार्बन, राइट। तो कौन सा ब्रांच पॉइंट की तरह काम करेगा, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट नहीं, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट काम करेगा क्योंकि ये भी 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, राइट। तो ये ब्रांच पॉइंट की तरह काम करेगा, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं, तो वो द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, पहला है टारपिन आर सिंथेसाइज्ड बाय द सिक्मिक एसिड पाथवे एंड मेवालोनिक एसिड पाथवे, तो टारपिन सिक्मिक एसिड से तो सिंथेसाइज नहीं होता, गलत। एल्कलॉइड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय द सिक्मिक एसिड पाथवे, ट्रू। फिनोलिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय द सिक्मिक एसिड पाथवे एंड द मेवालोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। बोथ एल्कलॉइड एंड टारपिन आर सिंथेसाइज्ड बाय द मेवालोनिक एसिड पाथवे एंड मैप पाथवे, गलत। तो बी और सी हमको सही लग रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला है सर्टेन प्लांट स्पीसीज प्रोड्यूस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजन, ठीक है। A researcher has identified a variant of such a plant that has a higher level of cyanogenic glycosides, yet it is highly susceptible to a specific fungal pathogen. To interrupt this counter-intuitive observation, the researcher hypothesizes that the fungal pathogen has higher level of. अब यहाँ पे जो pathogen देखने को मिल रहा है, वो काफी ज़्यादा आप कह सकते हो कि resistive nature show कर रहा है, right? आपको बताना है कौन सा hypothesis यहाँ पर correct है. तो यहाँ पे किस type का हमको pathogen मिला है? A researcher has identified a variant of such a plant that has a higher level of a cyanogenic glycoside, yet it is highly susceptible of fungal pathogen. यानी कि प्लांट में cyanogenic glycosides बन रहे हैं, बट वो प्लांट में फंगस अटैक फिर भी हो रहा है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ काउंटर यहाँ पर एक तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ है पैथोजन में, इसलिए वो प्लांट पे अफेक्ट कर पा रहा है. आपको वही बताना है कि कौन सा हाइपोथेसिस सही रहा होगा. बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी हो सकता है पैथोजन के पास, दूसरा है फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी, तीसरा है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, और फोर्थ है साइनाइड रेजिस्टेंस और या फिर अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिविटी. तो देखिए साइनाइड रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि वो पैथोजन साइनाइड रेजिस्टेंस है, इसलिए उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा है. और नेक्स्ट देखिए कि बीटा ग्लाइकोसाइड एक्टिविटी में तो खुद दैट इज साइनोजन बनाया जाता है, सॉरी साइनाइड बनाया जाता है, राइट. और फॉर्मामाइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी हो सकती है जिसमें कि फॉर्मामाइड में चेंज कर दिया जा रहा है. साइटोक्रोम 450 एंजाइम का एक्शन यहाँ पे आई डोंट थिंक कुछ रोल प्ले कर रहा है. तो इस बेसिस पे चला जाए तो हमें बी और सी बी और डी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, जिस वजह से जो है ये पैथोजन एक तरीके से रेजिस्टिव नेचर शो कर रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस करने की उनके पास कैपेबिलिटी है. तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी ऑब्वियसली इन जनरली जब रहती है तभी जाकर जो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ब्रेक होकर साइनोजन में चेंज होता है. फॉर्मामाइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी अगर होगी तो साइनोजन जो बन रहा है उसे फॉर्मामाइड में चेंज कर दिया जाएगा, जो कि पैथोजन के पास हो सकती है. और साइनाइड रेजिस्टेंस जो है वो भी उसका रोल प्ले कर सकता है, जिसमें कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दो यानी फॉर्मामाइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी और साइनाइड रेजिस्टेंस ये दो प्रॉपर्टी है जो कि पैथोजन में आई है, जिस वजह से ऐसे प्लांट को इन्फेक्ट कर पा रहा है जो प्लांट ऑलरेडी साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं शो कर पा रहे हैं वो प्लांट. और साइटोक्रोम 450 एंजाइम की बात करें तो ये तो खुद ही इन्वॉल्व होता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के सिंथेसिस में. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम दैट इज बाउंड बाय द सल्फर टू ए ग्लाइकॉन ग्रुप, ये रहा हिंट आपका, ये ग्लाइकॉन ग्रुप एंड बाय द नाइट्रोजन टू द सल्फोनेट ऑक्सिम ग्रुप, ठीक है, ये दूसरा हिंट है. तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है जिसके यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है? एल्कलॉइड तो नहीं है, ये टारपीन भी नहीं है, फिनोलिक्स भी नहीं है, इट इज अ ग्लूकोसिनोलेट्स. अगला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिवली
प्रोड्यूस इन ऑल सेल ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ। पहली बात तो ये कि सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, पहली चीज ये, और दूसरा पूरी लाइफ के लिए नहीं होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दिस ऑल वेदर सिग्नल टू हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। हां बिल्कुल मदद करते हैं एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में। ये वोलेटाइल कंपाउंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये फ्लावर के घर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जैसे एंथोसायन, राइट, वोलेटाइल में हो गया, दैट इज मेंथॉल। तो देखा जाए तो बीसीडी तीनों ही सही हो गया, दैट इज सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अगला है फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टार्पिन। टार्पिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है आपको पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट और फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट आर मोनोटार्पिन एंड सिस्क्विटार्पिन रेस्पेक्टिवली। देखिए आईपीपी जो है 5 कार्बन होता है, फर्नेसाइल 15 कार्बन होता है, तो मोनो तो नहीं होगा, ये हेमी होना चाहिए था। आइसोपेंटेनाइल जो है ये हेमी हो सकता है, राइट। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया है। अगला है स्क्वालिन एंड जिरेनाइल डाइफॉस्फेट आर ट्राइटार्पिन एंड मोनोटार्पिन रेस्पेक्टिवली। यस, स्क्वालिन में 30 कार्बन होगा एंड जिरेनाइल डाइफॉस्फेट में 10 कार्बन होगा, 30 कार्बन ट्राइटार्पिन हो गया, 10 कार्बन मोनोटार्पिन हो गया, तो ये सही बोला है। डाइमिथाइल डाइफॉस्फेट एंड जिरेनाइल डाइफॉस्फेट आर 10 एंड 20 कार्बन रेस्पेक्टिवली। नहीं, जिरेनाइल डाइफॉस्फेट 20 कार्बन है, डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट 5 कार्बन है, आइसोमर फॉर्म होता है आईपीपी का, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट डाइटार्पिन है 20 कार्बन, वेरा सस्क्विटार्पिन है 15 कार्बन। यस ट्रू, तो बी एंड डी यहां पे सही हो जाता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल्कलॉइड क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो या तो आपको इसके क्लास के बारे में पता हो या तो ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन आता हो। जैसे कि लिग्निन, हमको पता है लिग्निन जो है ये फिनोलिक ग्रुप का कंपाउंड है, तो फिनोलिक है तो ये तो एल्कलॉइड नहीं हो सकता, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा इंडोल ट्रोपेन पाइरोलिडिन जो है ये सब क्या है, दैट इज एल्कलॉइड क्लास के, एल्कलॉइड क्लास से बिलोंग करता है। अगला है फिनाइल एलानिन व्हिच इज अ प्रीकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स इन हायर प्लांट्स, इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। पहला है सिक्मिक एसिड, मेलोनिक, मेवालोनिक, मिथाइल इडिटोर पाथवे। तो हमें पता है कि इसका मेजर पाथवे कौन सा होता है, दैट इज सिक्मिक एसिड पाथवे। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टार्पिन क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट एंड आइसोमर कंबाइन टू फॉर्म द लास्ट टार्पिन, सही बोला है। डाइटार्पिन आर 20 कार्बन का कारण, ट्रू। ऑल टार्पिन आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 4 कार्बन, नहीं 5 कार्बन से बनते हैं, ये गलत हो गया। पाइरिथ्रोइड्स आर मोनोटार्पिन एस्टर, बिल्कुल सही। तो ए बी डी हमारा सही हो जाता है, ए बी डी यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। विच ऑन द फॉलोइंग प्लांट, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में से कौन सा है, फॉरिनिक एसिड, एबियोटिक एसिड, कोलीन, पाइरुवेट। एबियोटिक एसिड जो है ये हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट से जाता है। आई थिंक रेजिन के मामले में हमने इसका प्रेजेंस देखा था, तो हम रेजिन पढ़ रहे थे। The gene encoding the mevalonate 3 kinase is disrupted. Okay, mevalonate 3 kinase जो बनाता है जीन वो disrupt हो गया है in certain plant, कुछ plant में। Which one of the following statement that is concerning the above plant is correct? कौन सा statement correct होगा इस plant के लिए? पहला, mevalonic acid 3,5-bisphosphate will synthesize. नहीं, mevalonate 3 kinase क्या करता है? Mevalonic acid 3,5-bisphosphate को synthesize करता है, तो अगर ये problem हो गया इस enzyme में तो ये synthesize नहीं होगा, गलत। नेक्स्ट, मेवालोनिक एसिड 3,5-bisphosphate एंड आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड, नो दे विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड, दे विल बी नो सिंथेसिस ऑफ अ मेवालोनिक एसिड 3,5-bisphosphate, यस, बट मेवालोनिक एसिड विल बी सिंथेसाइज्ड, ट्रू। एसिटेट कोए एंड मेवालोनिक एसिड विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड, गलत। देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो आपको दिखाया था मैंने पिक्चर, ये देखिए, ये इसकी बात की जा रही है, यहाँ पे है ये मेवालोनेट 3 काइनेज, आप देख सकते हैं जो कि क्या कर रहा है, दैट इज मेवालोनेट 3 काइनेज, जब अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो ये देखिए ये जो कंपाउंड है मेवालोनेट 3,5-bisphosphate ये नहीं बनेगा, राइट, इसी की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है आर्टेमिसिन एंड ड्यूरिन बिलोंग टू विच टू रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ प्लांट नेचुरल कंपाउंड। एल्कलॉइड टार्पिन नहीं, फ्लेवोनॉइड्स एल्कलॉइड्स नहीं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, उल्टा लिखा है, गलत, और फ्लेवोनॉइड्स में नहीं होगा। एंड ये टार्पिन होते हैं, आर्टेमिसिन टार्पिन है, एंड ड्यूरिन जो है ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है। एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, एग्जांपल इसके पढ़ाए जा चुके हैं। अगला है गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। प्लांट में जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला, ग्लूकोसिनोलेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द इलॉन्गेशन इन द लेंथ ऑफ साइड चेन ऑफ देयर प्रीकर्सर अमीनो एसिड, सही बोला है, ट्रू। अगला है ऑल टार्पिन प्रोड्यूस इन हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर स्टिकी ऑयली लिक्विड विच रिड्यूस द पैलेटेबिलिटी ऑफ दिस प्लांट। ऑल टार्पिन, सारे के सारे टार्पिन तो ऐसे नहीं होते हैं, राइट, हमने वैरायटी ऑफ टार्पिन देखा जिसके वैरायटी ऑफ अलग अलग फंक्शंस हैं, नेचर है, सबके सब स्टिकी एंड ऑयली नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। अगला है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन टॉक्सिक फॉर्म। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स दैट इज प्रोड्यूस होकर स्टोर हो जाता है टॉक्सिक फॉर्म में। याद कीजिए हमने कहा था कि जो प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है उन प्लांट को कोई एक तरीके से डैमेज करे या फिर उसे च्यू करे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें से जो है साइनोजन यानी साइनाइड जो है रिलीज होते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है पैथोजन को या फिर हर्बिवोर्स, राइट। तो ये स्टोर नहीं रहता है, ये ब्रेक होता है, जब लीव्स या प्लांट में डैमेज या उनको चीव किया जाता है तो उस टाइम पे जो उनके अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तब जाके साइनोजन बनता है जो कि टॉक्सिसिटी मतलब प्रोवाइड करने का काम करता है, तो ये टॉक्सिक फॉर्म में स्टोर नहीं होते। अगला देखिए, द डिफरेंस मॉलिक्यूल एल्कलॉइड और देयर प्रीकर्सर आर गैदर फ्रॉम प्लांट एंड यूज बाई सम इंसेक्ट फॉर देर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर। तो देखा जाए तो डी वाला स्टेटमेंट क्या है, डी वाला स्टेटमेंट सही है। याद कीजिए हमने बायोटिक स्ट्रेस में देखा था कि किस तरीके से जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो वोलेटाइल कंपाउंड जो है एक प्लांट से रिलीज किए जाते हैं जब उस प्लांट को मतलब कोई पैथोजन डैमेज करता है, तो
और उसके बाद वो दूसरे प्लांट को प्राइम करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पेस्ट ऑफ पेस्ट हो यानी पेस्ट के एनिमी को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सब चीजें किसके थ्रू हो रही थी, दैट इज एल्कलॉइड्स एंड बाकी सारे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू हो रही थी। तो यस, ये मदद करते हैं और गैदर फ्रॉम द प्लांट एंड यूज बाय सम इंसेक्ट फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर। बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो यहाँ पे ए एंड डी सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज स्पर्मिडिन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड। स्पर्मिडिन जो है कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड को प्रेजेंट करता है। पहला है जासमोनिक एसिड, नहीं, स्पर्मिडिन एक्चुअल में पॉलीअमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो बाकी अदर ऑप्शन भी नहीं होंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। आपने पहले भी उम्मीद करती हूँ सॉल्व किया होगा और अभी आपको एक्सप्लेनेशन जानने को मिल गया होगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हुई थी तो। सो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है सितंबर 2022 का, Which of the following statement is incorrect? कौन सा statement जो है incorrect है? पहला है dehydrins are intrinsically disordered protein। तो मैं आपको बता दूं dehydrin जो है हमने इसके बारे में already पढ़ा है stress physiology में। ये जो हमने पढ़ा था लिया protein की category, लिया protein की category में चलाता है dehydrins। तो देखा जाए तो yes, dehydrins के बारे में अगर मैं आपको information दूं तो dehydrin जो है ये एक मल्टी फैमिली प्रोटीन होती है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है और मेनली कोल्ड एंड ड्राउट रेस्पॉन्स के ड्राउट के टाइम पे जो है ये एज अ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस की जाती है। डिहाइड्रिन एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक होती है जस्ट लाइक अ लिया प्रोटीन, थर्मोस्टेबल होती है और एक डिसऑर्डर प्रोटीन होती है। इस हिसाब से चलते हैं तो पहला स्टेटमेंट है डिहाइड्रिन आर इंट्रेंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू दिया गया है। इसके बाद है डिहाइड्रिन्स हैव अ मिनिमल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सही है, इसका एक मिनिमल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। डिहाइड्रिन्स आर ऑफन इंड्यूस्ड बाय एबीए, ये खुद सोचिए कि ये जो डिहाइड्रिन्स है ये लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती है, दैट इज लिया प्रोटीन से बिलोंग करती है, मेनली ग्रुप 2 में आती है ये। तो हमको पता है कि लिया प्रोटीन एबीए के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, तो इनडायरेक्टली डिहाइड्रिन्स किसके द्वारा इंड्यूस होंगी, दैट इज एबीए के द्वारा। तो यस, ये भी ट्रू हो गया। अगला है डिहाइड्रिन्स आर प्राइमरली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस बट मोर रिसेंटली दे हैव बीन फाउंड इन अदर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा डिहाइड्रिन्स आर हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स। अभी अभी हमने ये देखा कि ये जो है हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होती है जो कि लिया प्रोटीन की भी एक तरीके से प्रॉपर्टी है। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये क्या हो गया, दैट इज फॉल्स हो गया। आपसे पूछा था इनकरेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द सबमर्जेंस टॉलरेंस इन द प्लांट। अब ये जो टॉपिक है ये हमने नहीं पढ़ा है, इससे रिलेटेड चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबमर्जेंस टॉलरेंस क्या होता है, देखिए आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनका कुछ बॉडी पार्ट जो है पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और उसके बाद वो ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम सबमर्ज या फिर वेटलैंड प्लांट्स का भी नाम देते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है और उनमें टॉलरेंस कैसे आता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पहले कंसेप्ट गेन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जो कंसेप्ट हम गेन करेंगे उस कंसेप्ट से हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया गया है यहाँ पे द मोस्ट वेटलैंड प्लांट, जैसे कि हो गया राइस, अपने राइस को देखा होगा कि वो काफी लंबे टाइम तक जो है उसको पानी में डूबो के रखा जाता है, उसका जो प्लांट होता है वो काफी लंबे टाइम तक पानी में डूबा रहता है, यानी कि एक तरीके से सबमर्ज बेसिस पे वो ग्रो करता है, तो इसलिए हम इसे वेटलैंड प्लांट के भी नाम से जानते हैं। ऐसे प्लांट में क्या होता है, ऐसे प्लांट में ये जो प्लांट होते हैं ये अपने आपको एक्लीमेट कर लेते हैं वेट कंडीशन के लिए, यानी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं वेट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ऐसे प्लांट में क्या होता है, द स्टेम एंड द रूट डेवलप लॉन्गिट्यूडनली इंटरकनेक्टेड गैस फील्ड चैनल दैट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ O2 एंड द अदर गैसेस। इस टाइप के प्लांट में क्या होता है, स्टेम एंड रूट लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे इंटरकनेक्टेड गैस फील्ड चैनल जो है इनमें बन जाते हैं। ये जो गैस फील्ड चैनल होते हैं या गैस फील्ड वॉइड्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी से गड्ढे जैसे नजर आएंगे, ये जो गैस फील्ड चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये O2 और अदर गैसेस को बहुत ही कम रेजिस्टेंस के साथ मूव करने में मदद करते हैं, स्पेशली उन प्लांट्स में जो कि पानी में आधा पोर्शन मतलब डूबे हुए रहता है उनका बॉडी पार्ट, उन प्लांट में जो है ये एक तरीके से चेंजेस देखेगा। द गैसेस और एयर एंटर थ्रू द स्टोमेटा और थ्रू द लेंटिसेल्स। तो गैसेस बोल लीजिए, एयर बोल लीजिए, स्टोमेटा या लेंटिसेल्स के द्वारा एंटर लेते हैं। तो गैसेस हो या फिर एयर हो, स्टोमेटा या लेंटिसेल्स के थ्रू एंट्री लेता है मेनली स्टेम या रूट में, और उसके बाद मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के द्वारा या फिर प्रेशर ड्राइविंग ग्रेडिएंट के द्वारा ट्रैवल करता है। इन मेनी प्लांट एडेप्टेड टू द वेटलैंड ग्रोथ रूट सेल आर सेपरेटेड बाय द प्रोमिनेंट गैस फिल्ड स्पेसेस दैट फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड द आर्किनकाइमा, सॉरी आर्किनकाइमा। तो बोला क्या गया है कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने वेटलैंड में खुद को एडॉप्ट कर लिया है, उन प्लांट्स में क्या देखा जाता है कि उनके जो रूट सेल्स हैं वो गैस फिल्ड स्पेस से एक तरीके से सेपरेटेड होते हैं। The root cell are separated by the prominent gas filled space that form the tissue called the parenchyma. और ये जो root cell होते हैं इनका separation कैसे होता है, gas filled space के द्वारा, जो कि क्या बनाते हैं, जो कि एक tissue बनाते हैं जिसे हम parenchyma कहते हैं। These cells develop in the root of a wet plant independently of environmental stimuli. अब ये जो cells होते हैं इनका development root में देखा जाता है, लेकिन ये किसी भी environmental stimulus पे depend होके grow नहीं करते। In some non-wetland monocot and dicots, कुछ non-wetland की बात की जा रही है, non-wetland monocots and dicots में देखा गया है, however O2 deficiency induces the formation of parenchyma in stem base and newly developed root.
तो कुछ ऐसे भी नॉन वेटलैंड प्लांट्स है जैसे कि मोनोकॉट या डाइकॉट प्लांट, जिनमें कि जब O2 की डेफिशिएंसी होती है तो उन प्लांट्स में आरेन्काइमा टिश्यू का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मेनली स्टेम के बेस में और न्यूली डेवलप्ड रूट में। An example of induced arenchyma occur in the maize. Maize में जो है इसका अच्छा खासा एग्जांपल देखा गया कि कैसे जो है आरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म होता है, स्पेशली जब हाइपोक्सिया कंडीशन होता है, यानी कि जब O2 की डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से क्या होता है ACC सिंथेज एंड ACC ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जाता है। और आपको पता है ये एंजाइम इथिलीन सिग्नलिंग इथिलीन पाथवे में इन्वॉल्व होती है, इथिलीन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, राइट। तो वही बोला गया कि हाइपोक्सिया कंडीशन क्या करता है, ACC सिंथेज एंड ACC ऑक्सीडेज का इस तरीके से उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, मेनली रूट टिप में, स्पेशली मेज प्लांट की बात हो रही है। और जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज दैट विल कॉज द ACC एंड इथिलीन टू बी प्रोड्यूस फास्टर, जिसकी वजह से ACC और इथिलीन का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। इथिलीन ट्रिगर द प्रोग्राम सेल डेथ, इथिलीन जो है आगे चल के PCD यानी प्रोग्राम सेल डेथ करवाता है, दैट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स इन द रूट कॉर्टेक्स, और रूट कॉर्टेक्स में जो सेल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। नाउ द स्पेस फॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय दीज सेल्स प्रोवाइड गैस फिल्ड वॉइड्स दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ O2। उसके बाद ये जो पीसीडी के द्वारा ये जो स्पेस फॉर्म हुआ है, ये स्पेस क्या करता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया जाता है इन सेल्स के द्वारा और एक तरीके से गैस फील्ड स्पेस प्रोवाइड करता है जहां से O2 जो है वो इजिली मूव कर सकता है, ठीक है। नाउ इथिलीन ट्रिगर सेल डेथ इज हाईली सेलेक्टिव, ये इथिलीन के द्वारा सेल डेथ करवाना और आप कह सकते हो कि एक खाली वॉइड बनाना जो कि गैस फील्ड हो और वो एरिया जो है O2 के मूवमेंट में मदद कर सके, तो ये जो एक्शन है सेल डेथ का जो कि इथिलीन के द्वारा किया जा रहा है, ये काफी ज्यादा सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। Only some cells have the potential to initiate the developmental program that create the arenchyma. कुछ ही सेल्स के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो आरेन्काइमा का फॉर्मेशन कर सके। When the arenchyma formation is induced, there is a rise in the cytosolic calcium concentration. It's thought to be the part of ethylene signal transduction pathway leading to the cell death. तो जब arenchyma का formation होता है ना, तो उस time पे cytosolic जो calcium का concentration होता है, वो भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो माना जाता है कि calcium concentration का बढ़ना arenchyma की formation से related है और ethylene signal transduction और cell death के pathway से भी related है। क्योंकि arenchyma का formation हो रहा है कब, जब cell death हो रहा है, especially कब हो रहा है cell death, जब ethylene signaling चल रही है। तो ये तीनों चीजें क्या कर रही है, calcium के concentration को बढ़ा रही है। तो calcium के concentration का बढ़ना इन तीनों event से related हो सकता है। सिग्नल दैट एलिवेट कैल्शियम साइटोसोलिक कैल्शियम कंसेंट्रेशन कैन प्रमोट सेल डेथ इन द एब्सेंस ऑफ हाइपोक्सिया। तो मेनली क्या होता है कि ऐसे सिग्नल जो कि कैल्शियम के कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, एक्चुअल में उस वक्त पे सेल डेथ भी हो रहा होता है। और सेल डेथ क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हाइपोक्सिया कंडीशन है, यानी ऑक्सीजन की कमी चल रही है। Conversely, the signal that lowered the cytosolic calcium concentration blocked the cell death in hypoxic root that would normally form arenchyma. और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है जिससे कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो अगर ऐसा होता है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो सेल डेथ भी जो है ब्लॉक हो जाएगा, चाहे कंडीशन हाइपोक्सिक ही होना हो, ओके। एंड ऑब्वियसली उन टिश्यू में आरेन्काइमा का फॉर्मेशन भी एक तरीके से हम पड़े। सम टिश्यू कैन टॉलरेट एनएरोबिक कंडीशन इन द फ्लडेड सॉइल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, दैट इज फ्रॉम वीक टू मंथ बिफोर डेवलपिंग द आरेन्काइमा। कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जो कि एनएरोबिक कंडीशन को, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाले कंडीशन को काफी लंबे टाइम तक जो है झेल सकते हैं बिना आरेन्काइमा को डेवलप किए, मतलब कि आरेन्काइमा के डेवलपमेंट से पहले पहले का जो फेज है जिसमें कि अच्छा खासा ऑक्सीजन की कमी है, तो वो जो कमी है उसे टॉलरेट कर सकते हैं काफी सारे टिश्यू, जिसमें कि इंक्लूडेड है एम्ब्रियो एंड कोलियोक्टाइल ऑफ राइस हो गया, राइस ग्रास हो गया, राइजोम्स हो गए, जाइंट बुलरश हो गया, इसके अलावा नैरो लीव्ड कैटटेल हो गया। दीज राइजोम्स कैन सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ एंड एक्सपैंड देयर लीव्स अंडर द एनएरोबिक कंडीशन। इन द रूट ऑफ राइस एंड द अदर टिपिकल वेटलैंड प्लांट स्ट्रक्चरल बैरियर कंपोज्ड ऑफ सुपराइज्ड एंड लिग्निफाइड सेल वॉल प्रिवेंट O2 डिफ्यूजन आउट ऑफ द सॉइल। अब जो वेटलैंड प्लांट होते हैं उनमें एक और भी यहाँ पे एक तरीके से मॉर्फोलॉजी देखी जाती है कि इनमें स्ट्रक्चरल बैरियर है, यानी इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं जो कि एक तरीके से बैरियर का काम कर सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है सुबेरिन एंड लिग्निन से कवर्ड है, यानी सुबेरिन एंड लिग्निन से मिलकर बने हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि O2 का डिफ्यूजन सॉइल के अंदर नहीं हो पाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई प्लांट पानी में डूब के ग्रो कर रहा है तो उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट, हाइपोक्सिक कंडीशन से वो गुजरता है। तो ऐसे प्लांट जिनको पता है कि हमें हमारी लाइफ का काफी ऐसा समय है जिसमें कि हमें पानी में रहकर ही ग्रो करना है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ ऐसे आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजी एडेप्टेशन या एक्लिमेशन करते हैं जिसकी मदद से वो O2 की सप्लाई को मेंटेन रख पाते हैं। तो जो जैसे कि यहाँ पे आरेन्काइमा का फॉर्मेशन हो गया, जो वॉइड्स हो रहे हैं उनका फॉर्मेशन हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक तरीके से गैसेस ट्रैवल कर रही हैं। तो वही बोला है कि O2 के आउटवर्ड डिफ्यूजन को रोक दिया जाता है, क्योंकि ऐसे प्लांट में स्ट्रक्चरल बैरियर बना है जो कि सुबेरिन एंड लिग्निन से मिलकर बना हुआ है। द O2 does retain supplies the apical meristem and allow the growth to extend 50 cm or more into the anaerobic soil. In contrast, the root of non-wetland species. अगर हम non-wetland species की बात करें, जैसे कि हो गया मेज प्लांट, they leak O2.
तो इनमें जो है इस टाइप का बैरियर मतलब कि नहीं देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो O2 के लीकेज को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। इंटरनल O2 बिकम इनसफिशिएंट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द रूट एपेक्स ऑफ दीज नॉन वेटलैंड प्लांट एंड दिस लैक ऑफ O2 सीवियरली लिमिट द डेप्थ टू विद व्हिच सच रूट कैन एक्सटेंड इनटू द एनएरोबिक सॉइल। और ऐसे प्लांट में क्या होता है क्योंकि O2 के लीकेज को प्रिवेंट नहीं किया जाता है, जो O2 प्लांट सिस्टम में रहना चाहिए था वो O2 जो है बाहर डिफ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से O2 की लिमिटेड सप्लाई होने के कारण ऐसे नॉन वेटलैंड प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो उतना लंबा एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं एनारोबिक सॉइल में जितना उनको करना चाहिए था, या फिर आप कह सकते हो इन कंपेरिजन टू द वेटलैंड प्लांट। तो ये थी कुछ कहानी अबाउट दी सबमर्ज ऑर्गन एज वेल एज टॉलरेंस। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं गैसेस फिल्ड वॉइड की बात करूं तो ये रहा गैसेस फिल्ड स्पेस इन द कॉर्टेक्स, जिसको कि हम वॉइड कह रहे हैं, जो एक तरीके से हाइपोक्सिक कंडीशन में जो है क्रिएट हो सकते हैं। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा उसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। पहला ऑप्शन है वेटलैंड प्लांट हैव अ स्ट्रक्चरल बैरियर टू प्रिवेंट O2 डिफ्यूजन इन द सॉइल। यस, ये अभी हमने पढ़ा जो कि लिग्निन एंड सुपरिन का बना होता है। ड्राईलैंड प्लांट हैव अ स्ट्रक्चरल बैरियर टू प्रिवेंट O2 डिफ्यूजन इनटू द सॉइल। नो, दिस इज फॉल्स, इसलिए उनका जो O2 है वो लीक होता रहता है, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट, लोअरिंग ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम प्रिवेंट दी आरेनकाइमा फॉर्मेशन। अगर आप साइटोसोलिक कैल्शियम को लो कर दोगे तो आरेनकाइमा का फॉर्मेशन जो है एक तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा। और लास्ट देखिए, एक्टिवेशन ऑफ इथिलीन सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे प्रिवेंट द आरेनकाइमा फॉर्मेशन। जबकि अगर हम इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे का एक्टिवेशन करें तो आरेनकाइमा का फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अगला सवाल जो है ये कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सी डिजीज है और उसके पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाले हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, ग्रेन रॉट हो गया, शीथ ब्लाइट हो गया, लीफ स्मट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। उसके यहाँ पे जो है पॉजिटिव एजेंट मेंशन किए गए हैं, तो इस हिसाब से चलते हैं। तो आप यहाँ पे जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ए, ठीक है, तो ए के साथ जो है आप ज़ैंथ्रोमोनस ऑरिजी को आप ले सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज ए का थ्री, राइट। नेक्स्ट, ग्रेन रॉट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेन रॉट के साथ मैच हो जाएगा दैट इज बुक्लोडिया वुलमैन। शीत ब्लाइट की बात करते हैं तो इसके साथ हो जाएगा राइजोक्टोनिया सोलानी। एंड लीफ स्मट की अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा एंटीलोमा ओरेसी डी, और लास्ट में बच गया दैट इज स्क्लेरोथोरा मैक्रोस्पोरा, जो कि हो जाएगा डाउनी मिल्ड्यू। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आप मतलब कि इन केस अगर आपको याद है आप तभी कर पाते हो, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। एनीवेज, आप इसको जो है नोट डाउन करके रख लीजिएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दैट इज। अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम फेब 2022, द फाइटोहार्मोन इथिलीन मिथाइल जास्मोनेट दैट इज MEJA एंड सैलिसिलिक एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द इंडक्शन ऑफ डिफेंसिन PDF 1.2 एंड पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन दैट इज BR1। तो डिफेंसिन प्रोटीन के बारे में भी हमने कुछ छोटे मोटी सी चीजें पढ़ी थी एंड PR प्रोटीन के बारे में भी पढ़ी थी। तो आपको बताना है कौन से मतलब कि यहाँ पे हार्मोन के द्वारा कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। देखा था कि प्रोडक्शन या एक तरीके से सिंथेसिस करते हैं, राइट। इस हिसाब से चलते हैं हम, एसिड PR1 को प्रोड्यूस करता है, एक स्टेटमेंट सही हो गया। सैलिसिलिक एसिड PDF1.2 को प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके बाद हो गया यहाँ पे 1.2 की बात की गई है, तो इथिलीन मिथाइल जास्मोनेट जो है ये एक्टिवेट करते हैं डिफेंसिन PDF1.2 को एंड ये PR1 को नहीं करते हैं, राइट। तो SA इज स्पेसिफिक फॉर PR1 जबकि इथिलीन एंड मिथाइल जास्मोनेट जो है यहाँ डिफेंसिन प्रोटीन के लिए हो गया। तो इस बेसिस पर अगर हम चलते हैं तो A और D जो है ये हमारा सही हो जाता है। इससे रिलेटेड जहां तक मुझे याद है मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, फाइन। अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जीन प्रोडक्ट डू नॉट कंटेन NBSLRR डोमेन। आपको याद होगा मैंने कहा था कि कुछ एकाध क्वेश्चन जो है जब मैं आपको आर जीन के बारे में पढ़ा रही थी तो कुछ एकाध क्वेश्चन हमको कुछ रिसर्च पेपर से भी मिले हैं। तो इसमें जो है बोला गया कि यहाँ पे आर जीन प्रोडक्ट कौन सा ऐसा है जिसमें कि NBSLRR डोमेन नहीं पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखे तो RPS2 प्रोटीन ऑफ अरेबिडोप्सिस इसमें पाया जाता है, XA1 प्रोटीन ऑफ राइस इसमें भी पाया जाता है, N प्रोटीन ऑफ टोबैको इसमें भी पाया जाता है, MIO प्रोटीन ऑफ बार्ले इसमें नहीं पाया जाता है। तो जिसमें NBSLRR डोमेन नहीं होता है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब इससे जुड़े स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं ये NBSLRR डोमेन रखने वाले ये बहुत से प्रोटीन हैं। इन्हीं में से अगर आप देखते हैं तो RPS2 है, इसके अलावा यहाँ पे और भी प्रोटीन है जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप इनको यहाँ से N प्रोटीन्स को देख सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो XA1 प्रोटीन है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो उसको देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन कौन से प्रोटीन में NBSLRR डोमेन है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉस जनरेटेड इन अ प्लांट, फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रॉस एंड इट्स स्कैवेंजिंग। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो रॉस जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रॉस जनरेशन आपको पढ़ाया गया है। बोला है H2O2 इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड ट्रैवल रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। रॉस इज स्कैवेंज्ड ओनली थ्रू द एंजाइमेटिक रिएक्शन, नहीं
खाली एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा ही एक तरीके से स्केवेंजर नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉस के स्केवेंजर में जो है एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हो गया एस्कॉर्बेट, ग्लूटाथायोन, विटामिन ई एंड कैरोटीनॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो खाली एंजाइमेटिक रिएक्शन ही नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए आपसे गलत कहते हैं। अगला है एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन साइकिल इज एसोसिएटेड विद द स्केवेंजिंग ऑफ रॉस, बिल्कुल सही है। आप याद कीजिए मैंने आपको एज एडिशनल नोट आपको एक साइकिल दिखाई थी, ये उसी की बात कर रहे हैं। अगला है मोनोडीहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, बट ध्यान दीजिए अगर मैं एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करती हूँ तो इसमें मोनो डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज भी चला आता है, तो ये क्या है, ये गलत देख रखा है। तो इस हिसाब से चलते हैं तो ए और सी हमारा सही हो जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है LR34 इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज रेजिस्टेंस जीन इन वीट विच इंक्लूड फॉर द प्यूटेटिव। तो अगेन ये क्वेश्चन आप कह सकते हो एक तरीके से रिसर्च पेपर से लिया गया है कि LR34 जो है ये एक तरीके से रेजिस्टेंस जीन है वीट में, तो आपको बताना है कि ये LR34 किसको कोड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ABC ट्रांसपोर्टर को एक्चुअल में कोड करता है। इतना ही नहीं, जो हेक्साप्लॉइड वीट है ना उसमें बहुत से रेजिस्टेंस जीन देखे गए हैं, जैसे कि हो गया LR34 जिस पे ये सवाल पूछा गया था, YR18, SR57, PM38 एंड LTN1, ये सबके सब क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस टू द वीट। लीफ रस्ट के लिए LR34 काम करता है, स्ट्राइप रस्ट के लिए YR18 काम करता है, स्टेम रस्ट कंडीशन के लिए SR57 काम करता है एंड पाउडरी मेल्यू के लिए जो है PM38 काम करता है। तो जिस डिजीज कंडीशन से रेजिस्टेंस गेन करेंगे उसी का देखिए यहाँ पर मतलब एक तरीके से कोड लिया गया, जैसे कि लीफ रस्ट LR राइट हो गया, स्ट्राइप रस्ट के लिए यहाँ पे YR लिया गया है, स्टेम रस्ट के लिए SR लिया गया है, पाउडरी मेल्यू के लिए PM लिया गया है। Pathogen and has remained effective in the wheat crop for many decades. अब अगर हम बात करें किस किस को कोड करते हैं, तो LR34 जो है ये ABC टाइप ट्रांसपोर्टर को कोड करता है, LR67 जो है हेक्सोस ट्रांसपोर्टर माना जाता है, एंड YR36 जो है प्रोटीन काइनेज विच इज फ्यूज्ड विद द स्टार्ट डोमेन। तो ये तरीके से जो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन पे हमारा बस चलता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब कि एक दो आपको पेपर में मिल जाएंगे जो कि एक तरीके से कुछ रिसर्च पेपर से उठा के दे दिए गए होते हैं। तो हमसे LR34 के बारे में पूछा था, तो वी कैन से दैट इट इज अ ABC ट्रांसपोर्टर, ABC टाइप ट्रांसपोर्टर सेकंड ऑप्शन। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ नाजी जीन ऑफ सुडोमोनस पिट्यूटिया कैटालाइजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड टू विच टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि अगर आप सैलिसिलिक एसिड को ठीक है ना जीन से अगर ट्रीट करते हो तो सैलिसिलिक एसिड को कौन से कंपाउंड में कैटाबोलाइज किया जाएगा एक तरीके से ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, कैटेकोल एंड बेंजाइल ऑयल। तो देखा जाए तो ये एक्चुअल में जो है कैटेकोल में इसको मेटाबोलाइज करता है, वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NAGI जो जीन होता है इट इनकोड ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि कन्वर्ट करता है सैलिसिलेट टू कैटेकोल यूजिंग द FAD एज ए फैक्टर। अगला है गिवन बिलो आर फैक्टर टर्म्ड एसोसिएटेड विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है। अब ऐसे कॉलम में जो आपको मतलब कि जो फैक्ट्स आपको पता है उसको आप मैच कर लीजिए सिंपल, जैसे कि हो गया वैक्यूलर टाइप PCD, तो वैक्यूलर टाइप PCD आपको पता है मेगास्पोरोजेनेसिस करवाने में मदद करता है, तो ये हो गया आपका एस लोकस को अभी हम रखते हैं साइड में, और एस लोकस जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के टाइम पे काम करता है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि एक ने थ्री से मैच कर दिया तो देखिए एक का थ्री सिर्फ एक ही में और बी का वन भी हो गया यहाँ पे ठीक है। कॉन्स्टेंस जीन की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लावरिंग करवाता है लॉन्ग डे प्लांट में, ये भी हम इस जीन के बारे में भी हमने पढ़ा है। एनॉक जीन की बात करें तो ये एडेक्सियल एंड एबेक्सियल पैटर्निंग करवाता है लीफ में, ये भी हमने पढ़ा है। इसे एस लोकस हमारे लिए अननोन था जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट करता है, इस हिसाब से चलते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गार्डी प्रोटीन दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इज करेक्ट। तो आपको गार्ड हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, वहां पे हमने गार्डी प्रोटीन के बारे में पढ़ा था एंड डिकॉय के बारे में पढ़ा था राइट। तो बोला इट इज अ बैक्टीरियल प्रोटीन दैट गार्ड द होस्ट सेल कंपोनेंट, गलत। इट इज सिक्रेटेड बाय द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अगेन गलत। इट इंपैक्ट डिजीज रेजिस्टेंस इन द प्लांट दैट लैक कॉग्नेट आर प्रोटीन, अगेन गलत। डिग्रेडेशन ऑफ अ गार्डी प्रोटीन कैन एक्टिवेट द डिफेंस रिस्पॉन्स, एक्जेक्टली आप देख सकते हैं or even the degradation of GARDI by pathogenic effector, respective NLR get activated and use the downstream signaling which ultimately lead to the ETI associated plant defense response. So, उसी response के बारे में यहाँ बात किया गया है। So, we can go with the fourth option. अगला question है, which of the following statement regarding the production of various reactive oxygen species during the oxidative burst is incorrect? कौन सा statement incorrect है? पहला है NADPH oxidase involved in the process is a plasma membrane spanning protein. बिल्कुल सही बोला है। नेक्स्ट है इन अरेबिडोप्सिस NADPH ऑक्सीडेज आर इंकोडेड बाय द रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑक्सीडेज होमोलॉग जीन, सही बोला है। ट्रू। सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज इज अ एपोप्लास्टिक एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपरऑक्साइड, यहां पे गलत बोल दिया है। FAD इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपरऑक्साइड, यस ट्रू बोला है। तो देखा जाए तो देखिए सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या करता है, इट इज एन एंजाइम दैट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस द सुपरऑक्साइड एनायन। ये सुपरऑक्साइड बनाता नहीं है, सुपरऑक्साइड एनायन को एक तरीके से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकता है, किसके लिए, ताकि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सके। और यहाँ पे बोला है सुपरऑक्साइड को बनाता है, तो ये बनाता नहीं राइट, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को फॉर्म करवाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या बोला है, इनकरेक्ट बोला है। तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। अगला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द डाइवर्स स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द फंगल पैथोजन, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट।
एक्सीटॉक्सिन इनहिबिट द हिस्टोन डीएसिटाइलेज ऑफ होस्ट प्लांट, सही है. ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस बाय फंगस पैथोजन सप्रेस अर्ली प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है, ये भी हमने पढ़ा है. ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस बाय फंगल पैथोजन इंड्यूस कैलोज डिपोजिशन इन द इन्फेक्टेड टिश्यू, नो. एक्सीटॉक्सिन टारगेट काजा मेंब्रेन लोकलाइज एच प्लस एटीपेज, नहीं, ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज को टारगेट करता है. तो आप देख सकते हैं एक्सीटॉक्सिन मेनली हिस्टोन डीएसिटाइलेज को टारगेट करता है, और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है जो कि कॉमन टाइप का मेटाबोलाइट है जो बहुत से फंगल पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये प्लांट में अर्ली डिफेंस रिस्पॉन्स को एक तरीके से सप्रेस कर सकता है. तो ए एंड बी यहाँ पे सही हो जाते हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है. अगला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द डिफेंस सिग्नलिंग पाथवे लोकली एक्टिवेटेड फॉलोइंग द पैथोजन इन्फेक्शन और पेस्ट अटैक, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन. जासमोनिक एसिड आइसोल्यूसिन कॉन्जुगेट लेवल राइजेस, द जास प्रोटीन इंटरैक्ट विद COI1 प्रोटीन एंड गेट डिग्रेडेड बाय 26S प्रोटीजोमल पाथवे, यस, ये तो हमने जासमोनिक एसिड पाथवे में पढ़ा, ये थ्रू एलिवेटेड रिएक्शन सॉरी एलिवेटेड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लेवल इनहेंस द SA मीडिएटेड डिफेंस सिग्नलिंग, सही बोला है, ट्रू. अंडर नॉर्मल अनइन्फेक्टेड कंडीशन NPR1 इज डिफरेंशियली लोकलाइज्ड इनटू द न्यूक्लियस, नहीं, ये साइटोसोलिक एरिया में देखा जा सकता है. जिबरेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग, नहीं, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते, ये भी गलत होता है. तो ए और बी यहां पर देखा जाए तो सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द सेल टॉक्सिसिटी ड्यू टू द हैवी मेटल इन द प्लांट, तो हैवी मेटल से रिलेटेड जो स्ट्रेस कंडीशन है उस पर ये सवाल पूछा गया है. बोला है द अपटेक ऑफ हैवी मेटल डज नॉट लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ रॉस, ये गलत है, बिल्कुल रॉस का एक्युमुलेशन होता है. दे यूजुअली मिमिक द एसेंशियल मेटल लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा टू टेक प्लेस इन द एसेंशियल रिएक्शन, बिल्कुल सही है. आयन चैनल दैट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल मेटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी मेटल, गलत. हैवी मेटल का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑक्सीजन टू फ्यूल, ऑल्दो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, देख सकते हैं आप कि बोला गया है कि ये मेटल जो है ये मिमिक कर सकते हैं अदर एसेंशियल मेटल को, जैसे कि हो गया कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये स्टेटमेंट भी हमने सेलेक्ट किया है. और साथ ही साथ हैवी मेटल जो है डायरेक्टली इंटरैक्ट करके रॉस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या बोला है, दे इंटरैक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दी रॉस, तो ये भी हमने स्टेटमेंट सही कर दिया है. इस बेसिस पे चले तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पहला है एवीआर प्रोटीन प्रीडोमिनेंटली हैव अ सेक ए सिक्रीशन सिग्नल, ठीक है. एवीआर प्रोटीन आर सिक्रीटेड थ्रू द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम, नहीं, टाइप 2 से होता है. Hypersensitivity response and pathogenicity. Cluster protein are involved in the secretion of AVR protein. Okay, सही है. Some of the component of T3SS pathway are conserved between the animal and plant pathogenic bacteria. ये भी सही है. तो इस basis पे अगर हम चलते हैं. Okay, sorry. इसका हमने उल्टा explanation ले लिया. Yes, second independent pathway ना, हमने second secretion pathway को सही कर दिया. हाँ, तो ये वाला पहला वाला statement गलत होगा. Second वाला सही होगा. Type 3 को ही ये use करता है. Type 3 को use करता है. ये है ये actual में sec A independent pathway माना जाता है. मैंने actually यहाँ पे गलत read out कर लिया. मैंने independent सोच लिया यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया था. तो जो type 3 system होता है secretion system, actual में क्योंकि इसमें sec A involved नहीं है, इसलिए इसको independent pathway कहा जाता है. और पहला वाला option में बोला था कि sec A secretion pathway के through होता है ये. तो ये गलत हो गया. एंड type 3 जो बोला गया है कि yes type 3 को use किया जाता है, तो yes बिल्कुल सही बोला है. Type 3 को use किया जाता है, जिसे हम sec A independent pathway कहते हैं. तो ये हमारा सही हो जाता है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. ये हमारा सही हो जाता है, ए हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे sec A prominent pathway बोला है, जबकि क्या होता है, that is sec A independent pathway होता है. इसलिए नजर हटी, दुर्घटना घटी, इस टाइप का सीन होता है. चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन. बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल इज वाइडली यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक की तरह कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो सकता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, नहीं, सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल होता है, जासमोनिक एसिड नहीं, जिबरेलिक एसिड. रिकॉग्नाइज्ड फैमिली ऑफ पीआर प्रोटीन इन द प्लांट एंड देयर एक्टिविटी आर लिस्टेड इन द कॉलम एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है. तो आपको पीआर प्रोटीन की मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है ऑलरेडी. तो इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो जो कि मुझे याद है वो है PR3, जो कि काइटिनेज को कोड करता है. तो मैं बी के बेसिस पे सेकंड ले सकती हूँ, ठीक है, बी का 2. PR2 की अगर हम बात करते हैं तो PR2 एक्चुअल में beta-1-3 ग्लूकेनेज को कोड करता है. तो ये हो गया आपके ए का फर्स्ट. PR6 की बात करते हैं तो PR6 एक तरीके से जो है कैसे प्रोटीनेज इनहिबिटर की तरह काम करेगा. तो ये हो गया सी का थर्ड. तो ये तो लग रहा है इन्होंने अरेंज करके ही देख रखा है क्वेश्चन में. PR10 हो गया तो एक लास्ट में बच गया, दैट इज राइबो न्यूक्लियस लाइक. तो ये हो गया डी का फोर्थ. तो इस बेसिस पे चलते हैं अगर हम, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन. यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे PR3 के बारे में बोला पूछा है, ये टेबल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, दैट इज काइटिनेज. उसके बाद PR2 के बारे में पूछा है, PR2 जो कि हो गया beta-1-3 ग्लूकेनेज, राइट. PR6 के बारे में पूछा है जो कि हो गया प्रोटीनेज इनहिबिटर, एंड PR10 के बारे में पूछा है जो कि हो गया राइबो न्यूक्लियस. अगला है गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर प्राइमरी इफेक्ट, इसके इफेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है. आपको करेक्ट मैच द फॉलोइंग करना है. वाटर डेफिसिट कंडीशन क्या करेगा, वाटर प्रेशर को कम कर देगा, तो ये फोर्थ के साथ मैच हो जाता है. फ्लडिंग क्या करेगा, बहुत ज्यादा पानी हो जाए तो हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा रूट में, तो ये हो गया सेकंड. हाई लाइट इंटेंसिटी क्या करेगा, फोटो इनहिबिशन करेगा, तो ये हो गया थर्ड. एंड सैलिनिटी क्या करेगा, सैलिनिटी जो है आयन टॉक्सिसिटी करवा देगा, दैट इज फर्स्ट. तो ए का फोर्थ, ए का फोर, बी का वन, ए का फोर दो में है, बी का वन एक ही में है. सी का टू, सी का टू ही मैच हो गया, एंड डी का थ्री, डी का थ्री, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है.
अगला विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंडक्शन ऑफ डिफरेंसिंग पीडीएफ 1.2 इन अरेबिडोप्सिस। देखिए ये क्वेश्चन रीफ्रेम हुआ है, अभी हमने एक पार्ट सी में ऐसा क्वेश्चन देखा था और ये पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको रीफ्रेमिंग कहते हैं। तो हमने वहां पे कहा था कि भाई सैलिसिलिक एसिड तो करेगा नहीं, वाउंडिंग करेगा नहीं, आईएनए भी करेगा नहीं, इट विल बी इथिलीन, इथिलीन और मिथाइल जासमोनेट इसका प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से इसको इंड्यूस कर रहे थे। ऑप्शन में हमारी इथिलीन है तो वी विल बी गोइंग विद इथिलीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी जो इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे पीडीएफ 1.2 के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे मैंने उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ऐड कर दिए हैं, तो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बिलो आर सम ऑफ द प्रपोज्ड रोल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन प्लांट डिफेंस। आरओएस का रोल दिया गया है प्लांट के डिफेंस में, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। बोला है H2O2 मे बी डायरेक्टली टॉक्सिक टू द पैथोजन। H2O2 जो है डायरेक्टली टॉक्सिक हो सकता है पैथोजन के लिए, सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन H2O2 यू नेक्स्ट है H2O2 लीड टू द इंड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यस कर सकता है। H2O2 प्रोडक्शन इज ऑलवेज डिलेड ड्यू टू द इनकंपैटिबल इंट्रैक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से चलते हैं, तो हमको लग रहा है ABC तीनों सही लग रहे हैं, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला है फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्टूडेंट अपॉन यूजिंग 2,6 डाइक्लोरो आइसोनिकोटेनिक एसिड दैट इज INA टू इंड्यूस सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन टबैको INA ट्रीटमेंट। तो क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि INA ट्रीटमेंट से जो है हम SAR को इंड्यूस कर सकते हैं। तो INA ट्रीटमेंट क्या करेगा, ऐसा आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो देखिए INA के बारे में मैं आपको बता दूं, INA और सैलिसिलिक एसिड जो है ये दोनों ही पोटेंट इंड्यूसर हैं जो कि प्लांट में डिफेंस रिस्पांस को इंड्यूस करते हैं, जिसमें कि PR प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, एंड द डेवलपमेंट इनहांस द डिजीज रेजिस्टेंस, यानी SAR को ये करवा सकते हैं। अब आपसे ऑप्शन में पूछा है क्या, अगर हम प्लांट को INA से ट्रीट करें तो ये सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन प्लांट में बढ़ा देगा, बट ये ऐसा क्यों करेगा, ये सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहा है, ये अलग से PR प्रोटीन और SAR को करा रहा है, राइट, ये सैलिसिलिक एसिड को इंड्यूस करके नहीं करा रहा है। नेक्स्ट है इट डज नॉट इनहेंस द सैलिसिलिक एसिड कंसंट्रेशन इन द प्लांट्स, एक्जैक्टली ये अपने आप में करवा रहा है। अगला इट फेल टू एक्टिवेट SAR इन द NAGI एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग प्लांट। आपको याद होगा अभी हमने NAGI जीन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम ये देख रहे थे कि एक ऐसे एंजाइम को कोड करते हैं जो कि सैलिसिलिक एसिड को मेटाबोलाइज करके दैट इज कैटेकोल में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये फेल थोड़ी होगा, वैसे भी INA का काम है कि वो खुद अकेले अपना SAR रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा, PR प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, तो इसका लेना देना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे मेटाबोलाइज होगा, राइट, लेकिन INA तो रहेगा तो उसमें तो SAR रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो ये गलत है। अगला है इट एक्टिवेट द SAR इन NAGI एक्सप्रेसिंग प्लांट, बिल्कुल एक्टिवेट कर सकता है। तो देखा जाए तो हमको बी एंड डी यहाँ ऑप्शन हमको यहाँ पे सही लग रहा है। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन और करेक्ट को पिक करना है, तीन तीन का कॉम्बिनेशन है, यानी कोई तीन सही है एक गलत है। बोला है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व फॉलोइंग द इन्फेक्शन बाय द कंपैटिबल पैथोजन, सही है। इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस इज एक्वायर्ड फॉलोइंग द इन्फेक्शन विद द कंपैटिबल पैथोजन, नो इनकंपैटिबल पैथोजन से प्राइमिंग की जाती है, राइट, ये कंपैटिबल नहीं होगा, इनकंपैटिबल होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन इंड्यूस इफेक्टिव ट्रिगर इम्यूनिटी लीडिंग टू द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स लोकली, सही है। NPR1 मोनोमर दैट इज रिलीज इन द साइटोसोल ड्यू टू द साइक्लिक सैलिसिलिक एसिड एक्यूमुलेट रैपिडली ट्रांसलोकेटेड टू द न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो अगर हम बी को हटा दें तो ACD सही हो जाता है, दैट इज सेकंड सही हो जाता है। अगला है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन। हेमीबायोटॉपिक पैथोजन कैन कैरेक्टराइज बाय इनिशियली कीपिंग द होस्ट सेल अलाइव फॉलोड बाय एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इन्फेक्शन, सही है। एफेक्टर्स आर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन होस्ट प्लांट, नहीं भाई पैथोजन में रहते हैं। प्लांट पोजेस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर दैट इज PRR दैट परसीव द माइक्रोब्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न दैट इज MAMP प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर एब्सेंट इन द होस्ट, बिल्कुल सही शो बोला ना। फाइटोलेक्सिन प्रोडक्शन इज कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो बी गलत है, ACD तीनों सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद होस्ट फाइटोपैथोजन आर नोन टू डिलीवर एफेक्टर इज डायरेक्टली इन टू द होस्ट सेल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द रोल ऑफ दीज एफेक्टर प्रोटीन्स, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बोला है कि ये एफेक्टर जो है प्रमोट कर सकते हैं पैथोजन विरुलेंस को, बिल्कुल सही। दे मे एलिसिट द ए विरुलेंस रिस्पॉन्स, यस। दे मे सप्रेस द डिफेंस रिस्पॉन्स, बिल्कुल। दे मे प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, नो, राइट। तो इस हिसाब से चले तो ABC यहाँ पे सही हो जाता है, ABC यानी कि थर्ड ऑप्शन। गिवन बिलो आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। बोला है द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR अपॉन परसीविंग द पैथोजन और माइक्रोब एसोसिएटेड पैटर्न दैट इज PAMP और MAMP इट एक्टिवेट द प्लांट डिफेंस रिजल्टिंग इन द PTI, सही बोला है। AVRPTO इज अ रेजिस्टेंस जीन इन टोमेटो दैट एक्ट अगेंस्ट द पैथोजेनिक अटैक बाय द बैक्टीरियम सूडोमोनास साइरिंजिन पीवी टोमेटो। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये जो AVRPTO जीन है ना ये एक्चुअल में सूडोमोनास साइरिंजिन पीवी टोमेटो का ही होता है, तो यहाँ पे क्या बोला ये इसके अगेंस्ट में काम करता है बोल दिया है, तो ये हो गया गलत। एनीवेज अगर आपको नहीं भी पता है तो बाकी तीन ऑप्शन हमको पता है कि सही होंगे या गलत होंगे, उसके बेसिस पे भी आप सही ऑप्शन पे पहुंच सकते थे। द एफेक्टर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय पैथोजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आर जीन प्रेजेंट इन द प्लांट रिजल्टेड इन द डिफेंस स्ट्रेटजी नोन एज द PTI, बिल्कुल सही बोला है। ट्रू डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर द प्लांट ड्यूरिंग द PTI आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन दोज ड्यूरिंग द ETI, नहीं ETI का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू द PTI, ये भी हमने पढ़ा, तो ये हो गया गलत। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, यानी A और C सही हो गया, यानी कि थर्ड सही।
अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटीन इज टारगेटेड बाय एचसी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द मेज फंगल पैथोजन कोकिलोबोलस कार्बोनम। तो एचसी टॉक्सिन का अभी अभी हमने एक और क्वेश्चन डील किया था, राइट? तो हमने देखा था कि हिस्टोन डीएसीटाइलेज को टारगेट करता है। अगला है NPR1, which is an expressor of pathogenesis related gene 1, and the two SA receptor, that is NPR3 and NPR4, are known to play important role in SA-mediated plant defense. The following statement were made regarding the role in the infected and non-infected tissue of the plant. आपको बताना है correct statement. बोला है infected tissue SA bind करता है NPR3 से, जिसकी वजह से NPR1 का degradation होता है और उस cell में cell death होती है. बिल्कुल सही बोला है, true. अगला है, in the infected tissue SA bind करता है NPR4 से, नहीं NPR3 से bind करता है. भी गलत हो गया. नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू में ऐसे बाइंड करता है NPR4 से, यस. ब्लॉक करता है NPR1 का डिग्रेडेशन, यस. उसकी वजह से वो वाला सेल सर्वाइव करता है, बिल्कुल. नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू यानी कि डिस्टेंट टिश्यू जिसमें कि एक्चुअल में PR प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर दिया जाएगा, राइट, SAR के टाइम पे. तो ये ट्रू बोला है. बोला नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू में ऐसे NPR3 को 3 से बाइंड करता है, नहीं. तो हमारा ए एंड सी सही हो जाता है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन. आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे बाइंड कर रहा है, हमें इन्फेक्टेड की बात की गई थी. Which one of the following statement related to the component and feature of senescence in the plant is incorrect? Senescence के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था, right? बोला है program cell death in a plant may generate the functional cell and tissue. बिल्कुल, इसका example हम megasporogenesis में देख चुके हैं. True है. Senescence can be induced by the application of cytokining and delayed by overexpression of salicylic acid. गलत. पूरा उल्टा बोल दिया है. इनफैक्ट साइटोकाइन को याद कीजिए, हम लोगों ने ग्रीन आइलैंड नाम का एक्सपेरिमेंट भी देखा था, जिसमें कि लीफ में एक जगह पे अगर साइटोकाइन ड्रॉप ड्रॉप डाला जा रहा है तो वो एरिया खाली ग्रीन रह जा रहा था, बाकी एरिया में सेनेसेंस शुरू हो गया था, राइट. तो ये सेनेसेंस को इंड्यूस नहीं करता है, ये एक्चुअल में सेनेसेंस को डिले करता है. तो ये हो गया गलत, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था. प्लांट डिफेक्टिव इन ऑटोफाजी डेमोंस्ट्रेट एक्सेलरेटेड प्लांट सेनेसेंस, यस. उसमें ऑटोफाजी में डिफेक्ट होगा तो उसमें सेनेसेंस तेज हो जाएगा. लीफ सेनेसेंस इज डिक्टेटेड बाय द NAC एंड WRKY जीन फैमिली, यस. इन दोनों जीन फैमिली के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है. तो हमारा आंसर हो गया सेकंड. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एचसी टॉक्सिन आ गया यहाँ पे. सब क्वेश्चन की रीफ्रेमिंग है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम सितंबर और फेब 2022. आपको वो मैच द कॉलम करना है. एचसी टॉक्सिन क्या करता है? इट विल इनहिबिट दी ए का हो गया स्टोन डीएसीटाइलेज को इनहिबिट करेगा, राइट. उसके अलावा फ्यूजिकोकिन क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा H+ATPase को. GA3 क्या करेगा? एक्सेलरेट कर देगा ग्रोथ को. और डी हो गया हमारे पास स्टाइल, जो कि एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक पोस्ट जीन एक्सप्रेशन, जो कि हो गया फर्स्ट. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे टैल के बारे में बता रखा है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर. जेंथोमोनस फंक्शन एज अ विरुलेंस फैक्टर बाय एक्टिवेटिंग द होस्ट जीन इंपॉर्टेंट फॉर द डिजीज, और एज अ ए विरुलेंस फैक्टर बाय टर्निंग ऑन द जीन दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ लिया गया था. ओके, अगला क्वेश्चन है अगेन ग्लाइकोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स के बारे में. इसका भी मैंने आपको बहुत मतलब कि अच्छे से डिफरेंसेस आपको बता के रखे हैं, राइट. जैसे कि सेलिनिटी स्ट्रेस में हमने इन दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ा था, ग्लाइकोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स में क्या डिफरेंस है. तो बोला है ग्लाइकोफाइट्स इनहेंस द अपटेक ऑफ आयंस, इज दैट सो? नहीं. देखिए, ये रिड्यूस करता है अपटेक ऑफ आयंस को. ग्लाइकोफाइट्स एक्टिवली पंप आयन बैक इनटू द सॉइल. देखिए, दे एक्टिवली पंप दीज आयंस बैक इनटू द सॉइल. ये तो सही हो गया, बी सही हो गया. नेक्स्ट है, हेलोफाइट्स हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट नेट आयन अपटेक इन द शूट. ओके, लेट्स सी. यस, दे हैव द ग्रेटर एबिलिटी टू रेजिस्ट सोडियम अपटेक इनटू द लीफ सेल. बिल्कुल सही, तो शूट में यहाँ पे लीफ सेल आ जाएगा, तो ये भी सही है. हेलोफाइट्स हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर द वैक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ आयंस. लेट्स सी दैट. यस, देख सकते हैं इनके पास ग्रेटर कैपेसिटी होती है वैक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन करने की आयंस के लिए. तो ये भी सही है, ट्रू, राइट. तो ए गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है. बी भी सही देख रखा है, तो बी सी डी यहाँ सही हो गया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा सही. ओके, अगला क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम 2018 आई गेस. एनीवेज, आप लोग चेक कर लीजिएगा. कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है. तो जितना ज्यादा आप क्लोज टू वाले ऑप्शन पिक करेंगे उतना ही आसानी होगी हमारे पिक करने में. जैसे वैक्सी क्यूटिकल्स का पता है हमको कि वाटर लॉस को एक तरीके से रिड्यूस करेंगी, तो ए का हम 3 ले सकते हैं. उसके बाद थिकन एंड लिग्निफाइड सेल वॉल क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. होम्योहाइड्रिक होल्ड पे रखते हैं, जो आपको अभी मान लीजिए पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं है. पिगमेंटेशन हमको पता है कि हमें प्रोटेक्शन दे सकती है, प्लांट में प्रोटेक्शन दे सकती है अगेंस्ट द एक्सेस लाइट. तो ये हो गया डी का सेकंड. तो अब इतने सारे मैच हो गए हैं, तो सीधी सी बात है सी का जो है फोर्थ मैच हो जाएगा, राइट. तो ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2. तो होम्योहाइड्रिक के बारे में अगर हम देखते हैं, तो होम्योहाइड्रिक क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट टू रेगुलेट और अचीव होम्योस्टेसिस ऑफ सेल और टिश्यू वाटर कंटेंट. सो होम्योहाइड्रिक इवॉल्व इन द लैंड प्लांट to a lesser or a greater degree during the transition to the land more than a 500 million year ago and is most highly developed vascular plant. So, ये vascular plant है and that is why हमने इसके लिए option vascular system. Okay, ये जो question है ये I think मैं आपको phytohormone में करा चुकी हूँ, mainly ABA से related ये question है. ये हमने phytohormone में already कर लिया है, but all the question plant and stress physiology दोनों के बीच का है, ठीक है. इसको मैं फिर से नहीं करा रही हूँ. अगला है, the photo intensity captured by the green plant is used in the following process. Okay, based on the fact photo inhibition will happen when.
इसमें की प्रोसेस में दिया गया फोटोसिंथेसिस, जनरेशन ऑफ अ हीट, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स सच एज सुपर ऑक्साइड, सिंगलेट ऑक्सीजन एक्सेट्रा, डैमेज टू द D1 प्रोटीन ऑफ फोटोसिस्टम 2. ओके, आपको बताना है कब फोटो इनहिबिशन होगा, जब व्हेन एंटायर फोटो इंटेंसिटी इज यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस, नो, व्हेन द एक्सेस फोटो इंटेंसिटी इज कंप्लीटली यूज फॉर द हीट जनरेशन, नहीं, व्हेन एक्सेस फोटो इंटेंसिटी इज यूज फॉर द हीट जनरेशन फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, नो, व्हेन एक्सेस फोटो इंटेंसिटी लीड टू द डैमेज ऑफ D1 प्रोटीन, यस, इस टाइम पे जो है फोटो इनहिबिशन हो जाएगा. फोर्थ, अगला है फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन द प्लांट, आपको पिक करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन, तीन तीन का कॉम्बिनेशन यानी तीन ऑप्शन सही और तीन स्टेटमेंट सही होगा, एक गलत होगा. बोला है द एक्युमुलेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज प्रीडोमिनेंटली रिस्ट्रिक्टेड टू द वैक्यूम, यस, इन ऑर्डर टू मेंटेन द वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम विद इन द सेल, अदर सॉलिड और कंपैटिबल ऑस्मोलाइट एक्युमुलेट इन द साइटोप्लाज्म, सही है. गैलेक्टोज इज वन ऑफ द कंपैटिबल ऑस्मोलाइट, नहीं, गैलेक्टोज जो है ये ऑस्मोलाइट नहीं है. देयर आर मेनली फोर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट फ्रीक्वेंटली सर्व्हाइस आर कंपैटिबल सॉलिड, एग्जैक्टली. हमारे पास आंसर हो गया ए बी डी, ए बी डी यानी कि थर्ड ऑप्शन खाया गया है आपको कंपैटिबल सॉल्यूट्स के बारे में. अगला है मेनी फैक्टर रिलेटेड टू द रोल ऑफ एब्सेसिक एसिड इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्राउट कोल्ड एंड सॉल्ट स्ट्रेस रेजिस्टेंस इन द प्लांट आर लिस्टेड बिलो, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन रिस्पेक्ट टू द एबीए. पहला है द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DREB1 एंड DREB2 बाइंड टू द सिस एक्टिंग एलिमेंट ऑफ प्रमोटर ऑफ एबीए रिस्पॉन्सिव जीन इन द एबीए डिपेंडेंट मैनर, सही है. एबीए इंड्यूस मेनी जीन्स सच एज द लिया एंड RD29, सही है. एबीए रिस्पॉन्सिव जीन कंटेन 6 न्यूक्लियोटाइड प्रमोटर. अगला है 9 न्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट DRE आर प्रेजेंट इन एबीए रिस्पॉन्सिव जीन, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमको दिया नहीं गया है. तो आप अगर मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें कि ए बी सी एंड डी ऑप्शन होना चाहिए था, राइट, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है. तो खाली ए को हम हटा दें तो अगर आप में से कोई बच्चा मतलब कि जब भी क्वेश्चन आया था तब की बात की जाइए तो ए फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन किसी बच्चे ने पिक किया तो उसको नंबर मिल गए थे, वेरी ऑब्वियस. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, राइट. क्वेश्चन पूछा गया था, इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, which of the following mechanism is not involving providing photo protection in the plant, कौन सा mechanism photo protection नहीं करवाता है, degradation of a D1 protein करवाता है, zeaxanthin cycle, sorry, zeaxanthin cycle, yes, thermal dissipation भी कराता है, photolysis of water जो है ये photo protection में involved होता है. The membrane of chilling sensitive plant are characterized by chilling sensitive plant में क्या होता है, higher proportion of saturated fatty acid, बिल्कुल राइट, इसलिए चिलिंग सेंसिटिव होते हैं, लोअर ट्रांजिशन टेंपरेचर भी नहीं, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड भी नहीं, लोअर ट्रांजिशन ऑफ टेंपरेचर एंड हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी. ओके, अगला है अगेन क्वेश्चन, ये हमने आई थिंक सैलिनिटी स्ट्रेस में ये एक्सपेरिमेंट हमने ये केस स्टडी हमने पढ़ा था. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. पहला है ग्रुप 1A ये वाला है, बोला है ये एक्सट्रीमली हेलोफाइट से वाइल्ड वेरी सॉल्ट सेंसिटिव, ग्रुप जो है वो ग्रुप 3 है, ये है ग्रुप 3, तो ये सही बोला है. 1A को बोला है सॉल्ट सेंसिटिव, नहीं, गलत है. 1B को बोला है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं सॉल्ट को, बट इनका ग्रोथ रेट हो जाता है, तो ये रहा दैट इज 1B, राइट, ये ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही है. अगला है नॉन हेलोफाइट जो कि विच आर सॉल्ट टॉलरेंट बट लैक सॉल्ट ग्लैंड को जो है हम ग्रुप 2 में प्लेस करेंगे, यानी यहाँ प्लेस करेंगे, बिल्कुल इस हिसाब से चलते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत बोला गया. अगला है व्हाइल स्टडिंग द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेस ऑन अ प्लांट अ रिसर्चर ऑब्जर्व वाटर पोटेंशियल रिडक्शन एंड सेलुलर डिहाइड्रेशन. ओके, वाटर पोटेंशियल कम हो गया और सेल डिहाइड्रेट कर गया, यानी पानी की पूरी कमी हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस में कॉज ऑब्जर्व्ड इफेक्ट. ओके, वाटर डेफिसिट में होगा ये इफेक्ट, सैलिनिटी में भी होगा, चिलिंग में पानी की कमी थोड़ी होगी, ज्यादा ठंडा रहेगा, तो ये गलत हो गया. सैलिनिटी ठीक है, हाई टेम्परेचर ठीक है, फ्लडिंग में देखिए अगेन डिहाइड्रेशन बोला है, कहां से होगा फ्लडिंग में, तो पानी ज्यादा हो गया. फ्रीजिंग में पानी की कमी हो जाएगी, सैलिनिटी में भी पानी कमी हो जाएगी, वाटर डेफिसिट में भी हो जाएगी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया, यहाँ फ्रीजिंग सही है, चिलिंग नहीं होगा, फ्लडिंग. अगला फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट द लो टेंपरेचर स्ट्रेस इन द प्लांट, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन. बोला है फैटी एसिड कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम चिलिंग रेजिस्टेंट एंड चिलिंग सेंसिटिव प्लांट डिफर सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल करेंगे, पर चिलिंग सेंसिटिव जो है सेंसिटिव है, राइट, और एक तरीके से जो चिलिंग रेजिस्टेंट है वो दोनों का जो फैटी एसिड कंपोजिशन होगा वो ऑब्वियसली डिफर करेगा, सही है. रेशियो ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड इज लोअर इन द चिलिंग रेजिस्टेंस स्पीशीज, नहीं, बिल्कुल गलत बोला है. The cellular water does not freeze even at a minus 40 degrees Celsius because of the presence of solute and other anti-freezing proteins. तो कुछ जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसको एक तरीके से फ्रीज नहीं होने देते हैं, इवन टेम्परेचर कितना ही डाउन क्यों ना चले जाए, तो यस ये सही है. हीट शॉक प्रोटीन डू नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर स्ट्रेस, बिल्कुल करता है. तो अगर देखा जाए तो ए और सी सही लग रहे हैं, दैट इज सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है. सो विद दिस वी आर डन विद स्ट्रेस फिजियोलॉजी क्वेश्चन. आपने देखे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन थे, राइट, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों स्ट्रेस को मिला के हमने क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व कर लिया. बट यही है कि बायोटिक स्ट्रेस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व तो हो जाते हैं, बट अगर रिवीजन नहीं है तो फिर सॉल्व नहीं होंगे. और आपने देखा कि मतलब कि मैक्सिमम पोर्शन, राइट, 95% पोर्शन जो हमने पढ़ा है उन सारे पोर्शन से क्वेश्चन इजिली आ गए हैं. 5% पोर्शन ऐसे हैं क्वेश्चन के जो कि हमको पेपर वगैरह से पूछ लिए गए हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है वेरी ऑब्वियस. लेकिन यस, वी कैन फोकस ऑन दैट 95% जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं. तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर लिया होगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और आपने इस सेशन के थ्रू क्रॉस चेक कर लिया होगा कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए और क्यों. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय.